एक बार देखो कनेक्शन हुआ है कि नहीं। हाँ हेलो, देख लो बच्चा लोग, जितना लोग मेरे से जुड़ रहा है एक बार अपना चैट बॉक्स में कमेंट कर लो भाई। हेलो, आया है? आ गया ना? चलो हेलो हेलो, चलो फिर अब हम लोग यहाँ से अपना, आज हम लोग अपना टैक्स का रिवीजन लगाने वाले हैं। 1 मिनट बाकी है, तब तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, फिर हम लोग 11:30 से अपना क्लास शुरू करेंगे। थैंक यू शहनवाज, थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टिंग, आज हम लोग टैक्स का रिवीजन लगाएंगे। ये वाला वीडियो तुम लोग को यूट्यूब में मिला रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा। कि जो अभी हम लोग के साथ देख रहा है वो अपना डाउट यहाँ पे पोस्ट कर सकता है, और ये वाला रिकॉर्ड यूट्यूब का जो वीडियो है ये आपके पास अवेलेबल रहेगा, तो आप लोग देख सकते हो। तो चलो आज हम लोग अपना रिवीजन क्लास का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं। ये अपने लोग का सेमेस्टर एग्जाम, जो अपना शियू का जो कॉलेज का एग्जाम होता है ना, सेमेस्टर 4, सेम 4 पेपर का नाम है आपका टैक्स 1। आज हम लोग ये वाला सब्जेक्ट का रिवीजन लगाने वाले हैं। इस रिवीजन का मेजर पर्पस ये है कि, ये सबसे पहला बात मैं कुछ डिस्क्लेमर दे देता हूँ, तुम लोग कुछ सुन लो, ये डिस्क्लेमर है भाई। तुम लोग ये मत समझ के जाना कि ये वीडियो देख लेंगे और अपने एग्जाम में जाके हम लोग लिख के चलाएंगे, ये भाई कतई पॉसिबल नहीं है। सुन लो ये वाला बात, ये पॉसिबल नहीं होगा। तुम लोग का ये जो आपका वीडियो हो रहा है, ये आपके जो रिवीजन लेक्चर है, इसका सिर्फ एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आप लोगों ने जो पहले से पढ़ के रखा है उसका एक बार जस्ट रिवीजन हो जाए, ताकि आप एग्जाम से पहले आप लोग को पूरा आइडिया मिल जाए और आपका दिमाग में वो चीज। आवाज आ रहा है? ओके चलो, तो हम लोग शुरू करते हैं। आप आ जाओ, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला एक तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर लेते हैं। ये जो टैक्सेशन का पेपर है इसको हैंडल करना, ये एक तो वास्ट सिलेबस होता है, तुम लोग भी देखा ही होगा, जो जो पढ़ा है उसको देखा ही होगा, कितना बड़ा बड़ा चैप्टर्स है यहाँ पे। हर एक चैप्टर अपने आप में एक 30 मार्क खान है, जब आप उसको पढ़ने बैठोगे तो आपका यहाँ पसीना छूटना शुरू हो जाता है, अवस्था थोड़ा 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 दिल का जो धड़कन होता है थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, ये तो गला थोड़ा सूखने लगता है चैप्टर सब पढ़ने के बाद। तो सर वो सारे चैप्टर आप कैसे करोगे? तो सर इसके लिए एक आइडिया बनाते हैं। सबसे पहले अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग किस तरह से आप लोग को प्रोसीड करना अपना रिवीजन पर्पस है। ओके, आप लोग एक बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न जो है वो एक बार देख लीजिएगा। सर ये जो मुझे आप लोग को इसमें कुछ लिखना पड़ेगा, तो पहला बात सुन लो, जिसको लिखना है वो लिख सकता है, अगर जो लिखना नहीं चाहता है, यहाँ पे जितना भी नोट्स होगा वो सारे के सारे नोट्स हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोग को शेयर करवा देंगे। सर टेलीग्राम चैनल कहाँ पे है? आप लोग क्या काम कीजिएगा, अपना टेलीग्राम में जाके A2C, ये A2C नाम से टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम लोग के इंस्टीट्यूट का लोगो भी लगा हुआ है, वो लोगो में जाके आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, तो यहाँ पे जो भी आने वाले समय में जितने भी चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स आएंगे वो सारे के सारे नोट्स आपको वहां प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, अब चलिए सर ये वाला, अगर जिसको A2C नहीं मिला है उन लोग को भी बता देता हूँ, सुनिए, अगर आप लोग को नहीं मिल पाया है तो एक काम कीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स पे मैं उस टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उसे क्लिक करना और आप लोग सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, तब शुरू करते हैं। आइए, ये रहा टैक्स 1। टैक्सेशन 1 में सबसे पहला बात आप लोग अगर गौर कीजिएगा तो हम लोग का जो सीयू का यूनिवर्सिटी है ना, जो सीयू में है, देखोगे तुम लोग, मतलब सर नहीं समझ में आया, मतलब सर आपका जो पैटर्न है ना, एक्चुअल में ये जो आपका पैटर्न है, ये पैटर्न सर आपका 2 टाइप का था। देखो ये कहां सर, ये कहां से पता चला सर ये 2 टाइप का था? अगर इसको सिंपल सिंपल तरीके से बताएं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोल सकते हैं, इसको बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, सुनो, आप लोग इस चीज को समझेंगे एग्जाम का पैटर्न हम लोग का अलग अलग कैसे था। सबसे पहले ये देखिए, एक था हम लोग के पास प्री कोविड, एक है अपना पोस्ट कोविड,
ठीक तो, और एक तो था सर ड्यूरिंग कोविड, यही तो एक ड्यूरिंग कोविड था अपने लोग के पास, एक प्री कोविड था, एक पोस्ट कोविड था, एक ड्यूरिंग कोविड था। प्री कोविड में और पोस्ट कोविड में मोस्ट प्रोबली यही माना जाता है कि प्री कोविड का जो पैटर्न था और पोस्ट कोविड का जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है, जबकि हम लोग ड्यूरिंग कोविड में तो हम लोग सब घर में अरेस्ट हो गए थे, सब घर में पड़े हुए थे, पढ़ाई लिखाई का सत्यानाश हो चुका था। तो वहां पे सीओ हम लोग को थोड़ा छूट दे रहा था कि भाई आप एग्जाम थोड़ा आराम से दीजिए, लाइट से दीजिए, कोई दिक्कत दिक्कत है नहीं। लेकिन सर आप कोविड कोविड महाराज चले गए, तो सर हम लोग का जिंदगी में थोड़ा सा तर्क, थोड़ा सा टेंशन बढ़ने लगा, बहुत जन का प्रेशर भी हाई होने लगा। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, अब आप लोगों ने यहाँ मदद करूँ। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, ड्यूरिंग द कोविड पीरियड मतलब सर आप लोग का जो 2020 और 2021 का जो पेपर होता था ना, 2020 और 21 का जो पेपर होता था, यहाँ पे सर आपका पेपर में क्या होता था पता है? आपका जो पेपर होता था वो दो ग्रुप में बटा होता था, एक होता था ग्रुप ए, एक होता था ग्रुप बी। ओके, दो ग्रुप होता था, ग्रुप ए ग्रुप बी। सर ग्रुप ए में क्या होता था देख लो, ग्रुप ए में सर आप लोग के पास होता था 10x40, 10x4 क्वेश्चन रहता, 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते थे। ओके, आसान बात है सर, यहाँ 40 आपको मिल जाता, तो मतलब सर सीधा सीधी बात, ग्रुप ए में 40 मार्क्स आता था और ग्रुप बी में भी सर आपका 40 मार्क्स आता था, लेकिन सर यहाँ पे क्या होता था पता है? यहाँ पे 20x2 आता था। ये क्या होता था सर? 20x2 मतलब दो क्वेश्चन रहता था 20 20 मार्क्स। वाह भाई बड़ा अच्छा था, बहुत मजा आता होगा। अब सबसे पहले और हैरानी वाला बात बताता हूँ, सुनो, यहाँ पे हम लोग को 4 क्वेश्चन करना पड़ता था ग्रुप ए में, ग्रुप ए में हम लोग को 4 क्वेश्चन करना होता था, लेकिन अपने लोग के पास कितना कितना क्वेश्चन रहता था पता है? 8, 8 में 4 क्वेश्चन करना होता। अरे भाई गजब मजा आ जाता, 8 में 4 क्वेश्चन करना है मतलब 4 छोड़ देना, करना कितना हो तो बात का बात है सर, पहले देख लेते कितना छोड़ना है, 4 पे छोड़ सकते हैं, मजा आ गया सर देखते। तो जब हम दूसरा पार्ट देखते थे जहां पे हम लोग को 20 मार्क्स का 2 दिया जाता था, वहां पे हम लोग को 4 क्वेश्चन दिया जाता था, क्वेश्चन कितने देते थे? 4 क्वेश्चन ये गिवन होते थे, ये आपके गिवन क्वेश्चन। सर अटेम्प्ट कितने करना है? इधर सर 2 करना है, इधर सर 4 करना है। ओके सर सही बात है, अच्छा लगा। सर ये जो 2 का क्वेश्चन होता था ना यहाँ पे, ये जो 2 क्वेश्चन आता था, अब आप ये बताइए तो एक्सपेक्ट करके बताइए कहाँ से आता हूँ, सोच के बताइए। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी टैक्स पढ़ा होगा तो सर आप लोगों को ये समझ में आता होगा कि ये सर कहाँ से आता होगा। देखिए सबसे पहले बताता हूँ, ये 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता था ना, ये सबसे पहले आता था सैलरी और एचपी, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों सर 40 मार्क्स के लिए आता था। आप समझ रहे हो ये 2 चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है? अगर कभी ये आ जाए तो सर खाना जाम हो जाता होगा, जब सवाल देखे तो भाई क्या है, जो आदमी सैलरी और एचपी करके नहीं जाएगा उसका क्या अवस्था होगा, तुमको समझ में आ रहा है एग्जाम में? ये ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द कोविड पीरियड हम लोग का अवस्था कुछ इस पैटर्न में चलता, देख लो कैसा कैसा पैटर्न है आप लोग के पास, ठीक है? इसमें कोई डाउट है तो ये वाला डिस्कशन तो दिख के लग ही रहा है सर, इसमें तो मोटा मोटी आप अगर देखोगे 4 चैप्टर भी करके जाओगे आप, तो इसमें आप स्कोर कर लोगे 80। यू कैन स्कोर मोर देन 80 मार्क्स बाई डूइंग ओनली 4 चैप्टर इन द गिवन पेपर। सर हाउ? देखो सर 40 मार्क्स तो आपको यहाँ मिल जाता होगा, 2 चैप्टर है सैलरी एचपी कर लो, 40 मार्क्स आ गए। थ्योरी का कुछ चैप्टर है वहां से 10 मार्क्स योर शॉट आता है, 50 हो गया, 20 मार्क्स का आपको कॉलेज देगा, 70 हो गया, और 10 कहीं ना कहीं से जुगाड़ लेंगे ही। पीजीपी का एग्जाम आता ही है, तुम लोगों को पता है कैसा सम होता है, वो जो आप लोगों को सिखाए थे नेट प्रॉफिट वाला मैथड वाला सम, तो वो वाला सम अगर आ जाता है तो सर वहां से भी 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा, लीजिए सर 80 मार्क्स करने का क्या था। लेकिन सर ये तो अच्छा बात, ये सारे के सारे अच्छे बात। अब हम लोग थोड़ा टेंशन वाला बात पे चलते हैं, जहां पे हम लोग बात करेंगे प्री कोविड और पोस्ट कोविड में कैसा पैटर्न हुआ करता है। चलिए एक बार वो पोस्ट और प्री का बात कर लेते हैं, जब हम लोग प्री और पोस्ट सेम ही है ना, तो चाहे प्री का बात कीजिए या पोस्ट का बात कीजिए आपको तो सेम रिजल्ट मिलने वाला है। तो सर प्री पोस्ट में आपका जो ग्रुप होता था वो 3 ग्रुप होते थे, कितने ग्रुप होते हैं? 3, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी, ठीक है सर? अच्छा लगा, पहले 2 ग्रुप होता था, अभी 3 ग्रुप हो गया, थोड़ा डर डर लग रहा है। अब सर ये सी ग्रुप जो है वो पीछे शुरू करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, यहाँ सवाल करने में थोड़ा अच्छा लगता है। सर यहाँ पे आपको सम करना होता है 15 मार्क्स के 2, कितने
15 मार्क्स के दो, तो सर यहां पे कितने मार्क्स आ गए आपके? 30। मजा आ गया सर, आप बताओ एक्सपेक्ट करो यहां पे कौन कौन सा क्वेश्चन आता हो, बस खेल खत्म। ये देखिए यहां पे जो दो सम आता है वो क्या क्या आता है, सैलरी एंड एचपी। तो सबसे पहला बात आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि सैलरी एंड एचपी तो करके ही है, कुछ भी कर लो सैलरी एचपी आपको करके ही है। अगर आप सैलरी आप नहीं करेंगे ना, देखिए ये 30 मार्क्स सीधा निकलेगा, पूरा एकदम फटका देगा, समझ में आ गया? तो सर कुछ भी कर लो, पहला चीज पहला गांठ बांध लो कि सैलरी एचपी करके जाना है, कुछ भी हो जाए सैलरी और एचपी करके जाना। मैं आप लोग को स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बता दूंगा, जो क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना है, अगर आप वो प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी सम आपको एग्जाम में मिलेगा आप उसको कर पाएंगे। मतलब सारा कॉन्सेप्ट वाइज वो चैप्टर, कॉन्सेप्ट वाइज वो क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे और वो सारे सम आप करते हैं। ओके, ग्रुप सी का बात हो गया सर। अब सर ग्रुप बी का बात करते हैं, जहां पर फिर से आता है सर आपका 30 मार्क्स। ओ माय गॉड सर, यहां भी 30 मार्क्स आता है? यस सर, यहां भी 30 मार्क्स आता है। और यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं वो सर 3 आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 3। मतलब सर सीधा सीधी बात बोलिए ना, 10 × 3 30 मार्क्स। अब देख लीजिए यहां पे क्या क्या क्वेश्चन आता होगा सर, एक बार बता दे रहा हूं, सुन लो। ये सारा का सारा जो चीज भी मैं लिख रहा हूं, इसका सारा का सारा डिटेल चीज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में सारा का सारा चीज मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम का नाम A2C है, वापस से बोल रहा हूं A2C, ये टेलीग्राम चैनल है, आप जाइए वहां पे, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका रिवीजन सेशन खत्म होते ही मैं जितना भी नोट्स आज का होता है मैं वहां अपलोड करता हूं। ओके, अब चलिए सर, ये 10 × 3 है, मतलब यहां पे 3 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। और ये सर 3 क्वेश्चन कहां कहां से आते हैं एक बार बता दीजिए सर। बता देते हैं सर, सबसे पहले यहां पे क्वेश्चन बनता है आपका PGBP से। ओ माय गॉड, PGBP का 10 मार्क्स। अब सर PGBP में कौन सा क्वेश्चन आता है थोड़ा बताइएगा, जरूर बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, थोड़ी ना तुम लोग का मेरे से कोई दुश्मन नहीं है, बताओ। अब ये 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है सर, सबसे पहला PGBP का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो कहां से आता है पता है? वो जो आप लोग PL वाला सीखे है ना, PL में दिया रहता है आपको, PL का प्रॉफिट से आपको टैक्सेबल प्रॉफिट में आना पड़ता है। यहां पर आप लोग 4, 5 या 6, 7 तो एडजस्टमेंट दिया रहता है, उस एडजस्टमेंट को करेंगे आप टैक्सेबल पार्ट पे आ जाते हैं, यही तो वो वाला पार्ट है, वो 10 मार्क्स का आता है। कभी कभी इसके साथ ऑप्शन रहता है सर, इसके साथ ऑप्शन में डेप्रिसिएशन का सम रहता है, यस सिर्फ डेप्रिसिएशन। ये दोनों PGBP का ये दो सम होता है ना, ये दो टाइप का सम है, एक पूरा टोटलिटी इनकम कैलकुलेट करने का, एक डेप्रिसिएशन निकालने का। तो अगर आप डेप्रिसिएशन वाला सम देखेंगे तो वो भी 10 मार्क्स के लिए ही आता है। ओके, और तुम लोगों का डेप्रिसिएशन का सम हम लोग कराए थे याद है, कितना सारा सम एक ही साथ में केस था, ए से ओ तक का केस था। तो पहला सर 10 नंबर समझ में आ गया, फर्स्ट 10 नंबर आपका PGBP से आने वाला। दूसरा कहां से आएगा सर ये बताइए, आप सोच के बताओ दूसरा क्या बचा? ये रहा सर CG, देख लो नाम क्या है इसका, CG। अब ये CG सर क्या करता है भाई? CG अब सर CG में भी 10 मार्क्स आता है सर, CG में 10 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनता होगा सोच के बता सकता है कोई? कभी देखा है CG? नाम सुना है CG का? नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना तो बता देता हूं, उसका नाम कैपिटल गेन है। कैपिटल गेन सर, कैपिटल गेन में टाइप्स ऑफ सम क्या है सर? यहाँ पे दो टाइप के आपका स्पेसिफिक सम बनता है, एक कैलकुलेशन ऑफ STCG, दूसरा होता है LTCG। तो CG जब कैपिटल गेन आपको कैलकुलेट किया जाता है तो आपको पता है किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। उसमें मैंने सम्स के बारे में बात किया था, एक ज्वेलरी रिलेटेड सम आता है, एक सिक्योरिटी रिलेटेड सम आता है, एक बिल्डिंग का सम आता है, देखा है ना, ज्वेलरी आता है, उसके बाद सिक्योरिटी का शेयर वाला। और मेरे हिसाब से मेरे को जो अंदर से आता है समझ में आ रहा है कि शेयर वाला सम आने के ज्यादा चांसेस है 10 मार्क्स। और वो भी कौन सा शेयर था? जब शेयर में क्या था, 3 पार्ट रहता ना, एक ओरिजिनल शेयर, एक बोनस शेयर, एक राइट शेयर, वो वाला पार्ट, वो सर 10 मार्क्स के लिए एकदम करेक्ट है। अगर आप लोग का ऑनर्स है तो वो 10 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है और थोड़ा थोड़ा यहाँ पसीना आना शुरू हो जाएगा देखने के बाद। ओके, ये बात समझ में आ गया? तो सर एक क्वेश्चन PGBP से, दूसरा क्वेश्चन CG से, और कहीं से आ सकता है? यस सर, एक क्वेश्चन और आता है जो आ सकता है आपका सेट ऑफ से, नहीं CG में ऑप्शन नहीं रहता है, जो भी एक क्वेश्चन सीधा सीधे डायरेक्ट आता है वो आसान रहता है, अगर तुमने क्लास किया है तो वो आसान मिलेगा, सम रिलेटेड मिलेगा, चाप नहीं। अब सर यहां पे एक सेटअप से आ सकता है या डिडक्शन से?
सेटअप एंड डिडक्शन, यहां से तीसरा 10 नंबर मार्क्स आता है। ओके सर, सेटअप वाला तो सब समझ में आता ही होगा, सेटअप वाला भी हम लोग किए थे, इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, फिर कैरिड फॉरवर्ड, वो कंपैरेटिवली आसान पड़ता है, वो कंपैरेटिवली आसान पड़ता है। आप चाहोगे तो उसको आधा घंटा में पूरा रिवाइज कर लेना तुम, वो आधा घंटा से ज्यादा रिविजन में उसको टाइम नहीं लगता। अगर ये आया तो सर ये 10 मार्क्स पे आ सकता है, या डिडक्शन आ सकता है सर, डिडक्शन, सर डिडक्शन अकेले 10 मार्क्स का पॉसिबिलिटी है? यस नहीं, ये दोनों में कोई एक आता है, मतलब ये दोनों में कोई एक आपको दिख जाएगा 10 मार्क्स। अब सर सेट ऑफ, मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है, ये दोनों में सेट ऑफ और डिडक्शन में कोई एक आ ही जाएगा 10 मार्क्स, पूरा तो पूरा बोल नहीं सकते कि वही आएगा, लेकिन एक एंटीसिपेशन के हिसाब से मैं बता सकता हूं कि इसमें से मिल जाता है। अब सर 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है, सेट ऑफ में क्या होता है, क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को, बता दिया, कैलकुलेट करके बताओ कि इस साल का इनकम कितना, तुमको बिजनेस लॉस, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, सीजी का लॉस, ये सब लॉस दे देगा, तुमको एडजस्ट करके देखना। अगर तुमने प्रीवियस क्लास किया होगा तो तुमको समझ में आया होगा कि इस तरीके से हम लोग को एडजस्ट करना होता है, वो कुछ ज्यादा डेंजरस है नहीं, आराम से बन जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिडक्शन का। सर डिडक्शन जब हम लोग करने बैठे थे तो हम लोगों ने क्या क्या डिडक्शन के बारे में बातचीत किया था, याद है? अगर जिसको, जिसने क्लास किया है ठीक है, जिसने नहीं किया उसको भी बता देता हूं कैसे करना है। सर डिडक्शन में जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है ना, वो आपका बन सकता है 80B से, 80G से, 80C से। क्या क्या है? 80D, 80G, 80C। अगर इसमें से एक सर, अगर मानिए खाली 80D का कंपटीशन करने दे दिया ना, वो अकेले 10 मार्क्स का आ सकता है, और वो 10 मार्क्स का आया ना तो थोड़ा टेंशन हो जाएगा तुम्हें 80D। तो मैं, अगर वो अकेले आता है थोड़ा टेंशन हो सकता है 80D में, वहीं जब 80G का बात आता है तो सर 80G हम लोगों ने साथ साथ बैठ के रिवाइज किया था, याद भी किया था अपने क्लास में, याद किया था। तो अब जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को भी याद हो जाए, तो शायद आप लोग का एग्जाम में थोड़ा दिक्कत कम हो, यहां से 10 नंबर आप उठा सकें। और तीसरा था 80C, 80C में हम लोगों ने कमाई किया था, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का चांसेस देखा था, कहां कहां हम लोग को इन्वेस्ट करना था, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए देखा जा सकता, और मेरे हिसाब से, मेरे को जितना लगता है ये 80G ज्यादा आने का चांस। ओके यस, 80G का सर तुम लोग को देखा ही होगा किस तरीके का है, एकदम देख के लगता है सब एक ही है, सबके 100% डिडक्शन मार दो, लेकिन बाद में पता चलता है ना भाई ना, कुछ कुछ अलग अलग भी केसेस हैं इसमें। तो सर ये देखिए, ये वाला खेल खत्म हो गया आपका, सी का बात हो गया 50 मार्क्स, 60 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म। तो ये बताइए 60 मार्क्स में आप लोग कितना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताइए, जो जो आपके लिए आसान है। देख लो अभी तक रिवीजन शुरू नहीं हुआ है, कौन कितना स्कोर कर सकता है, थोड़ा मेरे को चैट बॉक्स में लिख के बता दो यार, जल्दी जल्दी। तो तुम लोग बोला, तुम लोग बोला 50 मार्क्स आ जाएगा तुम लोग, तो सर कहां कहां टारगेट किए हैं थोड़ा बता सकते हैं? सर सीधा सीधी बात बोल रहे हैं, ये 30 मार्क्स तो सर लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए, कसम धरती बन जाती ले आएंगे, कुछ भी हो गया ठीक है, उठा लेना भाई। अब सर बाकी का 20 नंबर पीजीबीपी तो सर 10 लेन ही लेंगे, कुछ भी हो जाए, पीजीबीपी का 10 लेन ही लेना है, कुछ भी हो जाए, और एक तो सेट ऑफ में से उठा लेंगे, तो अपना 50 बन गया सर यहाँ पे, बस अपना कॉलेज 20 मार्क्स देगा, 70 मार्क्स आ गया सामने, बस अपना शांति है सर, कोई टेंशन वेंशन का बात नहीं है, ठीक। तो इतना मैं समझ में आ गया है, अब आगे चले। अब सर आपका ग्रुप ए आता है, ग्रुप ए जो है ना, ये जो ग्रुप ए है, ये ग्रुप ए में शाबाश लेके आना भाई, तुम लोग इतना इतना मार्क्स, मजा आ जाएगा सुनकर, तो एकदम मन खुश हो गया मेरा, वॉइस क्रैक कर रहा है, इंटरनेट का फ्लक्चुएशन हो रहा है क्या, एक बार देखो तो मेरा आवाज ठीक से आ रहा है क्या, एक बार बताओ मेरे को, एक बार जो जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है एक बार प्लीज चैट बॉक्स पर लिख के बताइए मेरा आवाज ठीक ठीक आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा, एक बार देख के बताओ प्लीज,
ओके चलिए अब हम लोग ग्रुप ए के बारे में बात कर लेते हैं। सर ग्रुप ए अभी सर ग्रुप ए कौन सा तूफान आने वाला है? ग्रुप सी संभाल लो, ग्रुप बी संभाल लो, ग्रुप ए क्या है भाई, कि कौन सा खेत कम हुई है संभाल लेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं क्या है। सर ग्रुप ए में जो है ये आपको 20 मार्क्स देता है। कितना मार्क्स देता है? 20 मार्क्स। यहाँ से सर आपको 20 मार्क्स मिलने वाला है। तो देखिए सर टोटल करके देख लो भाई, तुम लोग तो अकाउंट्स का मास्टर आदमी लोग है। देखो तुम लोग तो मास्टर आदमी है ना, देख लो एक बार 20, 30, 80 नंबर आ गया सर। अब सर यार 20 नंबर का भी देखिएगा ना तो मजा आ जाएगा, आपका मन एकदम गदगद हो जाएगा ये सब देख के सुन के। अरे सर इतना आसान 20 मार्क्स लपेट लेंगे यहाँ से। अब देखिए सर ये जो 20 मार्क्स आता है ना इसमें 5x4 आता है। मतलब क्या है सर 5x4? 4 मार्क्स का 5 क्वेश्चन? नहीं, 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन। ओके सर अब ये 4 क्वेश्चन में भी आप लोग 3 क्वेश्चन संभाल लेंगे, 3 क्वेश्चन संभाल लेंगे। जो जो बोलेंगे सर शायद वो मिल भी जाएगा, जो बोलेंगे वो मिल भी जाएगा। तो सर यहाँ पे 20 नंबर में देखिए एक बार बात कर लेते हैं पहले कहां कहां से क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले ये बताओ कहां कहां से आ सकता है। अब देखिए सर ये 5x20 का खेला, ये 5x20 में सर आपके पास 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है ना एक मार्क्स पहला जो एक नंबर पे जो क्वेश्चन आता है वो सर क्लास में डिस्कस किया हुआ एकदम हॉट टॉपिक, एकदम हॉट टॉपिक मतलब छूटे ही तुम्हें बड़े भाई तो पता है। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्या बनता है पता है? सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे क्या बनता है 5x20 में? ये देखिए यहां पे 5 नंबर में पहला क्वेश्चन आता है डेफिनेशन। अब सर डेफिनेशन किसका है सर याद करो, बताओ क्या क्या बताया था तुम लोगों को पढ़ने के लिए याद है? देखिए सबसे पहला बात था असेसमेंट ईयर का बात, व्हाट डू मीन बाय असेसमेंट ईयर। दूसरा था प्रीवियस ईयर, लिखने का आवश्यकता नहीं है सब लिख के दूंगा तुम लोग, आप लोग आराम से सुनिए सब लिखा हुआ है, सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा एकदम आराम से, एकदम फैल के सुनिए और देखिए जो जो मैं बोल। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोग को? असेसमेंट ईयर वाला डेफिनेशन आता है, प्रीवियस ईयर वाला डेफिनेशन आता है। ये आपको हमेशा मिलेगा अगर जिसका ऑनर्स नहीं है, जनरल वाले का पक्का आएगा, जनरल वाले का ये क्वेश्चन पक्का आएगा। अब आप बन सके भी चाहिएगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके सर ठीक है। दूसरा ये दो क्वेश्चन आपको दिख गया, तीसरा क्वेश्चन सर आपका क्या बनता है पता है? तीसरा क्वेश्चन यहां पे बनता है आपका एसएससी का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? एसएससी का डेफिनेशन। सर ये एसएससी का डेफिनेशन याद है? बाप रे बाप कितना तो लाइन था उसमें, 4-5 लाइन था, 1, 2, 3, 4 लाइन हम लोग पढ़े थे। एक रिप्रेजेंटेटिव एसएससी का केस क्या क्या सब लिखा हुआ था वो वाला पहला क्वेश्चन यहां से, फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा ये डेफिनेशन का आता है और यहां से आता है। जब मैं बेसिक का क्वेश्चन कराऊंगा ना चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे मार्क्स करा क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है स्पेसिफिकली वो बताओ। ओके तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया कहां से आने वाला है? डेफिनेशन पार्ट से। जो जो डेफिनेशन बोलूंगा वो पढ़ लेना, वहां से 5 मार्क्स आप आराम से उठा लेना। दूसरा जो क्वेश्चन बन सकता है सर दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए बेसिक्स के बाद आप लोग का क्या था? एग्जेम्पशन नाम का एक चैप्टर है पता है? अब सर आप तो पढ़ा नहीं है वो वाला, बताइए वो तो करा ही नहीं है। सबसे पहला बात सुन लो, एग्जामिशन में कोई प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। एग्जामिशन जो है वहां पर प्रैक्टिकल रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता नहीं है। और आप लोग अगर देखोगे ना एग्जामिशन वाला चैप्टर तो तुम लोग वहां देखेगा कि बहुत सारा ऐसा एग्जामिशन है जो हम जो बाकी का चैप्टर कर रहे थे वहां खत्म है। पर कैसे सर कहां हुआ भाई नहीं पता, ऐसा तो कुछ ऐसा भूल भाल बात कर। देखो सबसे पहले आप लोगों को ये सेक्शन बताया था याद है ग्रेचुटी वाला बात, देखो वहां ग्रेचुटी का सेक्शन होगा एग्जामिशन। उसके बाद आप लोगों ने लीव इनकैशमेंट का बात किए थे याद हो रहा है, उसके बाद आपको एचआरए के बारे में बात किए थे। ये सारे का सारे एग्जम्पशन में यहां पढ़ा हुआ। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम का बात किए थे, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम ऑफ हाउस मतलब पार्टनरशिप पार्टनर्स को जो सैलरी मिलता है रेमुनरेशन मिलता है वो भी एग्जम्प्ट होता है याद है, पीजीडीपी में पढ़े थे वो सारा का सारा चीज भी एग्जम्पशन में पढ़ा। ओके एग्जम्पशन को अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ने जाएंगे ना बहुत बड़ा है बहुत सारा लिखा हुआ, तो आपको मैं बताता हूँ एग्जेम्पशन को हैंडल कैसे किया। एग्जेम्पशन जो चैप्टर है ना कोई भी 5 या 6 मैक्स टू मैक्स 6 कोई भी 6 एग्जेम्पशन को अच्छे से पढ़ लेना। हाँ वो 6 एग्जेम्पशन को अच्छे से पढ़ लेना और मेरे हिसाब से जो चैप्टर किया होगा ना उसको 5-6 आराम से याद हो जाएगा। अब मैं बता भी देता हूँ कहाँ कहाँ याद हो रहा है। देखो सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम एक नंबर, दूसरा एचयूएफ, दूसरा तीसरा आता है सर ग्रेच्युटी वाला, चौथा आता है लीव इनकैशमेंट वाला,
पांचवा आता है एचआर वाला, उसके बाद पार्टनरशिप वाला भी पड़ा हुआ है, अगर अच्छे से देखने जाएगा ना तुमको बहुत सारा मिल जाएगा, एलआईसी का है, उसके बाद परमवीर चक्री वाला एक तो है, डिजास्टर में आप लोगों को सपोर्ट मिलता है वो वाला है, गैलेंट्री अवार्ड है, ये सारे के सारे चीज यहाँ पे रहते हैं। अब एक बार अगर तुम लोग रीड करेगा तो खत्म कर लेगा, कोई भी छह या पांच डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, कोई भी हाथी घोड़ा नहीं करता है, सीधा सीधी बोलता है, सीधा सीधी क्वेश्चन आता है, गिव फाइव और सिक्स मैक्स टू मैक्स, फाइव सिक्स हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, सो मैं तीन चार पूछता है, मैं पांच छह बोलता हूँ ताकि तुम लोग बफर लेकर चलो, कभी दिमाग फिर या फिर टेंशन में आ गया तुम लोग दो रास्ता में छोड़ के आ गया, कम से कम चार तो लिख ले, नारा है तो चार लिखना पड़ेगा, तो छह लेकर चले, हम लोग छह कैसे याद करेंगे देख लेंगे, यहाँ पे कितना याद करना है छह बस, खेल खत्म, छह याद कर ले मजा आ जाएगा, रुक जा क्लियर, ये पांच छह मार्क्स का समझ में आ गया तुम लोग को, कैसे यहां से पांच मार्क्स बन सकता है, ओके सर सही बात है। दूसरा तीन नंबर का बताइए सर, तीन नंबर क्वेश्चन क्या आ सकता है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो अपना हॉट फेवरेट क्वेश्चन होता है, जो अभी तुम लोग बोलते हैं ना रेसिडेंशियल स्टेटस, सर रेसिडेंशियल स्टेटस पांच मार्क्स में आ सकता है, देखो भाई ये किस्मत का खेल है, अगर वो पांच मार्क्स में आ गया तो दस मार्क्स में नहीं दिखेगा, तो दस मार्क्स में आ गया तो पांच मार्क्स में नहीं दिखेगा, ओके सर अच्छा बात है, सर पांच मार्क्स में आया तो क्या आता है बताए, पांच मार्क्स पर अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आइदर सर इस पर सीधा सीधी क्वेश्चन ये बन सकता है कि डिटरमाइन द स्टेटस, आपको क्वेश्चन दे देगा ये फलाना आदमी था एक बार बाहर गया वापस आ गया, अब तो देखिए डेट कैलकुलेट कीजिए, अब उसका स्टेटस बताइए वो क्या है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, समझ में आ गया, एरर है, सबसे अच्छा तो फिरंगी वाला है, एनआर फॉर्म में फिरंगी बोलते हैं, तो फिरंगी वाला तो मस्त है, ठीक है ये रेसिडेंशियल स्टेटस पांच मार्क्स में यहां दिख सकता है, ओके सर इसमें कुछ कुछ ऑप्शन भी आता होगा तो मैं सीधा सीधे सारा टाइप बता देता हूं, पांच मार्क्स में जो जो दिख सकता है वो ऑप्शन में रहता है, एक और के साथ, मतलब सर ऑप्शन कैसा होगा देखो, ऑप्शन इसमें जनरली क्या होगा ना, छह क्वेश्चन तुम लोग को देगा नहीं, चार ही क्वेश्चन देगा, फोर क्वेश्चन भी देगा और उसमें एक के मतलब एक में दो क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन नंबर वन में आपके पास दो क्वेश्चन है आइदर और कर दिया, क्वेश्चन नंबर टू में आइदर और है कोई भी दो, कोई दो में से एक कर लो, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ना वो लिमिटेड ऑप्शन है, पहले जैसा मेरे पास खुला हुआ ऑप्शन रहता था आठ में चार करना है, यहाँ पर इतना सुकून यहाँ है, हाँ हो सकता है, अब देखो ये पैटर्न हो सकता है, पांच मार्क्स का जितना क्वेश्चन बन सकता है मैं तुम लोगों को बता दें कि इस टाइप का पांच नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, अब देखिए तीसरा वाला हो गया है, चौथा नंबर पर अगर आपका पांच मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है वो है आई एफ ओ एस, ठीक है भाई आई एफ ओ एस, आई फोर्स क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, देखिए आया सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जो ये चैप्टर नहीं भी किया होगा ना पहले जब रिविजन कराऊंगा एक बार कर लेना, चैप्टर हो जाएगा आई एफ ओ एस, सब कुछ इसको एकदम सजा के रख दिया हूं, एक बार खाली देखना है आई एफ ओ एस खत्म, वहीं पे तुम लोग झंडा कर देंगे, खत्म हो गया, अब सर किस्मत कभी कभी खराब रह सकता है या बोल सकते हो अच्छा रह सकता है, तो वहां पर एग्रीकल्चर इनकम आ जाता है, क्या सकता है एग्रीकल्चर इनकम वाला चैप्टर से पांच मार्क्स का क्वेश्चन, सर एग्रीकल्चर इनकम से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है भाई, कैसा कैसा क्वेश्चन पढ़ा है तुम लोग पहले मेरे को बताओ, तुम एग्रीकल्चर इनकम में कैसा कैसा क्वेश्चन तुम लोग पढ़ा है, हाँ जी एग्जेम्पशन का आप लोग को सेक्शन अगर आप कोट करोगे तो अच्छा होगा, अगर आप एग्जेम्पशन का सेक्शन अगर आप कोट करोगे ना तो वो अच्छा होगा, लेकिन अगर याद नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है वही लिख के आ जाना, अब देखो छह तो याद करना है तो छह में याद ही कर लेना तुम लोग एग्जेम्पशन का, क्या बोला समझ में आया, छह तो पढ़ने ही है तो छह वाला एग्जेम्पशन का सेक्शन याद कर लेना, लाइन से याद करना 10(1), 10(2), 10(2)(a), 10(10)(a), 10(10)(b) क्या क्या सब है वो सब पढ़ लेना खत्म हो जाए, अब एग्रीकल्चर इनकम में तुम लोग कौन कौन सा क्या क्या पढ़ा था याद है बताओ एक बार, सर एग्रीकल्चर इनकम है ना सबसे पहले हम लोग टैक्सीबिलिटी कैलकुलेट करते थे याद है, टैक्सीबिलिटी देखो देखो टैक्सीबिलिटी कैलकुलेट करते थे मतलब आप लोग के पास दो इनकम दिया रहता था एक एग्रीकल्चर इनकम एक अदर इनकम, उसके बाद हम लोग को दोनों में टैक्सीबिलिटी निकालना था, तो क्या करते थे पहले दोनों को लेके एक बार टैक्सीबिलिटी निकालते थे,
एक बार बेसिक एग्जेम्पशन एलिमेंट प्लस एग्रीकल्चर इनकम के साथ लेके टैक्स निकाल हो गया, उसके बाद अपने लोग काम कर लेते हैं। डिटेल में डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चर जब चैप्टर करेंगे, थोड़ा मोटा डिस्कशन वहां से मिटेंगे। ओके, और सर क्या हो सकता है, एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन करना होता है कि वो ये जो तुमको एग्जाम्पल दे देगा किस किस टाइप का एक्सपेंस या इनकम है और तुमको पूछेगा कि एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं। समझ में आया क्या, बोले पांच छो एग्जाम्पल दे देगा, बोला कि तुमको इस किस टाइप का इनकम हुआ। अब तुमको यहाँ आइडेंटिफाई करना है क्या क्या एग्रीकल्चर, ठीक है। वो तो सर आप लोग अगर एग्रीकल्चर का डेफिनेशन पढ़ लोगे तो काम बन जाएगा। तो देखो ये पांच नंबर समेटा जा सकता है, और एक पांच नंबर आता है सर, वो पांच नंबर आपको पता है एकदम चैप्टर जो है क्लबिंग ऑफ इनकम। सर ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या है भाई, मुझे बताओ। क्लबिंग ऑफ इनकम में गिन के चार क्वेश्चन है, गिन के चार, वो भी थ्योरी है। हाँ गिन के चार क्वेश्चन है और भी थ्योरी लिखता हूं। उन्हें कौन कौन सा थ्योरी है सर, बोलता है कि सीधा सीधी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बोलता है बोलो स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ माइनर्स इनकम। माइनर का अगर इनकम हुआ तो क्या ट्रीटमेंट करोगे उसको, बताओ भाई, सोच के बताना पड़ेगा। अगर तुम लोग सेक्शन पढ़ा होगा तो लिख पाएगा कि माइनर अगर कमाता है अपने दम पे कमाता है तो सर उस पे वो अपने टैक्स देगा, लेकिन अगर वो ऐसे ही कमा लेता है तो उसका मम्मी पापा को देना पड़ता है। मम्मी पापा कौन देता है, जिसका इनकम ज्यादा होता है वो देगा। ये वाला कहानी सब पढ़े हुए हैं। माइनर्स इनकम बार बार दिया गया है पास्ट में, इसीलिए माइनर्स के बारे में बात कर ली है। ओके ये देखिए सर, ये है आपका पेपर का पैटर्न। अब देखिए सर ये सोच के बताइए, अभी तक तो हम लोगों ने चैप्टर का जो काम शुरू किया है, ये जितना काम हम लोगों ने शुरू किया है रिवीजन, इस रिवीजन लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक बातचीत ही क्या किया है बताओ। अभी तक का रिवीजन का जो मेन मुद्दा है, जो टॉपिक है, वहां पहुंचे ही नहीं है। अभी तक हम लोग पैटर्न में ही घूम रहे थे। अब इस पैटर्न में तुम लोग को ये बताओ, अगर तुम लोग का एग्जाम में कोई भी दोनों में से कोई भी पैटर्न आएगा तुम लोग हैंडल कर पाएगा, कम से कम 70-80 तो 80 में उठाई लेगा। 80 में कितना उठा लेगा, 50-60 तो कम से कम उठाई लेगा तुम लोग। अब देखो सर ये वाला का अनाउंसमेंट अभी तक कुछ हुआ नहीं। जनरली ड्यूरिंग द कोविड पीरियड जहां पे हम लोग का ऑनलाइन एग्जाम हो रहा था तो हम लोग कौन सा देख रहे थे, ये चार दो ग्रुप बी, ग्रुप ए और ग्रुप बी आता था अपने पास, तो वहां पे तो सर आसान पड़ता था क्योंकि 40 तो आराम से आप मार लोगे और बाकी का 40 उठा ही लोगे। अगर ये भी आएगा तो भी आप मैनेज कर लोगे और ये भी आएगा तो भी आप मैनेज कर। लेकिन सर प्रॉब्लम क्या होगा पता है, सच में बताएं प्रॉब्लम कहां होगा सर, टाइम वैल्यू होगा। क्या होगा पता है, टाइम, यहां पे सबसे बड़ा चीज है टाइम, आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम। ये दोनों पेपर का डिफरेंस अगर देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द कोविड पीरियड में जो पेपर बनता था ना उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम रहता था, वहां पर क्वेश्चन कंपैरेटिवली कम रहता था, एज ए रिजल्ट आप 3 घंटा मैनेज कर लेते, ऊपर से घर में बैठ के करते थे तो सर वहां तो सपोर्ट रहता था। अपने लोग का इंश्योरेंस बना के रखते ही थे सर, क्या आता है पेपर आते ही बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब सोल्यूशन भी डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, 1 घंटा पहले सोल्यूशन सब आ गया है, अब स्कैन करो अपलोड मारो खेल खत्म। जब मार्क्स आता था 100, ओ भाई अपना तो टैक्स ऑफिसर यही तो। लेकिन सर पोस्ट में यह, पोस्ट में क्या होने वाला, देखिए अगर पोस्ट में पेपर बनता है ना तो कुछ इस तरीके का पेपर बनेगा जहां पे आपके पास 3 ग्रुप रहेंगे, आपको 3 घंटा, कितना घंटा का एग्जाम, 3 घंटा ना, 3 घंटा का एग्जाम में आपको 80 मार्क्स ये समेटना पड़ेगा। तो सर कैसा मैनेज करेंगे ये बता सकते हैं, तो सर सबसे पहला बात मार्क्स पैटर्न बता दे रहा हूं। आप लोग का ये जो ग्रुप ए है ना, ग्रुप ए इसमें मैक्स टू मैक्स आप लोग कितना मिनट आप खर्च कर सकते हो मैं बता देता हूं। यहां पे आप 45 मिनट से ज्यादा खर्च मत करना क्योंकि ये पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है और इसमें से कम 3 क्वेश्चन, 4 में से कम से कम 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको वर्ड में होगा एग्जाम से पहले तक, 2 डेफिनेशन कम से कम ऐसा होगा जहां पे आप जाके चुपचाप लिख के आ जाएंगे, 10 मिनट के अंदर आप 10 नंबर उठा लेंगे, बाकी का 10 थोड़ा टिपिकल हो सकता है अगर आपने पढ़ा नहीं है तो सर दिक्कत हो सकती है। तो मेरा मैक्सिमम यहाँ पे 45 मिनट देता हूं कि आपको यहाँ पे 45 मिनट में आपको 20 मार्क्स उठा लेना है। ओके सर ठीक है। सर ग्रुप सी, ये देखिए ग्रुप सी में आपको 2 क्वेश्चन बनाना है जिसका नाम क्या है, 1 सैलरी 1 HP। तो सैलरी और HP जब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है सर, ये टाइम लेगा कुछ भी कर लो, मैक्स टू मैक्स मैं बताता हूं यहाँ पे आपको 30 मिनट, यहां पर आपको 30 मिनट खर्च करने, आधा आधा घंटा मैक्स टू मैक्स खर्च करना। सर अगर मान लो नया सवाल बना रहा हूं कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, काम करना, सीधा सीधी बात है,
बहुत रेयर केस होगा जहां पर आपको ट्रीटमेंट याद नहीं होगा रिवीजन क्लास अटेंड करने के बाद, बहुत रेयर केस होगा, आप लोग सारा का सारा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर कहीं पे अगर ऐसा सीन बन जाता है तो आप क्या करेंगे सर? तो कुछ नहीं करना है, जैसा फॉर्मेट में सर उसे प्लॉट कर लिए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ो, यू विल गेट मार्क्स, तुमको मार्क्स मिलेगा, समझ में? हाँ, उसको छोड़ के कर लो, समझ में? छोड़ना ही है क्वेश्चन, बस इतना बात करते। तो ये एक घंटा हो गया, एक घंटा 45 मिनट बचा, कितना सवा घंटा बचा, एक घंटा 15 मिनट अपने पास पड़ा हुआ है, जहां पर अपने लोग को क्या बनाना है, ये तीन क्वेश्चन। अब देखो ना, तीन क्वेश्चन भी है, अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तुम लोग जब बनाएगा तो लगता तो इजी है, लेकिन सब पीजीबीपी को छोड़ के ना सेटअप आप कर लोगे जल्दी, अगर आपको आता होगा तो सेटअप आप कर लोगे, पीजीबीपी भी कर लोगे, लेकिन सर सीजी में कभी कभी दिक्कत आ सकती है। अब देखो यहाँ पे एक घंटा मैं 15 मिनट तुम लोग के पास मैंने बफर पे रखा हुआ, अगर आपने जल्दी कर लिया तो पेपर आपका जल्दी समाप्त हो गए, ये आप करो, अगर आप जल्दी खत्म करेंगे तो बाहर आके कॉपी कैफे कॉपी डे चले जाए। अब देखो ये तुम लोग के ऊपर, हमको तो लगता है जितना मैंने देखा है, जितना तुम लोग अभी मेरे सामने भी किया ही था, कितना टाइम लगता था, हार्डली 15 मिनट लगता था एक एग्जाम 10 नंबर का बनाने में, जल्द जल्दी समझ जाता था, क्योंकि अगर तुम लोग को ट्रीटमेंट करेक्ट करेक्ट पता है तो वो बन जाता। ओके, देख लो भाई, ये था आपका पैटर्न, यहां तक का पैटर्न में किसी का कोई डाउट है, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आया तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है, उसके बाद हम लोग अपना बेसिक का काम शुरू करेंगे, बेसिक चैप्टर। एक बार देख लो, किसी का कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में लिख के पूछो। तो चलो सर, ये वाला पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ये अज्यूम करके चलता हूं अब आगे बढ़ता हूं सर। तो चलिए सर, आप लोग सबसे पहले हम लोग आज चैप्टर शुरू करने वाले हैं रिवीजन के लिए, और चैप्टर का नाम है बेसिक्स। बेसिक्स का जो चैप्टर है वहां से आपको कितना मार्क्स आ सकता है सर? 5 मार्क्स योर शॉट आता ही है, तो क्वेश्चन भी डिस्कस कर ही लेते हैं सर, जो जो आ सकता है। मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला क्या 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 क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, एक बार रीड कर लेना, क्या एक बार रीड कर लेना, मोटा मोटी आ जाएगा वो, मिल जाएगा। तो चलिए सर, आपका रिवीजन में सबसे पहला पार्ट हम लोग खत्म करने शुरू करेंगे। सबसे पहला अपना चैप्टर का नाम क्या है? बेसिक्स। अब देखो, मैं जो बता रहा हूं वो पक्का याद करना, मैं जो बोल रहा हूं वो पक्का याद करना है, ज्यादा पढ़ना पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उसको याद जरूर करके जाना, वो दिखा है। अगर मैं पिछले 5 साल का पेपर उठा के देखूं ना, वो हर पेपर में, इसीलिए तुम लोग को बोल। ओके, ये देखिए सर, ये अपना पेज नंबर 2 से है। पेज नंबर 1 में आपका डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात लिखा गया है, पेज नंबर 1 में देख लो। अब सर, अगर जनरल वालों के लिए बोलूं तो जनरल वालों के लोग का ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, और एग्जाम्पल, और डायरेक्ट टैक्स का क्या क्या एग्जाम्पल है, इनडायरेक्ट टैक्स का क्या क्या एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन बनता है जनरल वाले लोग का, पर ऑनर्स में भाई कम, बहुत ही रियर चांसेस में मैंने देखा ये क्वेश्चन। ओके, और मेरे को लगता है कि तुम्हें कोई आता भी होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, इसको स्पेसिफिकली पढ़ने का दरकार है, स्पेसिफिकली आप अपना टाइम मत लगा देना, एग्जाम से पहले एक बार रीड करके निकल लेना, खत्म। सर ये डेफिनेशन ऑफ इनकम कभी जिंदगी में पूछेगा तुम, देख के बताओ 5 मार्क्स के लिए, एक बार इसके आंसर देख लो, कम से कम 21 पॉइंट है 5 मार्क्स के लिए, पूछ सकता है, सोच के बताओ सर, जिंदगी में ना पूछ। तो सर आप भी मत देखिए इसको, छुड़िए आगे बढ़िए। अब देखिए साइलेंट फीचर दिया, साइलेंट फीचर दिया हुआ है, इसका साइलेंट फीचर इतना साइलेंट है कि हम लोग भी साइलेंटली निकल जाएंगे, नहीं पढ़ना है। देख यहाँ पे जो जो चीज लिखा हुआ है ना, वो मोटा मोटी तुम लोग को पता ही है सर, डिक्शनरी का मतलब ही तुम लोग शेप देगा ना, अपने लोग को तो पता ही है ना, तो अपने लोग तो बचपन से ही शेक्सपियर है सर,
जो अपने लोग को नहीं आता है वो अपने लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब एग्जाम में तुम लोग बस शेक्सपियर है नहीं आ रहा तो लिख देंगे कुछ भी, क्या है इतना सब कुछ आपके सामने घटा हुआ तो लिख ही देंगे कुछ ना कुछ सर। सब कराएंगे सब कराएंगे, अभी बेसिक से शुरू करते हैं, आज सैलरी तक पहुंच जाएंगे। ओके ये देखिए पिन मनी अवार्ड डोनेशन गिफ्ट सिग्निफिकेंस ये सब कुछ नहीं करना है सर, हटाइए यहां से। ये देखिए सर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट ईयर, याद करना ही है इसको, आप पूरा हेड टू हेड कॉपी पेस्ट पूरा हूबहू याद कीजिएगा, पूरा हूबहू याद कीजिएगा। अब देखो जिसका मेमोरी तेज होता है तो कॉपी पेस्ट याद कर ले, लेकिन कुछ कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मुझे समझना है, मैं समझने में बिलीव करता हूं, तो जो जो व्यक्ति समझता है ना उन लोग को भी थोड़ा बात बोल देता हूं, भाई तुम लोग खाली यही याद कर लेना, ये पॉइंट याद रख लेना बस। देखो जनरली क्या होता है, तुम लोग को याद ये करना है, जो याद करने वाला पार्टी है वो ये वाला याद कर लेना, ये वाला पोर्शन यहां से देखे यहां तक का, यहां तक याद कर लेना, जिसको याद करना आता है वो याद कर लेना, जिसको याद करना नहीं आता वो क्या करे भाई, ये कम से कम जो भी डेफिनेशन तुम बना के लिख रहा है शेक्सपियर बन के तुम कुछ भी लिख रहा है वहां पे तुम ये तीन पॉइंट जरूर अटैच करना है, ये जो तीन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है तीन लाइन का ये जरूर होना चाहिए, अगर आप ये पुट करोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके अभी देखो एक बार आवाज आ रहा है क्या, चलिए उसके बाद सर असेसमेंट ईयर के साथ साथ एक और उसका भाई होता था ना असेसमेंट ईयर का भाई, उसका नाम क्या था असेसमेंट ईयर का भाई का नाम था सर प्रीवियस ईयर, ये रहा सर प्रीवियस ईयर, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर यू हैव टू लर्न, याद करो उसको ठीक है। उसके बाद सर और क्या है, डेफिनेशन उसके बाद देखिए सर ये एक तो क्वेश्चन नंबर 9 ये जनरली ऑनर्स वाले लोग का पेपर में दिखा जा सकता है, देख लो एक बार इसको, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये जनरल वाला लोग का आने का चांसेस कम है लेकिन ऑनर्स वाले लोग का आने का चांसेस वेरी हाई है सर। कैसे कैसे होगा सर बताइए सर, यहाँ पे क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कौन कौन सा ऐसा सीन है जहां पे आप पैसा कमाते हैं जिस साल में है उसी साल आपको टैक्स देना। ओके जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, हम लोग प्रीवियस ईयर में कमाते हैं असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं, लेकिन सर यहाँ पे एक्सेप्शन पूछता है वो जो जनरल रूल है उस रूल का एक्सेप्शन पूछ रहा है, मतलब आप जिस साल में पैसा कमा रहे हो उस साल में आपको पैसा देना पड़ता है टैक्स, मतलब पैसा देना पड़ता है मतलब टैक्स आपको जमा करना। ओके ये वाला जब लीड के लिए ना ऑनर्स वाले लोग के लिए बता रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ 5 हेड है आपका, अगर आप सेक्शन याद कर सको तो ठीक है, सेक्शन ना याद हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं देते। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ राइट है शॉर्ट नोट ऑन पर्सन, अब सर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन बताओ, पढ़ा है तो पर्सन का मतलब क्या होता है, एक होता है, अब तुम लोग ये मत बोलते ना इंग्लिश वाला फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, वो नहीं ये कुछ और पर्सन है टैक्स वाला, इसमें हम लोग 5 तो पढ़े थे 7 तो पढ़े थे शायद 7 पढ़े थे, क्या कहता है इंडिविजुअल था अपने लोग के पास, इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म कंपनी लोकल अथॉरिटी क्या नाम आर्टिफिशियल जोडिकल पर्सन उसका यूपी वीओआई, अरे भाई ये सब क्या क्या चीज था ना, बोलो तुम लोग भी सोच रहा होगा भाई कैसे पढ़ के आए हम, देखो ये सब कर सकता है ना, याद करना है कैसे चल जाना है, ये तो सर बाय डिफॉल्ट ड्रग में है, टेस्ट कीजिएगा तो पर्सन का डेफिनेशन पॉजिटिव निकले ठीक। तो अब चलिए यहां पे देखिए हु इज इंडिविजुअल, नहीं पता सर छोड़ दीजिए नहीं पता है, ना ही इंडिविजुअल याद करना है ना ही इंडियन कंपनी ना ही कंपनी कुछ याद नहीं करना है, जो बोलेंगे वही पढ़ लेना बस। ये क्या हो गया ये टेढ़ा कैसे हो, एक मिनट रुक जाओ, हम्म
आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन सर, यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम लोग को बता देता हूँ, सुन लो, ये आर्टिफिशियल और जुडिकल पर्सन का ना डेफिनेशन कभी नहीं पूछता, लेकिन आप लोग को एग्जाम्पल में दे देता है, पता है कैसे? बोल देगा ना, बोल देगा कोलकाता म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, अब बताएगा, पूछेगा ये क्या है, कौन सा पर्सन है बताओ, पता है, बता सकते हैं ना, लोकल अथॉरिटी, एक तो लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है सर, अरे भाई लोकल अथॉरिटी जहां पर अपना घर में पानी नहीं आ रहा है, घर के सामने पूछ रहा कड़ा कूड़ा जम गया है, पानी जम गया है, कहां कंप्लेंट मारे, जाओ केएमसी में, तो उसे लोकल अथॉरिटी बोलते हैं, ओके। तो ये कभी कभी देखा जाता है, कभी कभी देखा जाता है, मैंने क्वेश्चन देखा था वहां पे मेरे को मिल रहा, ओके सर ठीक है। इसके बाद आर्टिफिशियल एसएससी का डेफिनेशन इज मस्ट, इट मस्ट बी एकदम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है एसएससी का डेफिनेशन, एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, इसको छोड़ना ही नहीं है, एकदम नहीं छोड़ना है, एसएससी का डेफिनेशन को छोड़ना ही नहीं है, बस एकदम ऊपर के जाना है। देख लो यहाँ पे कितना है, ए बी सी डी ई, पांच पॉइंट का पांच नंबर, जहां पे सर आपको पता है आप लोग डी और यू तो आराम से लिख लेंगे, देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ, बस ये पांच पॉइंट लिख देंगे एसएससी का, आपको मार्क्स आ जाएगा, ओके सर सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब सर हेड्स ऑफ इनकम बताए, तो सर हेड्स ऑफ इनकम पता भी नहीं होगा तो भी लिख देंगे, बोले कैसे, भाई जो चार्ट का चैप्टर करना है अपने लोगों को वही तो करना है, बस बस वो चार हेड पढ़ना है, पांचवा हेड जो हम लोग पढ़े हैं वही लिखना, देख लो वहीं पे, और इसी का चैप्टर हम लोग करेंगे, अगर चैप्टर करेंगे हम लग कर दिए तो काम बनिए, ठीक तो, ओके सर सही है। अब एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूं, लेकिन मैंने देखा नहीं है, पिछले पांच साल में मैंने नहीं देखा, फिर भी बता दे रहा हूं, वो पढ़ लेना, डिस्टिंग्विश बिटवीन ये 25 नंबर का क्वेश्चन, हेड ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इनकम, जानना जरूरी है, एक तो डरना जरूरी है फिल्म अपने पास, एक तो जानना जरूरी है फिल्म, जीटीआई कोई बोल सकता है ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब क्या होता है सर, ये भाई कौन डेफिनेशन पड़ेगा सर, कौन पड़ेगा यहाँ पे, पांचवा हेड का इनकम जोड़ देंगे ग्रॉस टोटल इनकम आ गया, बस यही तो बात है, टैक्स इतना दिन जो पड़ा है कम से कम इतना समझ में आई होगा, पांचवा हेड को जोड़ देंगे जो मिला ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें डिडक्शन माइनस कर लिए तो टैक्स, बस सही बात है, कुछ नहीं कर, कुछ नहीं आता तो वो लिख देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम हैंड पैन जोड़ दो, जीटीआई खत्म, सिर्फ टैक्स फॉरवर्ड क्या जिसमें नाम को भी करना पड़ेगा, सही बात है। अब सर और क्या है देख लो यहाँ पे, ये 288 है 288 बी, ये तो सर लॉन्ग टर्म का बात है, यहाँ पे कुछ करने का है ही नहीं, यही आप लोग का 288 है 288 बी, राउंडिंग ऑफ 10 रुपया तक का राउंड ऑफ कर लेते हैं ना, अगर 53 हुआ तो 50 कर लेंगे, 56 हुआ तो 60 कर लेंगे सर, 55 हुआ तो डाउनवर्ड, 55 हुआ तो डाउनवर्ड, ओके डन यहां तक। अब सर यहां पे एक बेसिक क्वेश्चन है, पूछता नहीं है लेकिन तुम लोग को जानना जरूरी है सर, ये वाला स्लैब रेट, स्लैब रेट पता है ना क्या क्या होता है, 3 लाख 5 लाख 10 लाख, यही था ना, तो सर पगड़ा वगड़ा है क्या, 3 5 10 बोल रहे हैं, एक्चुअल में कितना था, अढ़ाई था, 5 था 10, 3 लाख तो सीनियर सिटीजन का है, यही तो स्लैब रेट याद रखना, स्लैब रेट याद रखना है, अगर तुम लोग टैक्स पढ़ा तो स्लैब रेट तो याद हो गई ना, क्या क्या था सर, एक 2.5 लाख नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, उसके बाद 2.5 लाख से 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख के ऊपर 20%, 10 के ऊपर चला गया तो 30%, और सर 5 लाख 2.5 लाख 10 लाख ये इंडिविजुअल का बस तो है, लेकिन सीनियर सिटीजन हो गया तो 3 लाख 5 लाख और 10 लाख का है, इसमें क्या होगा, 3 लाख तक एग्जाम, 3 से 5 लाख कितना होगा सर, 5%, 5 से 10 20% और 10 से ऊपर 30%, सुपर सीनियर सिटीजन, तो सर बार बार बोलता हूं अभी का जो टाइम है हम लोग जो खाना पीना खा रहे हैं, सुपर सीनियर सिटीजन होने का चांसेस बड़े कम है, अपने लोग हो सकता है कि एडल्ट में निकल ले, ठीक तो सीनियर सिटीजन होने का भी मौका नहीं मिलेगा अपने लोग को, ये 60 तक की दूर का बात है, कुछ लगता है 50 में जाओ चलो डाटा बाजा कर दिया, समझ में आ रहा है, तो जिस हिसाब का मिलावट चल रहा है अपना जिंदगी में दिख रहा है तुम लोग,
आजकल बैगन भी बेचता है तो कैसे कलर करके बेचा बोलो, अभी सब खा के तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते तुम लोग 80 साल जिएगा बोलो। कीड़ा जो रहता है वो मर जाता है, हम लोग तो इंसान है, तो मरना ही मरना। चलिए ठीक है, ये सब कहानी हो गया सर। कैप रेट याद रहेगा, कैप रेट क्या क्या था? 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000, ओके, 3,00,000, 5,00,000, 10,00,000, और जो सुपर सिंगल सिटीजन होता है उन लोग के लिए कैप रेट होता है 5,00,000 और 10,00,000। सीधा सीधे 20% का स्लैब आता है उन लोग के लिए, 5% का कोई स्लैब नहीं आता है। ओके चलिए खत्म हो गया। उसके बाद ये आपको राउंडिंग ऑफ पढ़ना है तो पढ़िए, वरना छोड़ दीजिए, इग्नोर मार सकते हैं। एग्जेम्पशन रिलीफ नहीं पढ़ना है, रिसीप्ट नहीं पढ़ना है। ये क्वेश्चन है सर, देख लीजिए, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स मैनेजमेंट, इसको भी पढ़ना है सर। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कितना बार आया हुआ है, तो बीकॉम जनरल में 16 में आया था, ये अगर आएगा भी तो 5 मार्क्स के लिए आएगा। ठीक है, जनरल ऑनर्स दोनों इसको पढ़ लेना जरूर। बस खत्म, अब सब इसमें से लगता नहीं है, कुछ और पढ़ना पड़ेगा। बस बस इतना पढ़ लीजिए, ये चैप्टर आपका टाटा बाय बाय कर देगा। ओके याद रहेगा ना क्या क्या क्वेश्चन बोले, एक असेसमेंट ईयर, एक प्रीवियस ईयर, उसके बाद एक एसईसी का डेफिनेशन, उसके बाद आप लोगों ने एक तो पढ़ा था हेड्स ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम का डिफरेंस, हेड्स ऑफ इनकम का डेफिनेशन मतलब कितना हेड्स होते हैं, एक पर्सन का डेफिनेशन पढ़ा, और लास्ट में आप लोगों को दो क्वेश्चन बताया, एक तो क्वेश्चन बताया क्या है, टैक्स मैनेजमेंट डिवीजन, ये वाला। ओके ये वाला क्वेश्चन जरूर पढ़ना, ये पढ़ना ही पड़ना। देखो 5 मार्क्स का है तो कम से कम 6 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास 3 डिफरेंसेस है मतलब 3 पॉइंट के बीच में आपको कंपेरिजन करना है, जैसे टैक्स डिवीजन, टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स प्लानिंग, तो सर आप 5 पॉइंट भी लिखिएगा तो यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स, क्योंकि सर वो बहुत बड़ा है इसीलिए, तो वहां पे 5 पॉइंट भी लिखिएगा तो शायद। ओके तो मान के चलिए आप लोग जब भी डिफरेंस पढ़ रहे हैं तो कम से कम 6 पॉइंट पढ़ के चलिएगा, तो अप डाउन होगा तो कम से कम 5 तो लिख पाइएगा ना इसके लिए। ओके ये रहा सर आपका बेसिक का चैप्टर, बेसिक चैप्टर में 5 नंबर आपको अगर सिक्योर करना है तो क्या क्या क्वेश्चन पढ़ना है, बात समझ में आ गया होगा। अब यहां से तो आप लोग याद कर लेंगे, अभी बताइए 5 नंबर यहां से किसका किसका सिक्योर हो गया, चैट बॉक्स में बस लिख दीजिए। देखिए कितना कितना लोग को था यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन याद था, जितना क्वेश्चन हमने बताया वो सबको याद है, कितना जन ऐसा है जिसको इसको याद है बताइए। ओके तुम लोग शर्मा रहे हैं बोलने में, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माओ तुम लोग, अभी शर्माओ, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है मेरे को। अब हम लोग नया चैप्टर, इसके बाद वाला चैप्टर जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस, ये शुरू करेंगे। रेसिडेंशियल स्टेटस हम लोग अब शुरू करने वाले हैं, तो रेसिडेंशियल स्टेटस शुरू करने से पहले एक मिनट का ब्रेक मान लेते हैं, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस शुरू करेंगे। जल्दी से अपना रेसिडेंशियल स्टेटस तुमने जितना ही पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो जस्ट जल्दी से, क्योंकि अभी इसको याद भी करके खत्म कर लेंगे, इसको यही खत्म करेंगे। एक मिनट का ब्रेक, उसके बाद एक बार इसको समेटेंगे पूरा।
चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर टू रेसिडेंशियल स्टेटस, जहां पे आपका क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। एक पांच मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, दस मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर सर पांच मार्क्स का आएगा तो क्या है, स्टेटस डिटरमाइन करने वाला, यही तो स्टेटस को डिटरमिनेशन करने वाला पार्ट आएगा। अब जो जो बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हैं तो अभी हम लोग का खेला भी शुरू होगा। से हम लोग जो बात किए थे वो जरूरी था पढ़ने के लिए, कि पढ़ना किस तरीके का है ये वाला बात कर रहे थे, लेकिन अब चैप्टर रिलेटेड बात अब से शुरू होने वाला है। अब हम लोग चैप्टर रिलेटेड जितने भी बात होंगे सबको कवर करने का कोशिश करेंगे। ओके तो चलिए सर, ये रेसिडेंशियल स्टेटस इतना बड़ा किताब है सर, कहां से पढ़े हम बताएंगे, कहां से पढ़ना इधर आइए। कहां रेसिडेंशियल स्टेटस भाई, समझा भाई। चलिए सर, ये रहा रेसिडेंशियल स्टेटस का समरी, पूरा इसको इसी चैप्टर को इस पेज में समेट देंगे, ज्यादा पढ़ने का दरकार नहीं है। अगर आप ये चैप्टर को पढ़ना है 10 मिनट लीड दीजिए इसको, ये चैप्टर खत्म करना है 10 मिनट के अंदर, मैगी बनने में 2 मिनट, रेसिडेंशियल स्टेटस बनने में 10 मिनट। तो चलिए सर शुरू करते हैं, ये देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बातचीत शुरू करेंगे। एक बार चैप्टर के बारे में देखना है, भाई टैक्स कर रहे हैं, अरे अभी टैक्स कर ले, बाद में कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे, अभी टैक्स कर ले। ये क्या हो गया भाई, आइए सर ये रहा आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का खेला। ये क्या होगा, एडिट हो जाएगा क्या इस? ओके एक मिनट रुक जाओ। आइए सर ये देखिए, अब आप लोग को पढ़ना शुरू करना है यहां से, ये चार्ट में रीडिंग कैसे करना है सर, ये चार्ट पहले बताइए कहां मिलेगा, पढ़ाई जवाब कब आता है पहले बताइए मिलेगा कहां। तो सर ये आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, सर टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, वही ATC, एक बार जाकर सर्च कर लेना, अगर दिख गया तो ठीक है, नहीं दिखा तो हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे आप लोग को इसका लिंक, कहा ये जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट बॉक्स पे। ओके अब बढ़े आगे शुरू करें रेसिडेंशियल स्टेटस का खेला। चलिए सर ये देखिए, सबसे पहले यहां क्या लिखा हुआ पढ़ लीजिए एक बार, बेसिक्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, जल्दी भी पढ़ेंगे जल्दी जल्दी, अभी हम सोचना की चैप्टर पूरा कराएंगे बैठ, जानकारी शुरू करते हैं किसी का टैक्सेबल इनकम जब हम लोग को निकालना होता है तो सबसे पहला काम हम लोग को करना क्या होता है सर, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जानना जरूरी होता है, क्योंकि सर हर एक आदमी के लिए जो इंडिया में रेसिडेंस है उसके लिए टैक्स रूल अलग है, जो विदेश का है उसके लिए टैक्स रूल अलग है। तो सर ये जो सबसे पहले ये डिसाइड कीजिए वो इंडिया का रेसिडेंट है कि नहीं है, तो और इसका डिटर्मिनेशन कहां करेंगे सर, इसका डिटर्मिनेशन का रूल कौन बताता है सर, इसका डिटर्मिनेशन का रूल बताता है रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर। ओके रेसिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर सबसे पहला बेसिक समझ में आ गया होगा, रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना क्यों है सर, अरे भाई टैक्स लगाने के लिए, और क्या, टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी कैन नॉट बी कंप्यूटेड अनलेस यू नो द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, सही बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर। दूसरा पॉइंट, रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड, आरएस का मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस है, ओके आरएस रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पर्सन सेपरेटली, मतलब हर पर्सन के लिए निकालना पड़ेगा, यस सर हर पर्सन के लिए निकालना पड़ेगा, लेकिन सर आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट किसका है, सम जो आता है वो इंडिविजुअल के लिए ही आता है, ओके लेकिन मैं सारा बता दूंगा चल जल्दी। उसके बाद रेसिडेंशियल स्टेटस ऑलवेज डिटरमाइंड फॉर द प्रीवियस ईयर बिकॉज वी हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ओनली, सही बात है, रेसिडेंशियल स्टेटस किस सर का डिसाइड करेगा, अरे प्रीवियस ईयर में जिसमें कमाया था उसमें बात करेंगे। उसके बाद इट इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी ईयर बिकॉज इट मे चेंज ईयर टू ईयर, सही बात, हर साल एक आदमी का स्टेटस हर बार बदलेगा। अब यह नहीं है जो तुम लोग सोच के बताओ ना, तुम लोग आज इंडिया में है 30 दिन बाद तुम लोग पढ़ लिख जाएगा, तुम लोग कहाँ जाएगा, सब दुबई भागेगा, कोई दुबई में कोई लंदन में कोई कहाँ जाएगा, स्विट्जरलैंड मलेशिया सब भाग जाएगा तुम लोग पढ़ लिख के, तब तुम लोग का स्टेटस क्या रहे, इंडियन रेसिडेंट रहेगा तुम लोग, तब तो तुम लोग विदेशी मुर्गी एकदम फिरंगी, क्या तब फिरंगी बनेगा ना, तो उस केस में तुम लोग का क्या होगा, टैक्सेबिलिटी कुछ अलग हिसाब से करेंगे, समझ में आ गया, इसीलिए रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हम लोग बातचीत। उसके बाद अ पर्सन कैन नॉट बी रेसिडेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री फॉर ए प्रीवियस ईयर, मतलब एक आदमी दो जगह पे कभी भी रेसिडेंट नहीं बन सकता, आइदर वो इंडिया का रेसिडेंट होगा या विदेशी का,
कैन बी पर्सन, ओके कैन बी है, मस्ट भी नहीं है। तो सर कहाँ कहाँ हो सकता है, कुछ है सीन है? यस सर है, बताओ कहाँ। आप लोग एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन में पढ़े थे याद है, जो कहीं का नहीं वो कॉमन है, वो मेरा है, पढ़े थे ना एक्सेप्शन वाला, वो वाला। अ सिटीजन और सिटीजनशिप ऑफ ए कंट्री एंड रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंट्री आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, सही बात। सिटीजनशिप अलग होता है, रेसिडेंशियल स्टेटस अलग होता है, ये वाला बात तुम लोग को पता था। तो चलिए सर ये वाला पार्ट खत्म हुआ, यहां तक का बात में किसी कोई दिक्कत है बताओ, ये बेसिक था, पूछेगा भी नहीं, क्वेश्चन आएगा भी नहीं, ओके अब चलिए सर यहां से खेला शुरू होता है। सबसे पहले आप लोग बात कर लेते हैं इंडिविजुअल के बारे में, किसके बारे में, इंडिविजुअल के बारे में। तो इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा सर, आपका इंडिविजुअल जो होता है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस कितना टाइप का हो सकता है सर। देयर कैन बी थ्री टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर एन इंडिविजुअल, क्या क्या हो सकता है सर। पहला वो देखिए यहां पे लिखा हुआ है, सबसे पहले सर वो रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट, हाँ जी ना, देख के बताओ क्या क्या हो सकता है सर। सबसे पहले एक आदमी जो है वो तीन टाइप का रेसिडेंशियल स्टेटस रखता है, ठीक। तो अगर वो रेसिडेंट हो गया तो ठीक है, अगर रेसिडेंट नहीं हुआ तो क्या है, नॉन रेसिडेंट है। बात समझ में आ रहा है, क्या बोल रहे हैं, आइदर वो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। तो सर रेसिडेंट होने के लिए कुछ कंडीशन है, यस देयर इज अ कंडीशन, आपको कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है सर, देख लेंगे वो कंडीशन क्या है, रुकिए एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले देयर कुड बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंशियल स्टेटस इफ सैटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, यही तो नहीं होता, ये देखो देख रहे हैं। देखो सबसे पहला बक्सा, ये जो अपना कौन सा कलर है पता भी नहीं है, ये वाला अब ये देखो, देयर वुड बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इफ सैटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो मतलब किसी भी इंडिविजुअल को रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सा कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है, याद है दो कंडीशन था अपने पास रेसिडेंट बनने के लिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर, और एक तो कंडीशन क्या था सर, 60 डेज तब 365, यही तो मतलब क्या था सर, ये कौन सा मतलब था, मतलब ये था कि प्रीवियस ईयर में आपको 60 दिन रहना है और प्रीवियस ईयर में पहले का 4 साल में कम से कम 365 दिन या उससे ज्यादा रहना है। अगर आप ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हैं देन यू विल बी कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे आपको, तब आपको बोलेंगे रेसिडेंट। अगर एक भी नहीं किया तो क्या नाम होगा सर आपका, नॉन रेसिडेंट। इसलिए नॉन रेसिडेंट क्या कॉलम नहीं बनाए, फालतू का जगह घेरता हूं, समझ में आ गया। नॉन रेसिडेंट तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, सीधा सीधी खेल है। अगर आप रेसिडेंट नहीं हो तो क्या है, नॉन रेसिडेंट। अगर कोई आपसे पूछे हेड नहीं आया तो क्या है, पता है वही तो बात है। अगर रेसिडेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, नॉन रेसिडेंट हो गया, खेल खत्म। अब सर जब रेसिडेंट कोई आदमी बन जाता है ना तो वहां पे आपके पास दो ऑप्शन खुलता है। एक रेसिडेंट हो सकता है वो क्या है, देसी आदमी है, लेकिन कैसा देसी हो सकता है, एक प्योर देसी आदमी हो सकता है, मतलब जीवन से जन्म से यही पड़ा हुआ है, मतलब एकदम देसी आदमी है वो। और एक तो एकदम मिला जुला देसी, मतलब थोड़ा दिन बाहर था आ गया इंडिया में रहने, तो सर पूरा पूरी तो देसी नहीं है लेकिन कुछ दिन से रह रहा है तो देसी बोल सकते हैं, लेकिन वो पूरा देसी नहीं है, तो उसका नाम क्या रखे, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके। तो सर इसमें भी कोई कंडीशन है, यस देयर इज ऑल्सो अ कंडीशन, यू हैव टू फुलफिल दोस कंडीशन। तो सर अगर एक आदमी, सबसे पहला गेट इधर देखो मेरे तरफ, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले आप लोग बैठिए और सोचिए आप लोग कौन है, आप लोग इनकम टैक्स ऑफिसर कौन है, आप लोग इनकम टैक्स ऑफिसर है। एक आदमी का इनकम टैक्स कटना है, सबसे पहले क्या देखेंगे सर, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस देखेंगे। अब रेसिडेंशियल स्टेटस में सबसे पहले क्या चेक कीजिएगा सर, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या देखना है, देखना है सर वो कितना दिन है, 182 दिन था देश में, देख लो प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 182 डेज और मोर था कि नहीं, देख लो। तो मतलब क्या है, रेसिडेंट है, पहला पार्ट रेसिडेंट है, ठीक है, नहीं था पहला ऑप्शन हो सकता है, 182 डेज था, अगर था तो रेसिडेंट बन गया, अगर सर नहीं था तो क्या सर नॉन रेसिडेंट बन गया, नहीं, ऑप्शन टू है। ऑप्शन टू क्या बोलता है, ऑप्शन टू बोलता है अगर 182 डेज वाला क्राइटेरिया नहीं होता है तो दूसरा क्राइटेरिया देखो, दूसरा क्राइटेरिया क्या बोलता है, बोलता है सर 60 डेज वाला क्राइटेरिया है, जहां पे आपको प्रीवियस ईयर में 60 दिन देखना है और प्रीवियस का 4 ईयर देखो, जिसमें टोटल करके कितना देखना है 365 पे, एंड ये फुलफिल कर लो तो भी सर रेसिडेंट हो गया। तो मतलब कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लो तो आप क्या बन जाओगे, रेसिडेंट। अब सर जब मैं रेसिडेंट बन गया तो फिर एक क्वेश्चन आ गया, अब बताओ कौन सा रेसिडेंट होते हैं, प्योर रेसिडेंट है
थोड़ा आधा अधूरा रेसिडेंट है। अगर क्लियर हुआ तो क्या करना पड़ेगा, आधा अधूरा हुआ तो क्या करना पड़ेगा। तो चलिए अगर प्योर के बारे में बात करते हैं, तो प्योर में हम लोगों ने बात किया था दो कंडीशन वहां पे भी है। अब वो कौन कौन सा दो कंडीशन था सर बताइए। सर उसमें पहला कंडीशन था 10 साल में आपको कितना बताइए, 10 साल में कम से कम 2 साल रेसिडेंट बन के रहना था, और 7 साल में कम से कम आपको 730 और ज्यादा दिन आपको रहना था। यही तो देखो यहां पे लिखा हुआ, ही हैज टू रिसाइड इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीवियस ईयर। दूसरा क्या है, ही है, दोनों ही कंपल्सरी, दोनों होगा यहां पे एंड होगा, 1 and 2 ये कंडीशन दोनों कंपल्सरी है, एक पहले से नहीं होगा। यू हैव टू फुलफिल ऑल कंडीशन, अगर एक भी यहां से फुलफिल नहीं हुआ ना तब क्या मिलोगे, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके ये देख लो, ही हैज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, एंड 7 साल में कम से कम कितना दिन रहना है, 730 दिन रहना है। तो सर ये रहा आपका, क्या नाम है इसका बोलिए, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट का क्राइटेरिया। ठीक है सर, ये वाला बात तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब सर अपना पॉइंट बताइए। सर मैं इसको याद ऐसे करता हूं, अपने लोग जो कंडीशन पढ़ते हैं ना, कंडीशन को दो टाइप डिवाइड करते हैं। ये कंडीशन जो है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 out of 10 और 7 out of 730, इसे हम लोग एडिशनल कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशनल कंडीशन। और जो यहाँ पर जो दो कंडीशन लिखा हुआ है 182 days और 365 days वाला, इसे हम लोग बेसिक कंडीशन। ओके सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेसिडेंट वाला जो कंडीशन है उसको फुलफिल करना है, उसके बाद जाकर आपको एडिशनल कंडीशन दे। ओके एक एक करके दोनों, आप पहले यहां पर नहीं पहुंच सकते, यू कैन नॉट रीच हियर फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक दिस कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक दिस कंडीशन, आफ्टर देन यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस कंडीशन, देन ओनली यू विल बी एबल टू कंक्लूड वेदर दैट पर्सन इज व्हाट, नो ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके फिनिश। अब देखो सेक्शन नंबर यहां पे याद कर सकते हैं तुम लोग, ये जनरली क्या है, ये कौन सा सेक्शन है सर, ये सेक्शन आपका सेक्शन सिक्स का सबसेक्शन 1। ये देखो यहां पर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 है, अगर तुम लोगों को याद करना है जिसको उसको सेक्शन वो याद कर लेना सर। ये एडिशनल का कौन सा सेक्शन है सर, ये एडिशनल का सेक्शन है आपका 6 सबसेक्शन 6। ओके 6 6 6 ये क्या हो गया सर, 6 6 का मतलब है, देखो यहां पर लिख देता हूं। देखो बेसिक कंडीशन का आपका सेक्शन क्या है, 6 का 1 ए और सी, वेयर एज एडिशनल का कंडीशन है 6 का 6 and 6। ओके दैट्स ऑल, ये दो कंडीशन आपको लिखना सर, ये लिखना याद करना जरूरी है। यस अगर आप इसको याद करेंगे ना तो आपका फायदा क्या है पता है, पता तो सुनो, जब आपका कोई क्वेश्चन बड़ा आएगा ना तो आप इस क्वेश्चन का, इस सेक्शन का रेफरेंस आप उसको निकाल सकते हो, आपको पूरा बात लिखने का दरकार नहीं पड़े, आप उस सेक्शन का रेफरेंस कोट करके आप आगे आ सकते हो। समझ में आ गया, अगर ये याद रहेगा ना जिसको, वो क्या करेगा, ये सेक्शन कोट करेगा अपना, बोलेगा एज पर द कंडीशन मेंशन इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, ये जो कंडीशन था एज पर सेक्शन दिस ये फुलफिल करता है, ये क्या है रेसिडेंट, एज पर 6 सबसेक्शन 6 एडिशनल कंडीशन फुलफिल हो गया है, ये क्या है ऑर्डिनरी रेसिडेंट लाइक दिस। अगर तुम ये सेक्शन याद कर लोगे तो तुम्हारा फायदा ये होगा। ओके लिखने में थोड़ा टाइम तुम बचा सकते। देखो यहां तक का बात किसको किसको समझ में आया है, जिसको अगर नहीं समझ में आया तो जिसको कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या था, ये वाला सर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस था इंडिविजुअल का। अब सर इसका कुछ एक्सेप्शन है, यस सर देयर आर एक्सेप्शन। अभी एक्सेप्शन क्या है ये देखिए, यहां पे एक्सेप्शन लिखो, दिख रहा है आपको, हम लोगों ने 3 एक्सेप्शन पढ़ा था। मतलब सर एक्सेप्शन क्या, किस सेंस में एक्सेप्शन बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। अब देखो सबसे पहला बात सुनो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, आदमी लोग का जब भी हम लोग कोई टैक्स लगा, तुम लोग कौन है अपने आप को हमेशा इनकम टैक्स ऑफिसर समझो, यहां तुम लोग कौन है, इनकम टैक्स ऑफिसर, यू आर द इनकम टैक्स ऑफिसर ना। जब तुम किसी का इनकम को एसेस करेगा तो सबसे पहले तुम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने बैठा है 3 जन, एक आदमी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेगा तो क्या क्या देखेंगे सर, देखना है कि 182 डेज वाला क्राइटेरिया 60 प्लस 365 डेज वाला, अगर फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट। ओके उसके बाद सर, उसके बाद हम लोग को फिर वापस से देखना पड़ता है कि एडिशनल कंडीशन जहां पर 2 है 10 2 2 out of 10 देखना है और 7 से 730 देखना है, और ये दोनों फुलफिल हो गया तो वो ऑर्डिनरी बन गया।
आपको बेसिक का कंडीशन एक भी फुलफिल किया तो रेसिडेंट बन, अब रेसिडेंट में भी दो टाइप बन सकता है, लेकिन आपको प्योर देसी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों कंडीशन, तीन कंडीशन कम से कम सेटिस्फाई कर। लेकिन ये वाला कंडीशन जो है ये जनरल रूल के लिए क्या है, ये जनरल रूल के लिए आता है, जनरली इनकम टैक्स ऑफिसर ये रूल से सबको देखता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्पेशल केस होते हैं जहां पे इनकम टैक्स ऑफिसर वो वाला क्राइटेरिया जो अभी बताया तुम लोग को 182 डेज और 6365 डेज का, वो अप्लाई नहीं होता। जब वो अप्लाई नहीं होगा तो उस समय क्या बोलेंगे, एक्सेप्शन बोलेंगे ना, जनरल रूल का एक्सेप्शन, ये वाला यहाँ पे एक्सेप्शन का। ओके, अब चलिए सर एक्सेप्शन याद करते हैं, सबसे पहले चीज को देखते हैं। एक्सेप्शन में आप लोगों ने तीन केस पढ़ा था, याद है तुम लोग को, तीन केस हम लोगों ने पढ़ाया था। सबसे पहला केस क्या था, एक आदमी है जो लेट कर रहा है इंडिया, किस लिए, इंप्लॉयमेंट के पर्पज के लिए इंडिया छोड़ के वो विदेश जा रहा, तो सर क्या होगा, तो आपके लिए लिमिट क्या होगा, सिर्फ 182 डेज ही देखेंगे, 60+365 डेज वाला क्राइटेरिया आप लोग के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला। हाँ कि ना, याद आ गया, पहला वाला एक्सेप्शन ये था। अब सर इंप्लॉयमेंट कहां से, इंप्लॉय कहां जा रहा है, काम करने कैसे जा रहा है, शिफ्ट से जा रहा है, याद करने का बोले थे, शिफ्ट से जा रहा है, तो मतलब दो कंडीशन, दो दो सिचुएशन था ना, एक इंप्लॉयमेंट के पर्पज से जा रहा है, एक क्रू मेंबर ऑफ शिपिंग, एक शिप का क्रू मेंबर के हिसाब से रिश्व होते हैं, तभी भी आप लोगों के पास रूल बनता था। रूल क्या था सर, आपके पास सिर्फ 182 डेज वाला ही क्राइटेरिया था, 60+365 डेज वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, पहला केस खत्म, समझ में आया है, किसको किसको देखो एक बार, जिसको नहीं आया है एक बार प्लीज चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जिसको नहीं समझ में आया। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखो दूसरा क्या था, ये देखो, इधर देखो मेरी तरफ, मेरी तरफ देखो, दूसरा कंडीशन क्या था, दूसरा में हम लोग देख रहे थे क्या है, एक रेसिडेंट, एक कौन सा था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीओआई बोलते हैं इसको, पीआईओ बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ और इंडियन सिटीजन, जो आता है इंडिया में किस लिए, विजिट करने के लिए। ओके, अच्छे से समझना जो बात बोल रहा हूं, ये एक्सेप्शन का दूसरा नंबर है, ये एक्सेप्शन के दूसरा नंबर है, सुन लो अच्छे से, क्या एक्सेप्शन है सर, एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो विदेश से इंडिया में आ रहा है, कहां से, विदेश से इंडिया में आ रहा है, किस लिए, घूमने, विजिट। ओके, और वो इंडिया में आके वो पैसा कमाता है, सिर्फ इंडिया से, इंडिया में आके वो इंडिया से सिर्फ पैसा कमाता है, विच इज लेस देन 15 लाख, कितना है, 15 लाख से कम है। तो अब ये बताओ, इनकम टैक्स ऑफिसर थे, इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से सोचो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, सोच के बताओ, नहीं सर ज्यादा तो नुकसान हो नहीं रहा, 15 लाख ही कमा रहा है, क्या दिक्कत है, तो सर इसके ऊपर क्या स्पेसिफिक कुछ बर्डन डालें, नहीं इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक बर्डन डालने का दरकार नहीं है, इसको सिर्फ एक ही क्राइटेरिया देते हैं, 182 डेज वाला, कौन सा, 182 डेज वाला क्राइटेरिया देते हैं, बस आपको सिर्फ वही क्राइटेरिया फुलफिल करना। अगर वो व्यक्ति 182 दिन इंडिया में रहता है तब उसे क्या मानेंगे, रेसिडेंट, अगर 182 दिन से कम में रहता है तो क्या मानेंगे, नॉन रेसिडेंट, खेल खत्म। ओके, खत्म हो गया खेला। ओके सर, उसके बाद बताइए, उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे तीसरा, अब तीसरा वाला में क्या है, सेम पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट तुम लोग पढ़ा उसका सेम पॉइंट ही है, खाली थोड़ा सा चेंज होगा। पॉइंट क्या है सर ये बताइए, पॉइंट क्या है सर ये बताइए, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बात है वो इंडियन सिटीजन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, विदेश से आ रहा है इंडिया में, किस लिए, विजिट, ये सारा सारा पॉइंट लिखना पड़ेगा। तुमको ये एक्सेप्शन पूछता है, देन यू हैव टू राइट ऑल दिस थिंग। ओके, क्या बोल रहे हैं, इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, विदेश से आ रहा है कहां, इंडिया में, किस लिए, विजिट करने, और उसने इंडिया में आने के बाद पैसा कितना कमाया है, मोर देन 15 लाख सिर्फ इंडिया से। इसका मतलब क्या है, फॉरेन सोर्स का इनकम उसका कैलकुलेट मत करना, सिर्फ इंडिया में उसने कितना कमाया वो चेक करो। प्रीवियस वाला में यही बात बोले थे कि सिर्फ इंडिया में देखना है, मतलब फॉरेन सोर्स का इनकम कंसीडर मत करना, वो अगर इंडिया में आया है, इंडिया में आके वो इंडिया में बिजनेस करके पैसा कमा रहा है, इसे लोग क्या बोलेंगे, इंडिया में कमाया। ओके, और इंडिया में उसने कितना रुपया कमाया सोच के बताओ, 15 लाख से ज्यादा कमाया है, अब बताओ, और इनकम टैक्स का दिमाग खपेगा, 15 लाख से ज्यादा कमाया है और ऊपर से बोलता है नॉन रेसिडेंट, रुक जा तुमको तो घेरेंगे,
तुमसे हम पूरा टैक्स वसूलेंगे। कैसे वसूलेंगे भाई बताओ, कैसे वसूल सकते हैं? वसूलने का तरीका घेरा देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उसके लिए तीनों उठा के छिप दिया, देखो उसको, उसके लिए तीनों क्राइटेरिया बता दिया। अगर तुम कहीं से भी भागेगा एक जगह तो पकड़ाएगा। पहला जो बेसिक है 182 डेज प्लस 60 डेज वाला क्राइटेरिया, ओके, और स्पेसिफिकली पकड़ने के लिए 120 डेज का क्राइटेरिया इसको छुपा है। देखो हाँ हाँ वही तो बोल रहा है, एक्सेप्शन है ना, तो उसके एक्सेप्शन में 120 भी लगा दिया, देखो हाँ 60 भी लगा रहा, देखो ना यहाँ पे देखो 60 है क्या, ओके 60 नहीं है, 120 डेज, 60 बोल दिया गलती से। देखो क्या क्या है, 182 डेज वाला क्राइटेरिया है और 122 डेज वाला क्राइटेरिया, ये देख लो खत्म। ये सर एक्सेप्शन है, यहां से क्वेश्चन नहीं बनता एक्सेप्शन का, अगर क्वेश्चन बनता तो ये थ्योरेटिकल बने, प्रैक्टिकल नहीं है। क्या क्या कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया? देखो एक्सेप्शन में यहां पर तीन क्राइटेरिया दिया गया, तीन व्यक्ति हैं जो एक्सेप्शन में माने जाते हैं। एक आदमी ऐसा है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आदमी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना है तो आपके पास दो क्राइटेरिया है, 182 डेज और 60 डेज वाला। अगर आप ये रूल को फॉलो करते हैं तो ये जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन अगर आप ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो वो एक्सेप्शन बन जाता है। तो एक्सेप्शन आपके पास कब कब है? आपके पास एक्सेप्शन तीन केस में दिया गया है। पहला, जब आप इंप्लॉयमेंट के पर्पज के लिए देश को छोड़ रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 182 डेज वाला ही क्राइटेरिया है, 60 डेज वाला नहीं रहेगा, ओके। वेयर एज दूसरा केस ये था कि ये कोई विदेशी आदमी है, मतलब इंडियन ओरिजिन का है या इंडियन सिटीजन है, जो विदेश में रहता था, वो इंडिया में आ रहा है विजिट करने के, और वो इंडिया में आके पैसा कमाता है 15 लाख से ज्यादा, वो भी सिर्फ इंडिया से कमा रहा है, उसका फॉरेन इनकम मत जोड़ना, सिर्फ इंडिया से वो 15 लाख से ज्यादा कमा रहा है। तो सर इनकम टैक्स वहां पे बोलता है कि ठीक है, अगर 15 लाख से ज्यादा आप कमा रहे हो तो आपको लिमिट क्या दिया गया है, 182 डेज प्लस 120 डेज वाला क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने के लिए दिया। तो यहां पे देखो 60 दिन वाला क्राइटेरिया यहां से हट गया, और तीसरा वाला क्या था, अगर 15 लाख से कम कमाते हो तो आपके पास सिर्फ 182 डेज वाला ही क्राइटेरिया। तो बेसिकली क्या दिख रहा है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपका जो ऑप्शन टू था, दैट इज 60 और 365 डेज, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया, इसी को एक्सेप्शन बोलते हैं, ओके। अब सर ये तो इंडिविजुअल का खेला था, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक डीम्ड वाला है, डीम्ड रेसिडेंट, याद है डीम्ड रेसिडेंट, याद नहीं है डीम्ड रेसिडेंट, अरे जो किसी का नहीं वो मेरा है, उसे डीम्ड रेसिडेंट बोलते हैं। पढ़ के देखो क्या होता है, देखो एक बार इसको पढ़ो, ये जो ग्रीन बॉक्स में जो बना हुआ है ना, एक बार इसको पढ़ो, देखो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, पढ़ो एक बार ग्रीन बॉक्स वाला, मिल गया ना। इसका मतलब क्या है सर, इसमें यह पूछ रहा है, यहां पे यह बोला जा रहा है कि अगर कोई इंडियन आदमी है जो किसी भी देश का रेसिडेंट नहीं है, मतलब एक इंडियन आदमी है जो किसी भी देश का रेसिडेंट नहीं है, तो उसका इनकम को इंडियन, जो इंडिया का जो अपना टैक्स अथॉरिटी है ना, उसे क्या मान लेगा पता है, वो इंडियन है, उसे इंडियन मान के उसके ऊपर टैक्स लगा, यही वाला बात यहां पे बता रहे हैं और कुछ नहीं। और अपने लोग को क्लास में तो ये पता ही था कैसे पढ़े थे, याद करने के लिए वही वाला टैक्स थे और कुछ नहीं यहां। तो मतलब जहां भी रास्ता मिला है वहां पहुंचना है, यही वाला बात यहां पे बता रहे हैं। हो गया खेला ये वाला बात का, ओके। उसके बाद देखो ये तो सर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल था, ओके। अब सर यहां पे क्या है, एचयूएफ का बात है। सर एचयूएफ में क्या हो सकता है, एचयूएफ में भी आपका तीन स्टेटस आता है, क्या क्या आता है, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉट रेसिडेंट, एक होता है नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओके। क्या क्या आता है, रेसिडेंट, क्या क्या आता है रेसिडेंशियल स्टेटस में, क्या क्या आता है, फर्स्ट है आपका रेसिडेंट, दूसरा है नॉन रेसिडेंट, तीसरा है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो सर रेसिडेंट कब होगा, जब उसका मालिक, जब इंडिविजुअल का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है ना वो कहां पे है,
इंडिया में, अगर एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है तो वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट। अगर इंडिया से बाहर है तो क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। ओके, अब सर उसके ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे पता चलेगा? तो वहां पर सीधा सीधे आप कर्ता को देखिए, एचयूएफ का हेड कौन होता है? कर्ता होता है। आप देखिए कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या बोल रहे हैं? कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है वो देखिए। अगर कर्ता क्या है, कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस देखिए, अगर कर्ता रेसिडेंट है तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। कर्ता हेड ऑफ द एचयूएफ, एचयूएफ का जो हेड होता है उसे कर्ता बोलते हैं ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा तुम लोग क्लास 11-12 में। अब उसके बाद अगर कर्ता अगर नॉन रेसिडेंट निकल गया तो सर इसका क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, देख लो एक बार, एक मिनट रुको, फर्स्ट पॉइंट नहीं समझ में आया। कौन सा फर्स्ट पॉइंट बोला? तो ये फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सुनो, ये फर्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, फर्स्ट पॉइंट पे जो तुमको डाउट हो रहा है इंडिविजुअल का, ये देखो सुनो, यहां पे लिखा क्या हुआ है, कोई इंडियन सिटीजन है जो देश छोड़ के जा रहा है। अब वो देश छोड़ के जा रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने यही पॉलिसी निकाला है कि आप 182 डेज वाला ही क्राइटेरिया चेक कीजिए, 60 प्लस 365 डेज का क्राइटेरिया मत चेक कीजिए, बस यही वाला बात है और कुछ नहीं है इसमें। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बस नॉर्मल सोचना है। ये एचयूएफ का बात समझ में आ गया है? क्वेश्चन कहीं पूछेगा नहीं, देख कर छोड़ दे, अगर गलती से आ गया इसलिए बता। इसके बाद क्या है सर, ये देखिए, एक तो आ गया स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी के लिए क्या करना पड़ता है सर? कंपनी का सिर्फ दो ही स्टेटस बन सकता है, आइदर वो रेसिडेंट हो सकता है या वो अब मेरा बात सुनो, जो कंपनी है ना, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस दो हो सकता है, आइदर रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। क्या हो सकता है? आइदर रेसिडेंट हो सकता है या नॉन रेसिडेंट हो सकता है। तो रेसिडेंट कब बोलेंगे सर? देखो रेसिडेंट बोलने का एकदम सिंपल रास्ता, ये क्या होता है OM, ये क्या चीज है सर? POEM, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं OM। OM का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हाँ देख लो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो कंपनी क्या है, सोच के बताओ? रेसिडेंट है। अगर बाहर है तो नॉन रेसिडेंट, बात खत्म। जैसे टेस्ला क्या है, सोच के बताओ, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है? बाहर है सर, तो बाहर है तो वो क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। लेकिन सर रिलायंस क्या है? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से कंट्रोल होता है, तो सर ये क्या हो जाएगा आपका? रेसिडेंट। ओके, समझ में आया बात? बाकी का क्या है सर? बाकी जो बचा लोकल अथॉरिटी, ये सब फालतू कलाना ढमकाना जो है, जो बचा यूपी बिहार, उन लोग में क्या देखना है? उन लोगों का कंट्रोल देखो, कहां से कंट्रोल होता है। अगर इंडिया से कंट्रोल हुआ तो रेसिडेंट, अगर इंडिया के बाहर से कंट्रोल हुआ तो नॉन रेसिडेंट। बात खत्म। हाँ ओके, थोड़ा टाइपिंग एरर है। इफ एंड कंट्रोल मैनेजमेंट, ये देखो इसके नीचे लिखा हुआ है ना, होल्डली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया, होल्डली सिचुएटेड इन इंडिया, ये वाला बात है। यहाँ पे हो जाएगा इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है, इसको करेक्ट कर देंगे, कुछ आप लिख नहीं सकते यहाँ पर कुछ। ओके, अब सर एग्जाम पूछ रहे हैं एचयूएफ में क्या पढ़ना, बस एचयूएफ में सिर्फ इतना ही पढ़ लेना, काम हो जाएगा। इस चार्ट में जितना लिखा है ना एचयूएफ में, इतना ही पढ़ लो, काम हो जाएगा। एचयूएफ का क्वेश्चन बड़ा नियर आता है, बड़ा क्लियर आता है, इसीलिए मैं तब भी कवर कर लिया कि अगर कभी आ गया, किस्मत खराब हुआ तो। इसीलिए खत्म हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस का ये चक्कर, देख लो भाई इतना रुक गया। अब दिख गया ना, ये वाला बात समझ में आ गया, सारा प्रोविजन कवर हुआ है यहाँ पे, एक बार देख लो और मेरे को बताओ किसको किसको कौन कौन सा प्रोविजन नहीं समझ में आया है। अगर किसी को बताना है, कुछ पूछना है तो बोलो, बता देता हूँ। उसके बाद एक बार सवाल भी लिख लेते हैं। को भी नहीं मिला, हो गया।
है जो पब्लिक नहीं किए हुए, क्यों क्यों कॉन्फिडेंस है। चले आगे चले, एक बार देख लो। चलिए अब इस पर थोड़ा बात कर लेते हैं, मतलब ये जो चैप्टर है रेजिडेंशियल स्टेटस, यहाँ पे क्या क्या चार्ट बन सकते हैं आप लोग के लिए, किस किस टाइप का सम इसमें आ सकता है वो एक बार देख लेते हैं। सर रेजिडेंशियल स्टेटस जो चैप्टर है ना, रेजिडेंशियल स्टेटस इस चैप्टर में ना आपका दो टाइप का सम जनरली देखा जाता है। ओके, दो टाइप का सम जनरली देखा जा सकता है। कौन कौन सा सम है सर? सबसे पहला इस चैप्टर में जो सम बनता है ना, सबसे पहला सम वो होता है डिटरमिनेशन ऑफ स्टेटस, डिटरमिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। सर ये क्या होता है? सर इसमें खाली प्रोविजन का खेला होता है। क्या होता है? प्रोविजन का खेला होता है, प्रोविजन एंड डेट कैलकुलेशन। अगर आपको प्रोविजन और डेट का कैलकुलेशन आता है तो ये सवाल बन जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन आता था आपका टैक्सेबिलिटी पे, इस पे टैक्सेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो टैक्सेबिलिटी का इस पे क्या इनकम चार्ज होता है वो। चलिए सर एक बार देख लेते हैं क्या क्या सम बन सकता है इसमें से, एक बार देख लेते हैं। ये देखो सबसे पहले ये डिटरमिनेशन का एक सम कर लेते हैं और एक टैक्सेबिलिटी वाला सम उठा लेते हैं। तो सर आप लोगों को बनाने से अच्छा डिस्कस ही कर लेते हैं साथ ही साथ। एक क्वेश्चन यहाँ पे लगा हुआ है जो थोड़ा मोटा हार्ड लगता है मेरे को देख के, तो मैं आप लोग के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। ओके ये देखो तुम लोगों के पास अगर किताब है, एक मिनट रुक जाओ, ये है क्या, ये रहा सम नंबर 24। अगर जिसके इसके पास ये किताब है वो एक बार सम नंबर 24 देखो, और नहीं है तो आप स्क्रीन पे देख ही सकता है, स्क्रीन देख सकता है तुम लोग, देखो स्क्रीन पे। जिसके पास नहीं है नोट्स वो एक बार मेरे को टेलीग्राम चैनल पे बोल देना, क्लास खत्म हो जाए मैं तुम लोग को बता देता हूँ। चलिए एक सम पढ़ें, 24 नंबर का सम एक बार पढ़ते हैं और बताने का कोशिश करते हैं किस तरीके से इस टाइप के सम को आप हैंडल कर सकते हो। सबसे पहला देखो, जब भी आप सम पढ़ने जाओगे तो हर एक चीज को पेंसिल से मार्क करते हुए चलना। जो जो पॉइंट बोलूंगा वो हर क्वेश्चन में आप लोग को मार्क्स करना है, हमेशा मार्क कीजिए ताकि आप डिसीजन ले सको। ये देखो मिस्टर रॉय अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज एम्प्लॉयड विद एक्स वाई जेड लिमिटेड एट कोलकाता, कहां काम करता है? कोलकाता में। He left India for the first time on June 30, 2020. कब गया है देख लो एक बार, इस डेट को मार्क करो, June 30, 2020। ठीक है, पहली बार गया है for the purpose of working on a project of his employer। मतलब वो क्या employment करने जा रहा है, सोच के बताओ। employment का purpose नहीं है, देखो employment का purpose का मतलब क्या, वो हमेशा के लिए इंडिया छोड़ के जा रहा है बाहर काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो ये काम हमेशा करने थोड़ी ना जा रहा है, वो तो इंडिया ही का है, मतलब यही का आदमी है, काम समाज थोड़ा दिन के लिए कुछ काम है करके वापस आए। ओके, एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ में आ गया। ये वाला बात बोल, कंपनी इन यूएसए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट ही केम बैक टू कोलकाता ऑन जनवरी 1, 2022। ओके, डिटरमाइंड हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 and 22-23। असेसमेंट ईयर कौन सा है? 21-22 and 22-23। दो असेसमेंट ईयर के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस बताना पड़ेगा। तो सर अगर आप पूछिए, सबसे पहले मैं 22-23 का बात कर लूं, एक बार 22-23 के बारे में बात करूं। ये देखो जब भी हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं, ये आपका असेसमेंट ईयर है 2022-23
तो सर 2022-23 में अगर आपको रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है तो कौन सा ईयर चेक कीजिएगा? आप देखोगे 2021-22 में वो कितना दिन था, वो डेट वाला क्राइटेरिया यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, कौन कौन सा डेट था सर। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा 182 डेज वाला क्राइटेरिया, और या और क्या हो सकता था 60+365 डेज वाला क्राइटेरिया, कोई भी एक फुलफिल कर लो, क्या बन जाएगा रेसिडेंट। अगर रेसिडेंट बन गया तो सर आपको फिर देखना पड़ेगा ROR बन सकता है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और क्या बन सकता है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, यही तो सर अगर आपसे कोई पूछता है कि रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, क्या बताइएगा? सिर्फ रेसिडेंट बताइएगा? नहीं, यू हैव टू रीच एट दिस पॉइंट। कहां पे आना पड़ेगा आपको? इस दोनों पॉइंट पे आना पड़ेगा। अब सर इस दोनों पॉइंट पे पहुंचेंगे कैसे? तो सर आपको डेट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सर अगर देखिए मैं 22-23 के बारे में अगर बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, 21-22 में वो कितना दिन था वो देखो, तो 21-22 में उसका डे का कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। तो सर डे का कैलकुलेशन कहां से देखेंगे, ये देखो इस तरीके से आप लोग को भी एग्जाम में डे का कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा। हम लोग देखे थे ना, याद है अपना क्लास में किए थे ये वाला पार्ट। तो देखिए सर सबसे पहले कौन सा प्रीवियस ईयर लिया गया, 21-22 आ गया ना, 21-22 का प्रीवियस ईयर ये रहा, फिर 20-21, 19-20, 18-19, 17-18 एंड ठीक है। एक बार डे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर 21-22 में सबसे पहले देखिए वो कितना दिन है, एक बार देख के बताओ 21-22 में कितना दिन था, देख के बता सकते हैं कोई? सर हाउ 90 दिन कैसे हो गया, सोच के बताओ। सबसे पहला पॉइंट देखो, वो 1 जनवरी को आया है तो इसका मतलब वो कितना दिन था यहां पे, ओके? तो मतलब सबसे पहले देखिए जनवरी का वो पूरा 31 दिन था। कैलकुलेटर लो, टाइप करो, जनवरी का 31 डेज प्लस फेब का कितना दिन होगा, 28 डेज, उसके बाद मार्च का कितना दिन होगा, 31 डेज, कितना होगा 90 डेज आ गया। समझ में 90 डेज कैसे कैलकुलेट किए? तो सर ये तो पता चल गया कि इस साल वो कितना दिन था, मतलब 22-23 के लिए निकाल रहे हैं, 21-22 में वो कितना दिन था अपने देश में, सिर्फ 90 डेज था सर। तो मतलब 182 डेज वाला तो क्राइटेरिया बने, क्या देखना पड़ेगा 60+365 का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। तो सर 60 डेज तो फुलफिल किया, तो अब क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस का 4 साल का वापस से देखो। हाँ दीना, समझ में आ रहा क्या बोले? सच तो हो गया, अब 365 प्लस में देखना है, तो उससे प्रीवियस का 4 साल में देखो 365 दिन था कि नहीं था, उससे प्रीवियस का कौन सा ईयर बनेगा सर? देखिए ये 2021 है, ये देखो 21-22 का प्रीवियस, 2021-21, 2019-20, 2018-19, 2017-18 ये 4 साल में देखना था, कितना देखना है सर 4 साल में 365 दिन मेरे को निकाल के लाना है। तो अब ये बताइए 2021 में वो कितना दिन था, देख के बताओ सर। 2021 मतलब नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई वो किस दिन देश छोड़ के गया, देखो वो जून 20 में गया है, तो मतलब वो कौन सा प्रीवियस ईयर में गया है, 2021 का प्रीवियस ईयर में वो देश छोड़ के गया है। तो अब ये बताओ कि वो जिस साल छोड़ के गया, 2021 में वो कितना दिन था इंडिया में, सोच के बताओ। अब देखो अप्रैल का वो 30 दिन था, मई का 31 दिन होता है, और जून का कितना दिन था बताओ, जून का 300 दिन लेंगे सर, 30 को छोड़ा, जिस दिन छोड़ा है वो भी दिन कैलकुलेट करेंगे, 30 मिलेंगे, तो जोड़ लो 30, कितना दिन हो गया सर, 91 डेज। सबका आया 91 डेज, देख के बताओ एक बार सबका 91 डेज आया है कि नहीं, हाँ इसलिए बोला वहां पे एक दिन भी कैलकुलेट किया हूं। तो सर यहां पे जब डे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो जिस दिन वो देश छोड़ के जा रहा है वो भी दिन कैलकुलेट कीजिएगा, और वो जिस दिन वापस आ रहा है उस दिन को भी जोड़िएगा, ओके? देखो यहां पे 90 डेज आ गया, ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तुम लोग को, ये बताओ। तो सर बाकी का दिन में क्या होगा सर, पहले ही बता दिया ना, वो तो पहली बार जा रहा है देश छोड़ के, तो बाकी में क्या होगा, वो जितना दिन होता है सर 366, 365, 365, 366 जैसे भी होगा, यही तो देख लो एक बार। यहां तक बात सबको समझ में आया है कि नहीं आया, जिसको इसको समझ में आ गया है एक बार अपना हाथ ऊंचा कर लो भाई इसमें।
ओ भाई समझ में आया कि नहीं, बोलो तो। चलो ठीक है छोड़, जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, जिसको नहीं आया तो ठीक है। अब चलिए आगे। अब देखिए यहां पे क्या है, सबसे पहले मेरे को क्या देखना था, रेसिडेंशियल स्टेटस। आप लोग ITO है ना, इनकम टैक्स ऑफिसर, तो इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से जो पहला लेवल का टेस्टिंग था आप लोगों ने कर लिया। पहला लेवल का टेस्टिंग क्या था सर? आइए देखेंगे 182 दिन, दैट इज 182 डेज, वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं फुलफिल हो रहा है दूसरा देखेंगे क्या है, 60+365 डेज वाला क्राइटेरिया। तो सर मेरे हिसाब से ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम क्या था वैसे, मिस्टर रॉय, ये जो मिस्टर रॉय है वो कौन सा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, पहला कि दूसरा? ऑब्वियसली दूसरा, जहां पे 60+365 डेज वाला क्राइटेरिया फुलफिल हुआ। सर कहां, कैसे बता आपको 60+365 डेज वाला? देखो ये देखो, पहला तो इस साल में वो 90 डेज है ना, यहां पे वो 90 डेज है विच इज मोर देन 60 डेज, और उसका प्रीवियस 4 साल में आपको कितना देखना है, 365 डेज देखना है ना। देखो यहां पे ऑब्वियसली देखो, 1 2 3 4, एक तो लास्ट का दोनों को 365 डेज पूरी है, तो जोड़ने का भी दरकार नहीं पड़ेगा, खत्म हो गया खेला यहाँ पे। तो सर इस बात से आप लोग क्या घोषित कर सकते हैं, सर यहाँ पे मैं यह बता सकता हूं कि दैट पर्सन मिस्टर रॉय इज रेसिडेंट, हाँ कि ना, ही इज रेसिडेंट, बात खत्म। अब सर जब रेसिडेंट डिसाइड हो गया उसके बाद अपने को आगे बढ़ना है ना। अब हम लोग को क्या सोचना है, अब हम लोग को सोचना है कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो सर उसके लिए आपके पास दो कंडीशन है, क्या कंडीशन था, 10 साल में कोई भी 2 साल आपको क्या बन के रहना है, रेसिडेंट बन के रहना है, और 7 साल में आपको कम से कम 730 दिन रहना है। अगर आप गौर से देखिएगा ना क्वेश्चन, तो देखिएगा यहां 4 साल में उसको 730 दिन वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। देखो 10, और सर अच्छे से देखो कि आपका 7 साल देखने का दरकार भी नहीं है, बाकी दो कंडीशन जैट इज 10 साल में कम से कम 2 साल रेसिडेंट बन के रहना है, वो भी यही फुलफिल हो गया। देखो 365 डेज वाला, जिस साल में वो 365 डेज है मतलब रेसिडेंट है, दो बार यहां पर रेसिडेंट भी हो गया और 730 दिन वाला भी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, डन। तो चाहे तो आप यहां से ही कोट कर सकते हो, इस जगह के बाद ही आप अपना आंसर फॉर्म कर सकते हो, इस जगह के बाद ही आप आंसर, यस स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा सर, व्हाट विल बी राइट इन आवर आंसर। देखो आंसर में लिखना है इस तरीके का, जब भी कोई टैक्सेशन हो या लॉ, टैक्सेशन हो या लॉ, सबसे पहले आप प्रोविजन कोट कर रहे हैं। जैसे लिख देना, हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं, हम लोग का जो प्रोविजन अपने लोग को पता है, एज पर सेक्शन 6(1), अ पर्सन कैन बी कंक्लूडेड एज एन रेसिडेंट ओनली इफ इफ ही फुलफिल द कंडीशन दैट इज ही रिसाइड इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर मोर देन 182 डेज, और ही रिसाइड इन इंडिया मोर देन 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर एंड मोर देन 365 डेज इन प्रीसीडिंग द 4 प्रीवियस। खत्म पहला कंडीशन। उसके बाद अ पर्सन कैन बी कंक्लूडेड एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ओनली व्हेन ही फुलफिल द फॉलोइंग टू कंडीशन। व्हाट आर दोस कंडीशन सर? फर्स्ट कंडीशन है कि यू हैव टू बी अ रेसिडेंट ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर्स, एंड देन यू हैव टू रिसाइड इन इंडिया मोर देन 730 डेज इन द प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर। खत्म, यह कंडीशन तुमने लिख लिया। अब जब तुम कंडीशन लिख लिया, एनालिसिस कर दो सर, जिसने ये कंडीशन फुलफिल किया, ये कंडीशन फुलफिल किया, ये चारों कंडीशन फुलफिल है, एज ए रिजल्ट ही इज व्हाट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक कैंसर हुआ, दूसरा का भी सर सेम आएगा, दूसरा का भी सेम आना क्यों सर? तब सर हम लोग इसको, अब जब दूसरा का मतलब नहीं समझ में आया, अभी तो हम लोग 22-23 वाला निकाला है ना, 21-22 का जब पढ़ना शुरू करेंगे, 21-22 का, तो सर आप क्या यूज कीजिएगा बताओ? जब आप 21-22 करना शुरू करोगे, ये आपका जब असेसमेंट ईयर होगा, देन योर प्रीवियस ईयर विल बी व्हाट, 2020-21, हाँ डेटा विल बी रिमेन सेम, एंड नाउ यू हैव टू फॉर्म द डिस्कशन अगेन। तो सर वापस से ना लिख के, आप सीधा सीधे लिख दीजिए, इफ इफ यू आर कंसिडरिंग द दिस मंथ व्हाट प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 21-22, देन व्हाट विल बी द कंडीशन, वो देख लो। और मेरे को जितना लगता है 20-21 में शायद वो 90 दिन ही था, तो वापस से आंसर, योर आंसर विल रिमेन द सेम, आंसर में रिमेन द सेम। अब देख के बताओ किसको किसको ये समझ में आ गया है, जिसको इसको समझ में आ गया है एक बार बताओ मेरे को, ताकि मैं दूसरा टाइप का सम में जंप कर सकूं। एक बार देख लो ये वाला सम किसको किसको समझ में आ गया है, ये सम जो बता रहे हैं ना, ये हार्डली 5 नंबर पे आता है, इससे बहुत ईजी आता है 5 मार्क्स पे, ये अगर किस्मत खराब हुआ तो 10 मार्क्स पे दिख सकते।
यस इट इज द मोस्ट टफेस्ट टफेस्ट पार्ट जो है वो इस टाइप देखता है रेसिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन। अब देख लो जिसको इसको समझ में आया है एक बार बात कर ले, एक बार बात बोल दो भाई हम लोग उनको थोड़ा समझ में आ जाए, तुम लोग को समझ में आ रहा है। तुम लोग का सम्स का जो लिस्ट है वो मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा कि आपको वो सम जरूर करके जाना है। अगर सारे चैप्टर से मैं बता दूंगा क्या कौन कौन सा स्पेसिफिकली करना है, अगर आप वो सम करके जाओगे ना तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का कवर। खत्म हो गया, आगे बढ़े। अब देखो सर एक तो टैक्सेबिलिटी वाला बात था, याद है टैक्सेबिलिटी वाला हम लोग टैक्सेबिलिटी का बात शुरू किए थे, वो कहाँ है सर हमको तो पता नहीं है टैक्सेबिलिटी वाला बात। ये रुको सीधा सीधे यहां से बात कर लेते हैं, रुक सर ये वाला चार्ट तुम लोग को याद करना है, देख लो ये वाला चार्ट तुम लोग को याद करना है। अब सर जो जो पढ़ा है उसको तो बताए कैसे याद करना है, अब जो जो नहीं पढ़ा है उसके लिए एक ही ऑप्शन है सर इसको याद करना। मैं सिर्फ एक बार ट्राई करता हूँ समझाने का, एक बार ट्राई करता हूँ। ये देखो जो बात बोल रहा हूं उसको समझना, जो बात बोल रहा हूं उसके ऊपर समझने का कोशिश करना। अगर कोई रेसिडेंट होता है, क्या होता है रेसिडेंट, इफ कोई वहां पे क्या होता है रेसिडेंट होता है तो उसका ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है, क्या होता है ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। मतलब वो कहीं भी पैसा कमाए उसका टैक्सेबिलिटी आ रहा है, लेकिन बाकी दूसरा क्या होता है सर एनआर नॉन रेसिडेंट। जब भी कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट होता है ना, वो व्यक्ति जब विदेशी होता है तो उसका कौन सा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है, सिर्फ कुछ ही इनकम टैक्सेबल होगा। इसमें कौन कौन सा है, आइदर तुमने इंडिया में पैसा कमाया है, इंडिया में क्या किया है रिसीव किया है या अर्न किया है, दोनों भी हो सकता है। अगर आपने कोई भी एक काम किया है ना, आवाज आ रहा है देखो एक बार, हेलो हेलो आवाज आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है क्या आवाज में? अब देखो जब एनआर का बात करते हैं तो उसका कौन सा इनकम टैक्सेबल होगा, जो पैसा इंडिया में मिला है या जो इंडिया में उसने कमाया है। ओके उसके बाद सर क्या है, उसके बाद आता है एक और केस जिसका नाम है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इस केस में क्या होता है सर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर इस केस में आपके पास ना जो ऑप्शन आता है वो कुछ इस तरीके का होता है, आपने क्या किया है इंडिया में आपने क्या किया है पैसा कमाया है, आइदर यू हैव अर्न द इनकम इन इंडिया सबसे पहला, दूसरा क्या है आइदर आपने इनकम कहा रिसीव किया है इंडिया में, या आपने कोई इनकम कमाया है जो बिजनेस कहां पे है बाहर में है, बिजनेस आउटसाइड इंडिया बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। ओके बट इट इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, खेल खत्म।
इतना बात समझ में आ गया। अब देख लो क्या क्या बोले सर, ग्लोबल इनकम रेसिडेंट में कुछ नहीं करना है। इधर देखो मेरे तरफ देखो, रेसिडेंट का जब भी इनकम कैलकुलेट करेंगे उसको जो भी पैसा मिला है सीधा सीधे टैक्स में, जो भी पैसा मिला है सीधा सीधे टैक्स में, कुछ नहीं सोचना। उसके बाद जितना भी इनकम आया है जोड़ दो, बोल दो यही टैक्स में। अगर हम नॉन रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ नोट करना है कि इंडिया में कितना मिला है या इंडिया में उसने कितना कमाया है, बस उतना ही लेना है। और अगर आर वन नॉन रेसिडेंट मतलब और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ तो सर क्या करेंगे, तो सर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में क्या होगा, आपको सिर्फ देखना है कि पैसा इंडिया में कमाया है, इंडिया में मिला है, और एक स्पेशल केस है जो इसके लिए बना है कि अगर कोई बिजनेस बाहर है और उसे कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से हो रहा है, और आपको वहां से पैसा मिल रहा है, देन उसमें भी आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। ओके, यही वाला बात यहां समझा रहा है सर, फिर से बताइएगा, फिर से बताइए, सुन ले। एक रेसिडेंट आदमी है जो पैसा कमा रहा है, वो कहीं से भी पैसा कमाए, उस पैसे पे उसको इंडिया में टैक्स देना पड़े, वो कहीं से भी कमाए, ये इमटेरियल है कि वो बोले विदेश में कमा रहा है, इंडिया में कमा रहा है, दुबई में कमा रहा है, कहीं भी कमाए, यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया, दैट्स ऑल। रेसिडेंट का बात ये, नॉन रेसिडेंट का बात क्या है सर, नॉन रेसिडेंट इंडिया में टैक्स कब देगा, ओनली व्हेन ही अर्न इन इंडिया और रिसीव द इनकम इन इंडिया, देन ओनली ही विल मेक द पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंडिया। ओके, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट का केस क्या है, जब वो इंडिया में पैसा कमा रहा है, इंडिया में उसको पैसा रिसीव हो रहा है, या और एक स्पेशल केस के लिए बना है, बिजनेस जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है उससे उसको पैसा मिल रहा है बाहर से मतलब विदेश से, देन उस पर भी उसको टैक्स देना है। ओके सर, ये वाला बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे यही सारा बात यहाँ पे लिखा गया है, देखिए रेसिडेंट में क्या है, सारा का सारा टैक्सेबल है सर, जो बात मैंने बोला आपको एक एक लाइन पे जो बात बोला वो बात इन्होंने ऐसे टेबल बना के समझाया, सीधा बात यही है ना, रेसिडेंट जो रेसिडेंट होता है उसका क्या है, होल इनकम विल बी टैक्सेबल, तो देखो उसका सारा इनकम टैक्सेबल है सर, सिर्फ एक केस जो है वो टैक्सेबल नहीं होना, तो कौन सा केस बता सकता है सर, ये रेमिटेंस का केस, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, मतलब हमने पहले कभी कमा लिया था इस साल उसे अपने देश में ट्रांसफर कर, तो सर ट्रांसफर पे कभी टैक्स नहीं लगता, अर्निंग पे लगता है, रिसीव इंडिया में कर रहे लेकिन कमाया कब था, सोच के बताओ, तुम लोग पूछ सकता है सर मैंने रेमिटेंस तो मान लेते हैं आपने 2005-06 में कोई पैसा कमाया था, अब वो पैसा आप इस साल अपने देश में रेमिट कर, तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि 5-06 में जब आपने कमाया हो तब तो दे ही दिया होगा ना, जिस देश में टैक्स उस समय दिया होगा ना, अब देखो प्रीवियस ईयर में अगर तुमने कमाया है तो ये तो खुद भी खुद टैक्सेबल हो जाएगा, प्रीवियस ईयर में तो इनकम मान लेंगे ना उसको, समझ में आया, ये जो भी होगा प्रीवियस ईयर के पहले वाला ईयर का खेला होगा, अब प्रीवियस ईयर का पहले वाला जब भी कोई बात होगा ना तो उस केस में आपका क्या अवस्था होगा सर, प्रीवियस ईयर के पहले में जब आपने कोई भी कमाया होगा इसीलिए माना जाता है कि आपने उसको टैक्स दे दिया, तो अब जब आप ट्रांसफर करते हो तो फिर वापस से टैक्स नहीं लगता, किसी भी केस में नहीं लगता, चाहे आप रेसिडेंट हो, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट, देख लो इसीलिए यहाँ पे तीनों केस में नॉन टैक्सेबल लग गया। ओके डन, अब एक बार चार्ट पढ़ के देख लो, एक बार तुम लोग चार्ट करके देखो, ये वाला चार्ट में जो जो मैंने बात बोला वो मिल रहा है कि नहीं, किसी का कोई इसमें डाउट वाउट है तो पूछ लो, एक बार देख लो, एक बार देख लो इसको, कोई क्वेरी आता है तो पूछ लो, तब तक मैं थोड़ा देख लूं सर क्या कर रहा हूं।
सबको समझ में आ गया बात यहां तक? अब चले आगे। हेलो, अब चले आगे चले। अब इससे रिलेटेड एक सम देख ले क्या? चलो इससे रिलेटेड एक सम कर लेते हैं। ये देखो, एक कौन सा है मिस्टर अजनबी और देखो थोड़ा थोड़ा हेवी है मैच मिस्टर अजनबी। अब एग्जाम में बहुत लोग इससे भी अजनबी हो सकता है, पर नहीं पता होगा तो कोई भी अजनबी है तो अजनबी है, सच में अजनबी है। लेकिन इस अजनबी को हम लोग छीन लेते हैं, हमें उसको ही पहचान लेते हैं, जान पहचान बना लेते हैं। अगर एग्जाम में आ गया तो ये अजनबी अजनबी नहीं रहे। तो अपना जो टैक्टिक्स है, जिस हिसाब से हम लोगों ने सोचा था उसी हिसाब से सम बनाएंगे। सबसे पहला बात ये देखिए, मेरे तरफ देखिए, रेसिडेंट अगर आदमी हुआ तो क्या करेंगे? कोई भी इनकम होगा टैक्स देंगे, कोई भी इनकम होगा टैक्स देंगे। डन, पहला बात समाप्त। दूसरा, अगर नॉन रेसिडेंट हुआ तो सिर्फ वो उसी पे टैक्स देंगे जो इंडिया में मिल रहा है या जो इंडिया में वो कमा रहा है, इसके अलावा कोई भी इनकम पे टैक्स नहीं देंगे। और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हुआ तो जो इंडिया में मिल रहा है, जो इंडिया में कमा रहा है। और एक स्पेशल केस इसके लिए है कि बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, लेकिन बिजनेस है कहां पे, आउटसाइड इंडिया, तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन कब? ओनली इन केस ऑफ नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट केस। याद रहेगा ये बात, देख के बताओ। अब चलिए सर, इस सवाल को बनाना जब हम लोग शुरू करेंगे ना, एक बार इस सवाल में देखिए, इस सवाल को एक बार आप लोग गौर से देखिएगा। इस सवाल को जब पढ़िएगा तो मैं बता देता हूं क्या क्या, जब भी सवाल पढ़िएगा तो याद कर लेना है क्या क्या। सबसे पहला बात, बिजनेस इनकम फ्रॉम यूएसएसआर रिसीव इन इंडिया, इंडिया में आया ना, जब भी इंडिया में आया लिख दो इंडिया आई, जब भी इंडिया दिखे आई तक तुमने कमाया है या रिसीव किया है, लिख दो वहां इंडिया आई, लिख दो वहां। आई का मतलब क्या है सर? जब भी आई इंडिया ना, मतलब सबको टैक्स देगा। आई जब भी लिख दिया मतलब सबको टैक्स देगा। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस इनकम अर्न इन इंडिया रिसीव इन पाकिस्तान, कमाया कहां भाई? इंडिया है ना। देखो यहां पर लिखा हुआ इंडिया, तो यहां पर भी इंडिया आ गया सर। डन, दूसरा देखो क्या लिखा हुआ, सैलरी इनकम फ्रॉम ए कंपनी ऑफ यूके सिचुएटेड इन इंडिया, पैसा तो इंडिया में मिला ना। उसके बाद क्या है देखो, इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड 2/5 रिसीव इन इंडिया, तो मतलब 2/5 तो हमेशा टैक्सेबल होगा क्योंकि 2/5 इंडिया में मिला है। तो सर मैं एक बात बोलू, इस सम को मैं ऐसे लिखू, 2/5 में इंडिया है और बाकी 3/5 में क्या है पता नहीं सर। अरे समझ लो, जो जो बोल रहा हूं पर लिख लो, पहले आई आई लिख देना, आई लिखने से फायदा क्या होगा मैं बता दूंगा। कन्या सबको देखो एक बार, आगे चले। अब देखिए सर, इसके बाद क्या लिखो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल Received there, but later on remitted in India. तो सर remitted जब भी आ जाए तो क्या करना सर? कोई भी टैक्स नहीं देगा। ओह, remitted ऊपर में है ना, जब भी remitted दिख जाए तो कोई भी टैक्स नहीं देगा, चाहे वो रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, हैंगओवर हो, नहीं देगा सर, खत्म। उसके बाद क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जकार्ता रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इसमें इंडिया है क्या? नहीं है, छोड़ दो। दूसरा पढ़ो, इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन यूएई विच इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, तो ये सर कौन सा स्पेशल केस है? ये कौन सा केस है? स्पेशल केस, एसपी लिखो।
क्या बोला, एसपी लिखो स्पेशल केस, ओके डन। आगे चलिए, फर्स्ट अनटैक्स प्रॉफिट 1516 ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ये सर क्या है, रेमिटेंसी है ना, सोच के बताओ, अल्टीमेटली रेमिटेंस है, तो रेमिटेंस में क्या करना है सर बताओ, काट दो खत्म। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मद्रास अनटैक्स है, मतलब उस पर प्रॉफिट वहां पे नहीं लगाता उस देश, हाँ नहीं दिया, मतलब क्या हो सकता है, यस सर हो सकता है, नहीं देंगे क्यों, बोलो हम उस टाइम ऐसे देश में थे जहां टैक्स नहीं लगता था, केमैन आइलैंड, केमैन आइलैंड नहीं, नेदरलैंड नहीं लगता टैक्स। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन मद्रास एंड मैनेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ओ भाई इतना तो पता नहीं सर, बिजनेस कहाँ ये बताओ, तो कमाया कहाँ पे, इंडिया में, तो चलिए सर इंडिया में। उसके बाद प्रॉफिट ऑन अ सेल ऑफ बिल्डिंग इन इंडिया बट रिसीव्ड इन श्रीलंका, बेचा तो इंडिया में ना, कमाया तो इंडिया में, इंडिया। पेंशन फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव इन यूएसएसआर, कहाँ मिला, कहाँ मिला, बस खेल खत्म। सर ये लिखने का मतलब क्या था, आप ये बता सकते हो कोई, इतना जो कहानी आप लोग मुझे को पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग यार ये कर लिया ना, तुम लोग का सवाल बन गया, पता है, अब मेरा बात सुने, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो सवाल है ना, जहां जहां आई लिखा होगा ना वो हर केस में टैक्सेबल, क्या होगा, हर केस में टैक्सेबल। अब ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार पढ़ के देखो, यहाँ पे बोला तीनों केस में बनाने का, अब तुम लोगों को मिला के देखो, मैंने जहां जहां आई लिखा है ना वो हर जगह पे प्लॉट हो गया, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल 181,000, कहां मिला कहां, देखो देख पर, हम क्या गलती पढ़ ली क्या, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहां पे गलती कर दिया, पता है क्या, ये रिमिटेड उसी साल हुआ है, वो उसी साल रिमिटेड हुआ, वो प्रीवियस साल नहीं है, देखो हम गलत, हम रीडिंग गलत कर ले, ये टैक्स होगा इसमें, ये भी आई होगा लेटर ऑन, मतलब मानो इसका लेटर ऑन का मतलब क्या पता है, हम कमाए कब पता है, जनवरी में भेज दिए फरवरी में, यही तो बोला ना लेटर ऑन, प्रीवियसली नहीं बोला, प्रीवियस ईयर हम लोग जो बात किए थे रेमिटेंस का, वो कौन सा ईयर का था, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर ना, हमने तो प्रीवियस ईयर का खेला है, तुम जो बोला अभी मेरे को, तुम्हें वही बातचीत कर रहा था ना मेरे से कि सर अगर प्रीवियस ईयर में कमाए वहां पर उसके बाद रिमिट किए तो केस है वो, तो हम क्या बोले वो इनकम ही मान लेंगे ना, सर रेमिटेंस में आपको क्या देखना पड़ेगा मैं बता दू फिर से, रेमिटेंस में सर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि सर वो कौन सा साल का इनकम है, अगर रेमिटेंस करंट ईयर का इनकम को पहले वहां कमा के वापस रेमिट कर रहे हो तो इसका मतलब कि इंडिया में रिसीव हो रहा है ना एक्चुअल में, देखो वो तो घुमाने का तरीका, तो सर इंडिया में टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर से पहले का भी कमाया है और उसको प्रीवियस ईयर में रेमिट करे तो वो टैक्स नहीं, ओके, इसीलिए यहां पे आई हो। कहां पे देखो, ये तो केस देख लो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन जकार्ता रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, तो ये आउटसाइड इंडिया मिला है ना, ग्लोबल इनकम में आएगा, बाकी दोनों में नहीं आना, ओके, इन वाला खेला है सर, इसमें एक बार देख लो, ये सब में आना चाहिए 181, पता है, हाँ ये सब में आना चाहिए, ये वाला 181 ना यहां पे सब जगह आना चाहिए, यहां पे भी होगा यहां पे, ओके। कहां जाना था मेरे को, हाँ तीनों में, वो 181 तीनों में ही होगा, ओके
वहां पे दिया नहीं है पर होना चाहिए क्योंकि इंडिया में रिसीव हुआ है। इसका मतलब नहीं समझ में आया क्या मतलब क्या है? रेसिडेंट को तो हमेशा ही टैक्स देना पड़ेगा चाहे वो कोई भी इनकम हो कमाए उसके ऊपर ग्लोबल इनकम पे टैक्सेबल होगा। वो विदेशी में भी कमाएगा तो भी टैक्स देगा, इंडिया में कमाएगा तो भी टैक्स देगा। इसका मतलब ये है ओके देख लो ये वाला टाइप का सम आ सकता है मैक्स टू मैक्स मैनेज कर सकते हैं ये वाला दो सम। ये बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस का ये दो सम तुम लोग मैनेज कर सकता है? ये दो टाइप का समय एक बार देख लेना हमको भी वही समझ में नहीं आता। ये क्या 34 कौन सा पेज है देख तो पेज 34 में पॉइंट कौन सा एक बार बताओ। ठीक है देख लो एक बार तुम लोग अपना देख लो कोई क्वेरी वेरी आता है कि नहीं इसमें। वही वाला ना जो हम लोग बात कर रहे थे सर ये वाला में क्या ओके ओके इंट्रोडक्शन कहा है फॉर्मेट सॉरी 1 2 3 4 5 क्या बोल रहा है देखो उसको पढ़ के एक बार देखो कम से कम। वो बोल तो रहा है पैसा कमाया भी तुम बाहर है रिसीव भी बाहर हुआ है तो सर ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होता है ना। अगर पैसा आपने बाहर कमाया है बाहर रिसीव हुआ है तो कौन टैक्स देगा? ये वाला बात बोले ना क्या बात बोले कि अगर इंडिया में कमाया हो या इंडिया में रिसीव किया हो तो टैक्स देना पड़ेगा सबको। लेकिन अगर आपने इंडिया में नहीं कमाया और आपने इंडिया में नहीं रिसीव किया तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये वाला बात लिखा हुआ है ना देखो यहाँ पे रेसिडेंट का ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है मतलब कहीं भी कमाएगा पैसा देगा। लेकिन अगर एनआर का बात है तो क्या कंडीशन है आपको आइदर इंडिया में कमाना पड़ेगा या इंडिया में रिसीव करना पड़ेगा तो वो व्यक्ति तो ना ही इंडिया में कमा रहा है ना ही रिसीव कर रहा है इतना टैक्सेबल नहीं है। और एनओआर का भी सेम केस है ना ही वो इंडिया में कमा रहा है ना ही इंडिया में रिसीव कर रहा है ना ही बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है तो भी नहीं होगा इसीलिए वहां पे नहीं है। बात समझ में आया क्या बोले? अब बताओ क्लियर हुआ पॉइंट कि नहीं हुआ? कहां जाना था एक बार देखो हो गया रेसिडेंशियल स्टेटस वाला बात खत्म। दो थ्योरी चैप्टर है एक साथ करेंगे दो थ्योरी चैप्टर अब देखो अपने पास जो चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है बताए इनकम एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सबसे पहला बात एक बात क्लियर कर लो मेरे से बेसिक चैप्टर का जो बेसिक नंबर जो पहला चैप्टर था उससे सब कुछ क्लियर है तुम लोगों को? ये बताओ एक बार पहला चैप्टर से जो जो बात बोले हम वो सब क्लियर हुआ है तुम लोग को? उसके बाद मैंने दूसरा चैप्टर बताया रेसिडेंशियल स्टेटस का जहां पे दो टाइप का सम आ सकता है और दोनों टाइप का सम तुमने हम लोगों ने डिस्कस किया है। फिर याद करने का तरीका वो जो सस्ता तरीका बताया ना 3 लाइन का वही याद कर लेना तो आपको चार्ट पूरा लर्न नहीं करना पड़ेगा। It will be very easier for you to understand if you learn these three lines.
और आपको तीन लाइन एक बार पढ़ लीजिए, फिर चार्ट को पढ़िए, देखिएगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, आपको चार्ट भी लर्न हो जाएगा। ओके अब आगे चले। अब देखो मेरे पास क्या है, इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अब देखिए इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स से पहले ही बात कर लिए थे, इस पे कौन सा क्वेश्चन आता है सर, इसमें सीधा सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मतलब क्या है सर डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब, सर डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे सीधा सीधे पूछ लेता है कि कोई भी पांच, मैक्स टू मैक्स हम छह बोले थे याद करने के लिए, कोई भी छह आप एग्जेम्प्ट इनकम याद कर लीजिए। तो सर इसमें देखिए सबसे पहला इनकम का नाम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम याद होगा। दूसरा क्या है सर, मेंबर शेयर्स इन एचयूएफ, ये पढ़ना है तो पढ़िए, मन नहीं है तो मत पढ़िए। दूसरा है सर शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म 10-2A, ये कहां पढ़ेंगे सर, ये वाला चैप्टर पीजीपीपी में पढ़ेंगे हम लोग। ओके पीजीपीपी में पढ़ा था ना याद है तो। उसके बाद है इंटरेस्ट इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट, छोड़ दो ये नहीं पढ़ना है, अपने लिए वैलिड नहीं है सर। इंटरेस्ट ऑन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, ये कौन सा है सर, ये आरडीबी है जो नया प्रोफेशन था तो छोड़ दो, ये भी याद होने से रहा तुम लोगों से क्योंकि बड़ा बड़ा है। इनकम रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड फंड 4D छोड़ दो। इनकम ऑफ आईएफएससी, एलटीसी सैलरी में पढ़ेंगे, मैनेज कर लेंगे ठीक की नहीं। एलटीसी कहां पढ़ेंगे, सैलरी में, कहां पे, परीक्विजिट। उसके बाद देख लो एकदम नया नया चीज है, अलायंसेज एंड परीक्विजिट छोड़ो, इसको नहीं कर सकते। ये देखो एक मिनट सबसे पहले क्या क्या आ रहा है देख लो यहां पे, ग्रेच्युटी 10-10, उसके बाद आपका कॉम्यूटेड पेंशन 10-10A, उसके बाद लीव इनकैशमेंट 3। देखो 6 हो गया खत्म तभी बात कर लेते ना, और किसी को मेरा बात नहीं समझ में आया तो। देखो वर्क रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन उसके बाद है, उसके बाद VRS भी है, कॉम्पनसेशन ऑफ एनी डिजास्टर बोले थे ना, डिजास्टर से जो पैसा मिलता है वो, उसके बाद है VRS। देखो पूरा सैलरी का चैप्टर यहाँ डाल के रखा हुआ है। हाँ जी मैं बताऊँ, ये जितना भी सब रिटायरमेंट बेनिफिट के नाम से हम लोग पढ़े थे ना वही वाला है। उसके बाद देखिए यहाँ पे और क्या है सर, लाइफ इंश्योरेंस बोले थे ना, 10-10D लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पढ़ना मत जाना, फ्लैट हो जाएगा तुम लोग, बहुत बड़ा ऐसा चैप्टर पढ़ो जो तुम लोग बाकी जब पढ़ेगा तो उससे काम बन जाए। पेमेंट टू स्टैचुरी एसपीएफ, एसपीएफ पढ़ा था ना, एसपीएफ पीपीएफ वाला सैलरी में पढ़े हैं वही वाला बात यहां पे बोल रहा वापस से। सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिडक्शन में पढ़े थे सेक्शन 80C याद पढ़ा है, देखो तो। पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज आरपीएफ कहां पड़े थे, पीपीएफ आरपीएफ एसपीएफ वो वाला बात देख लो भाई। अब तो यहाँ पे क्या तुम लोग, हम क्या बोलो तुम लोग को, ये स्पेसिफिकली पढ़ना है क्या, ये चैप्टर क्या स्पेसिफिकली पढ़ना है, आप सैलरी अच्छे से पढ़ते रहिए ये कवर हो जाए। फैक्ट ये देखो हाउस रेंट अलायंसेस, वो क्या पढ़ेगा पता, ये सब क्या बताया तुम। स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप सर एग्जाम था ना याद है, कहां पे स्कैम किए थे, एजुकेशन अलाउंस वहां पे, डेली अलाउंसेस टू एमपी एमएलए बस, समझ में आया क्यों बोल रहे थे तुम लोग को। अब उसके बाद देखो अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, गैलेंट्री अवार्ड, ये मस्त याद करना भाई, मेरे को तो मन करता है ये याद जरूर करना। गैलेंट्री अवार्ड का मतलब क्या होता है सर, अरे एकदम ब्रेवरी का अवार्ड जो होता है ना, अशोक चक्र होता है, क्या क्या चक्र सब मिलता है ना सब सेना के जवानों को, वो वाला। देखो अब तुम लोग एग्जेम्पशन याद हो जाएगा, देख के बताओ मेरे को कोई छह याद करना है, अब बताओ किसको किसको याद हो जाएगा छह, जल्दी बताओ मेरे को। पेज नंबर 70 देखो, प्लेस ऑफ एक्स रूलर मतलब पैलेस है, क्या बताना मतलब, ये 80G है, हाँ
1023C एक्चुअल में जो चैनल, ये जो चीज है ना, ये आपका ट्रस्ट चैप्टर है इसका। इनकम टैक्स में हम लोग ट्रस्ट चैप्टर पढ़ते हैं, वो ट्रस्ट का। एक बार को रिस्पॉन्ड कर ले, ये एग्जेम्पशन होगा कि नहीं होगा। पांच नंबर यहां से आता है, छह दो क्वेश्चन, छह दो का पावर पॉइंट पढ़ना है। मेरे को लगता है तुम लोग बस टू याद कर लिया होगा। बताओ किसको किसको ये बात समझ में आ गया है। ये क्या है, थोड़ा उसको क्या चीज आ रही है। हो गया क्या? एक बार दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे एग्जेम्पशन के बाद। जिसका इसका क्वेरी एक बार लिख लो। चलो अब ये देखो, एग्जाम कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा है, सुपर एन्यूएशन क्या होता है। देखो सुपर एन्यूएशन एक टाइप का फंड ही होता है। जैसे हम लोग कोई फंड में पैसा जमा करते हैं ना, पैसा जमता रहता है, वो सुपर एन्यूएशन एक टाइप का फंड ही होता है। इसमें लोग पैसा स्पेसिफिकली बेनिफिट के लिए, अपना बेनिफिट के लिए पैसा जमाते हैं। बस इतना ही समझ में रखो, कुछ इस पर ज्यादा दिमाग मत लो, ठीक है। अभी एग्जाम्पशन वाला चैप्टर को हम लोग छोड़े, देख लो एग्जेम्पशन का स्पेसिफिकली कोई चाप का बात नहीं है, ये आराम से बन सकता है। वही तो बोला, 10 पॉइंट तुम लोग कर लिया हो। चलो फिर अब इसको आगे बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर इनकम पर पहुंच गए हैं सर। एग्रीकल्चर इनकम क्या है सर? एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें आता है, सीधा सीधा डेफिनेशन याद करना है सर। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर ये वाला याद करना पड़ेगा आपको। देख लो भाई, ये जो लिखा हुआ है ना, पॉइंट 1 2 3 4 5, सर कैसे याद करेंगे 1 2 3 4 5? देखो यहां पर पहला पेज पे लिखा हुआ है ना, ये देखो पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर याद करना पड़ेगा। यस सर याद करना पड़ेगा। सर याद कैसे करें, इतना बड़ा चीज याद नहीं रहेगा। अरे काम करो ना, उसको पढ़ लेना बस, अपना हिसाब से समझ के रखना, ओके। उसको एक बार सिर्फ पढ़ लेना, अपने हिसाब से एक बार समझ लेना, ये पूरा हूबहू याद करने का दरकार नहीं, एक बार रीडिंग कर लेना। ये किस टाइप का क्वेश्चन पता है, जो भी बता रहे था ना एग्रीकल्चर इनकम में, दूसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको इनकम बता देगा, आपको बताना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर इनकम है कि नहीं है, उसके लिए ये वाला पढ़ना है बस, ओके। एक बार खाली पढ़ लेना इसको, अपन लोगों ने क्लास में किया ही था, एक बार इसको कर लेना बस, खाली पढ़ लेना। उसके बाद सर क्या था देखिए,
उसके बाद ये यहाँ पे लिखा हुआ है गिव टू एग्जांपल ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब बताओ ये सब बात पूछेगा तो तुम लोग करके नहीं आएगा, इसीलिए बोल रहा तुम लोग थोड़ा एक बार रीड कर लेना इस चैप्टर। ये जो पहला तीन चार चैप्टर है ना वो पूरा रीडिंग मटेरियल है, अगर आप रीड अच्छे से करोगे यू कैन आंसर, आराम से आंसर कर सकते। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, देखो डेफिनेशन दिखाया, देखो आ गया ना। अगर आप पूरा नहीं लिख भी सकते तो कम से कम लिख के आएंगे तो नंबर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, किसके बोले तो भाई इसमें वेलकम टू 2022 यही बोलेगा ना तुम लोग एग्जाम में बैठ के, बोलेगा वेलकम टू 2022। उसके बाद सर हम लोगों ने ये पढ़ा था एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम का ट्रीटमेंट कैसे करते थे, हम लोग तीन स्टेप में बात किए थे ना, याद है? तीन स्टेप में सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे कहाँ पे एक बार देख लेते हैं तुम लोगों को पता। एक्चुअल में इसमें सम बड़ा काम आता है, ये वाला जो इलस्ट्रेशन 5 है ये करना है तुम लोग। धक्का नहीं पड़ेगा, हम पूरा छांट के ही बता रहा था। अब मत देखना पास्ट पेपर, मत देखने जाना, तुम लोग को पूरा छांट के ही करा रहे। तो खत्म पांच नंबर वाला कर लेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम में आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद टैक्स ट्रीटमेंट वाला पार्ट है जो तुम लोग पढ़ाई होगा। कैसे पढ़े थे सर टैक्स ट्रीटमेंट में, सर आप लोग के पास जो इनकम होता है एक एग्री इनकम होता है, एग्रो इनकम, एक अदर, यही पढ़ा था ना। तो सर एग्रो इनकम और अदर इनकम में क्या करते थे, टैक्सेबिलिटी कैसे निकालते थे? तो सबसे पहला क्राइटेरिया अगर 5000 से कम है इनकम आपका एग्रीकल्चर इनकम तो टैक्स नहीं देना है, ओके? अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम 5000 से कम है तो उस इनकम पर आपको टैक्स नहीं देना है। तो सर अदर्स में जो रहेगा नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स दे दो। लेकिन सर अगर दूसरा सीन क्या बनता है, मानिए आपका एग्रीकल्चर इनकम है, दूसरा सीन बता रहा हूं, अगर मानिए आपका एग्रीकल्चर इनकम इज ग्रेटर देन 5000 एंड यू हैव अदर इनकम विच इज मोर देन 2.5 लाख, दैट इज बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख। हम लोग के लिए बोल रहे हैं ना, मैं बताने के लिए बता रहा हूँ 2.5 लाख, लेकिन इट कैन बी 3 and 5 एज वेल। किसके लिए हो सकता है सर ये वाला, मतलब सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन का लिमिट। तो सर आपका टैक्सीबिलिटी कैसे, देन आपका टैक्सीबिलिटी के लिए आपको स्टेप 1 जाना पड़ेगा। स्टेप 1 में क्या करेंगे, दोनों इनकम को जोड़िए, दैट इज एग्रो प्लस अदर जोड़ लीजिए, उसके ऊपर अपना टैक्स लगाइए, टैक्स कैलकुलेट कीजिए, ओके? खत्म हो गया, जो फिगर आएगा लिख लो यहाँ पे। दूसरा स्टेप टू में आप क्या करोगे, आप अपना एग्रो इनकम लीजिए और आपका जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है BEL, दैट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, दैट इज आप अगर एडल्ट है मतलब आपका उम्र आपका 60 से कम है तो व्हाट विल बी योर बेसिक 2.5 लाख, उसको जोड़ के एक बार टैक्स लगाइए इस पे। हाँ सुपर सीनियर सिटीजन 80 और सीनियर 60 को, ओके ठीक है। तो ये दोनों का टैक्स आ गया। स्टेप 3 में आपको क्या करना है सर, डिफरेंस निकाल, दोनों का डिफरेंस दे लो, जो आएगा वही टैक्स आपको देना है, डन, डिफरेंस विल बी टैक्स। अब जब टैक्स आ जाता है तो उसमें तुम अपने हिसाब से देख लो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा आपको, सेल्स ऐड करना पड़ता है, सरचार्ज वरचार्ज क्या क्या सब है, यही तो कंप्यूटेशन है, ये वाला लायबिलिटी का कंप्यूटेशन है। देख लो ये वाला पार्ट खत्म हुआ, बात समझ में आया तुम लोग को? इसमें सवाल मैं कराने लायक मैं पोजिशन पे नहीं हूं, देख लो यहाँ पे बहुत कम ही सवाल आता है इसीलिए ज्यादा इसमें टाइम देना नहीं चाहता। तुम लोग को जो बोले हैं वो एक बार पढ़ लेना, काम बन जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, वो 5 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वो तुमने मैनेज कर दिया, ओके? जो जो बता दिया वो एक बार समझ में आया है एक बार बता दो मेरे को, तो फिर मैं आगे बढ़ू।
जिसको इसको समझ में आ गया एक बार कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दो भाई, जिसको इसको समझ में आ गया है। ये वाला चैप्टर अगर आप लोग का हो जाए एक बार देख लो, जिसको इसको समझ में आ गया है वो एक बार देख लो अच्छे से, फिर क्योंकि अब हम लोग एक तो बड़ा चैप्टर पकड़ेंगे जो पूरा आपका सिस्टम हिला दे। एक गुंजन लिमिट बता दीजिए। अरे भाई वो स्लैब जो है ना, स्लैब रेट उसी एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, यार पढ़ा वही वालों को एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं रे। रिबेट 87 है 12,500, और इसमें कुछ स्पेसिफिक याद नहीं करना पड़ता। हाँ किंतु आपका इनकम कितना होना चाहिए, 5 लाख। रिबेट के केस में ये वाला पॉलिसी, समझ में आ गया एग्जेम्पशन लिमिट क्या बोले, पढ़ा है ना। ये वाला होता है अपने पास, एक अदर होता है, एक सीनियर सिटीजन होता है, एक सुपर सीनियर सिटीजन होता है। तो सर इन लोगों का टैक्स रेट क्या क्या होता है एक बार लिख लेते हैं यहीं पे देख लो। तो भी एक होता है आपका 0% का रेट, 0 to 2.5 लाख, इसका होता है 0 to 3 लाख, इसका होता है 0 to 5 लाख। डन, यही तो। उसके बाद होता है एक 5% वाला स्लैब आता है, वो कहाँ से आता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक। इसका क्या होता है, 3 लाख से 5 लाख तक। और इसका क्या है, कुछ नहीं। उसके बाद आपके पास क्या आता है सर, 20% का स्लैब आता है जो आता है 5 से 10 लाख तक, ये भी 5 लाख से 10 लाख तक, और ये भी आपका 5 लाख से। अब 30% किस पे आता है, जो भी 10 लाख के ऊपर चला गया उस पर कितना लग गया सर, यही आपका स्लैब है, देख लो एक बार। चलिए फिर अब आगे वाला चैप्टर पे चलते हैं, और इस चैप्टर का नाम जो है वो नाम सुनते ही आप लोग थोड़ा डरेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आप लोगों के पास एक घंटा है। चलिए इस एक घंटे में इसको समेटने की कोशिश की जाए। और ये जो चैप्टर है आपका, देखो ना सैलरी किधर है, पूरा सैलरी इसमें। ये रहा सर आपका सैलरी वाला चार्ट। अब जो जो यहां से सोया वो समझ लो 20 नंबर को, समझ में आया क्या बात बोल रहे हैं, जो जो यहां से सोया उसने 20 नंबर है। अब ये एक घंटा जो हम लोग चलेंगे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, क्योंकि इस पर हम लोग कॉन्सेप्ट बता नहीं सकते, क्योंकि अगर मैं इस पर कॉन्सेप्ट बताने चलूंगा तो एक घंटा भी कम पड़ा। देखो दो घंटा में करीब करीब 4 चैप्टर उधर समेटे, बाकी का एक घंटा में मेरे को सैलरी समेटना है, समझ में आ रहा है। तुम्हें भी बोलेगा सैलरी क्या है सर, सैलरी टैक्स में क्या होता है पता है, ही इज द बॉस। सैलरी क्या है, ही इज द बॉस। जब भी बात सैलरी का होगा तो तुम लोग को समझ में आएगा सर ये तो बॉस। तो चलो एक बार शुरू करें, एक बार सब रेडी है ना, पानी वानी पी लो, तो पानी वानी पी लो, नहीं तो पूरा आपके सामने एकदम धुंधला दिखेगा।
तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए सैलरी लिखा हुआ है। सैलरी में आपका दो कंपोनेंट दिया गया, देखो एक बार, एक है आपका बेसिक्स और दूसरा भाई साहब का नाम है कंपोनेंट ऑफ सैलरी। अब कंपोनेंट ऑफ सैलरी के अंदर देख लीजिए कितना मटेरियल पड़ा हुआ, देख लीजिए कंपोनेंट ऑफ सैलरी यहां से शुरू होता है इस पॉइंट से बेसिक ऑलवेज टैक्सेबल से। चलिए सर देख लीजिए कहां तक है, यहां तक। अरे सर ये तो नरेंद्र सरोवर से इस प्लैनेट का मेट्रो स्टेशन है, नहीं तो रविंद्र सरोवर से मेट्रो स्टेशन प्लैनेट का। चलिए इसमें परिक्विजिट अभी तक आया नहीं है, परिक्विजिट का तुम लोग को चार्ट दे दिया था याद है, वो हम बगल में बना के रखा है। देखो आज सम ना करा पाए लेकिन ये डिवाइस जरूर करा देंगे ताकि तुम लोग पढ़ लेना, तो कल कम से कम इसका सवाल से शुरू करें जो जो सवाल हो। चलिए सर सबसे पहला पार्ट बेसिक्स, अगर बेसिक्स की बात किया जाए तो सैलरी का मतलब क्या होता है सर? सैलरी हम लोग का एक हेड होता है इनकम का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं जब भी हम लोग को कोई सैलरी मिलता है तो कहां टैक्सेबल होता है सर? अंडर द हेड सैलरी। तो कोई भी इनकम को आप सैलरी कब बोल सकते हैं सर? सैलरी बोलने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज डिसाइड करना पड़ेगा, दैट इज एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है then whatever income you are receiving from your employer then it will be treated as a salary and it will be chargeable under the head salary. Yahan pe likha hua minimum payment of employer employee for the service rendered is taxable as an income from salaries. Khatam. Employee kya ho sakta hai sir? Employee full time bhi ho sakta hai, part time bhi ho sakta hai, koi bhi income mile full time ho ya part time aapka taxability hoga. Employer kahan ka ho sakta hai sir? Kahin ka bhi ho sakta hai, India ka bhi, outside India ka, koi dikkat nahi hai. उसके बाद एनी पेमेंट इज टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी ओनली इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पेई इज ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई और मास्टर एंड सर्वेंट और प्रिंसिपल एंड टीचर। ओके ऑल दिस थिंग्स हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड बाय अस। अब इसके बाद कुछ कुछ एलिमेंट और है, देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। बेसिस और चार्जेस, सैलरी किस बेसिस पर चार्जेबल होता है सर? कुछ भी हो सकता है, दोनों ही बोला था ना। सैलरी किस बेसिस पर चार्जेबल होगा? देखो यहाँ पे टैक्सेबल ऑन अर्लियर ड्यू और रिसीव बेसिस पे। एडवांस सैलरी हुआ तो जब मिल गया है और एवरेज सैलरी हुआ तो जब ड्यू होगा, ऑब्वियस सब आते हैं तो समझ में आता ही होगा तुम्हें। उसके बाद है सर फॉरगोइंग ऑफ सैलरी। फॉरगोइंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या होता है सर? आपने सैलरी टैक दिया, यही तो सैलरी इज टैक्सेबल अर्लियर ड्यू और रिसीव बेसिस। इफ एम्प्लॉय फॉरगोस हिज सैलरी इट डज नॉट मीन दैट द सैलरी इज सो फॉरगोन इज नॉट टैक्सेबल। सच अ वेवर इज ओनली एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड हेंस इज टैक्सेबल। फॉरगोइंग का मतलब मैंने कमाया फिर बोला नहीं लेंगे, इनकम टैक्स क्या सोचेगा? मतलब भाई तुम टैक्स देने का डर से बोल रहे पैसा नहीं देगा, हम तो पैसा लेंगे तुमसे, टैक्स तो लेंगे तुम्हारे इनकम, अब तुम सैलरी लो या ना लो, समझ में आया फॉरगोइंग का मतलब। दूसरा क्या है सर? वन सैलरी अक्रूज सब्सिक्वेंट वेवर बाय द एम्प्लॉई डज नॉट मेक इट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सरेंडर ऑफ सैलरी, अभी सरेंडर कैसे होता है सर? सरेंडर में कोई एग्रीमेंट के अनुसार या लीगल वे के अनुसार हम अपना पैसा दे देते, तब उसे क्या किया जाता है? तब उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या है सर? देखिए सैलरी पेड टैक्स फी, अगर टैक्स लगता है बट एम्प्लॉयर भरता है, नहीं तो क्या होगा? मतलब ये है कि आपने पैसा जो कमाया है टैक्स कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, तो क्या दिक्कत है सर? टैक्स से मेरे को इनकम टैक्स को टैक्स देने से मतलब है। एम्प्लॉयर बेयर्स द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, इनकम सैलरी प्लस टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन हिज सैलरी। कौन सा होता है बताओ तुम वाला? इसको परिक्विजिट बोलते हैं ना, याद करो तो परिक्विजिट बोलते हैं ना। परिक्विजिट में हम लोग क्या सोचे थे? मेरा बर्डन है लेकिन दे कौन रहा है? एम्प्लॉयर, तो सर मेरा परिक्विजिट हो गया, छोड़ दो। अब देखो ये सब कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, लोन और एडवांस अगेंस्ट सैलरी। लोन जब भी होता है तो उसे सैलरी मानते हैं क्या? लोन अगेंस्ट एडवांस सैलरी मतलब मैंने अपने सैलरी के अगेंस्ट में लोन लिया, तो लोन तो कभी इनकम माना ही नहीं जाता ना, मेरे को तो वापस कर देना पड़ेगा, तो इसलिए कभी वो टैक्सेबल होगा। यही वाला बात यहाँ तीनों जगह पे ये रहा सर बेसिक का पार्ट, देख लीजिए बेसिक समझ में आ गया होगा कि नहीं। अगर बेसिक जिसको उसको समझ में आ गया है तो एक बार तुम लोग, मेरे को लगता है तुम लोग को एक, मेरे एक तो दोस्त है वो डॉक्टर है, फिंगर का डॉक्टर, तुम लोग का एक बार उसका नंबर दे दूंगा, तुम लोग उसे अगर बात कर लेंगे, ओके। तुम लोग का फिंगर काम नहीं कर रहा है ना, तुम लोग क्वेरी लिख पा रहा है ना कमेंट कर,
ये देखिए सर, अब अपना खेला जो है वो मैच विनिंग खेला यहां से शुरू होगा। इधर देखो, अब यहां से एक बार निगाहें मत हटाना, जो जो बात बोल रहा है वहां से निगाहें एक बार भी मत हटाना। अगर निगाहें सावधानी हटी दुर्घटना घटी, समझ में आया क्या बोल रहा है? समझ लो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूं, सुनो यहां पे क्या बोल रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे बोला जाएगा कंपोनेंट ऑफ सैलरी। तो हम लोगों ने सैलरी जब पढ़ा था तो फॉर्मेट देखा था ना, सैलरी का फॉर्मेट। चलिए एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं वापस से। ये देखिए सैलरी का फॉर्मेट, मतलब सैलरी का फॉर्मेट मतलब सर, मतलब आप लोग जब भी सवाल बनाइएगा इस फॉर्मेट में बनाइए। अपना दिमाग को यह समझा देना, अपने दिमाग को हमेशा ये समझा देना कि सर आप लोग को जब भी आप सवाल बनाइएगा देन यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मेट इन अ वे। सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने जब सैलरी किया था तो कैसे बताया था तुम लोगों को? सबसे पहले बेसिक का कुछ आता है जिसमें आता है सैलरी, बोनस, कमीशन, ये लोग एक साथ रखते थे हम लोग। देखो ये वाला पार्ट तक को एक साथ रखते थे हम लोग, जिसे हम लोग बेसिक एलिमेंट बोलते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट याद रहता है। सबसे पहले इसी लोग को सजा के कहां डाल देंगे सर? सेकंड वाला कॉलम में। ओके, उसके बाद से सर अपने लोग का कौन सा केस शुरू हो जाता था? रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू हो जाता था, याद है? उसके बाद हम लोग रिटायरमेंट बेनिफिट शुरू कर लेते थे। ओके, दैट कूल। उसके बाद क्या आया था? उसके बाद अलायंसेस। अलायंसेस तो सर बड़ा भरपूर अलायंस है, दिमाग खराब अलायंस है। तो तीन पार्ट में डिवाइड किए थे अलायंसेस को, वो वाला बात करेंगे आज, फिर से रिवाइज करा देंगे, तुम लोग को याद हो जाएगा वापस से। तो अलायंसेस वाला उसके बाद आएगा। उसके बाद क्या आएगा सोच के बताओ? नहीं रे, उसके बाद हम लोग फंड के बारे में बात किया था ना, प्रोविडेंट फंड, याद है? फंड के बारे में बात किए थे, प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड वाला केस। उसके बाद फंड वाला कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद परिक्विजिट डालेंगे, उसके बाद डिडक्शन केम। एलिमेंट क्या क्या दिखा? सबसे पहले सर पहला एलिमेंट का नाम है बेसिक। पहला एलिमेंट का नाम क्या है? बेसिक। दूसरा एलिमेंट का नाम क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट। तीसरा क्या है? अलाउंसेस। चौथा क्या है सर? फंड, पीएफ, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। पांचवा परिक्विजिट, छठा आपका डिडक्शन। ये तो इतना सारा एलिमेंट पढ़ना है आपको। अभी इस एलिमेंट को पढ़ने के लिए तैयारी शुरू करते हैं। तो चलिए सर, यही वाला सारा एलिमेंट हम लोग को यहां समेटा गया है। अब देख लीजिए सर, यहां पे जो था वो एलिमेंट को मैंने यहां पे लिख दिया है। सबसे पहला एलिमेंट का नाम क्या है सर? बेसिक। ये रहा सर आपका बेसिक। बेसिक में क्या क्या देख लो एक बार। बेसिक सैलरी, बोनस, सैलरी इन लिए ऑफ नोटिस, फीस, कमीशन, एन्युटी फ्रॉम एम्प्लॉयर, प्रॉफिट इन लिए ऑफ सैलरी, पेंशन रिसीव्ड अंडर एनपीएस। ओके, ये जो भी आपको मिला है वो कहां टैक्सेबल हो जाएगा सर? बेसिक में। ये सब बेसिक, आपको कितना याद करने का दरकार ही नहीं है। तीन एलिमेंट मिलता है, क्या क्या मिलता है? बेसिक सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है और एक कमीशन मिलता है। इतना पढ़ने का भी दरकार नहीं, हम एक्स्ट्रा लिख दिया। ओके, खत्म। बेसिक में तो कोई डिस्कशन का मुद्दा नहीं है मेरे को जितना लगता है। तुम लोग को अगर चाहिए कुछ पूछना है तो पूछ लो मेरे से एक बार। आगे चले, बेसिक का पार्ट खत्म, अब खेला शुरू करेंगे कहां से बताइए? यहां पे अलाउंसेस है, आप लोग को शुरू क्या करना है सर देख लो एक बार। दूसरे नंबर पर हम लोग को क्या बात करना था? रिटायरमेंट बेनिफिट। रिटायरमेंट बेनिफिट में अपने पास क्या क्या था, याद है किसी को? चलिए अगर बात कर लेते हैं, हम ही बताते हैं। देखो सर, मेरी तरफ देखो, सबसे पहले ग्रेचुटी, सबसे पहला आता है ग्रेचुटी। एक नंबर पर ग्रेचुटी का बात किए थे, दूसरा पे हम लोगों ने लीव इंकैशमेंट का बात किया था, तीसरा पे हम लोगों ने पेंशन का बात किया था। ये तीन मेजर होते हैं, मतलब ये आपका सैलरी का सम में भी आ सकता है, इवन इसे अलग से सम देके भी किया जा सकता है।
इसको मतलब ये तीनों जो है ना इसका अलग समझा सकता है आपको। बोल देगा कैलकुलेट ग्रेच्युटी, टैक्सेबल ग्रेच्युटी, कैलकुलेट टैक्सेबल लीव इन कैश, कैलकुलेट टैक्सेबल पेंशन, अलग अलग आ सकता है, इसीलिए इस पर ज्यादा फोकस दिया जाता है। बाकी दो क्या है सर, एक वीआरएस होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और एक तो क्या होता है सर रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन, खत्म बात। ये पांच है आपका क्या रिटायरमेंट बेनिफिट। अब सर इस रिटायरमेंट बेनिफिट का पांच में क्या है पता है ना, पहला तीन मतलब तीन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी दो इजी भी बन जाए। क्या बोला समझना है, पहला तीन क्या है सर वो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, बाकी दो आराम से बन जाए। तो चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में, कहां से खेला शुरू होगा सर। सबसे पहला खेला कहां है सर, गैट्स, जिसे हम गैट्स बोलते थे, ग्रेच्युटी को याद है, ग्रेच्युटी को गैट्स बोलते थे। तो सर ग्रेच्युटी के बारे में जब भी बात शुरू होता था तो हम लोग क्या करते थे, इम्प्लॉय को दो भाग में डिवाइड कर देते थे। इम्प्लॉय कौन कौन होता था, एक होता था दमाद, दूसरा होता था अदर। दमाद का मतलब क्या होता है सर, गवर्नमेंट इम्प्लॉय, गवर्नमेंट इम्प्लॉय को हम लोग क्या बोलते थे, दमाद बोलते थे। क्यों सर पता चलेगा, पता चलेगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा उसको दमाद क्यों बोलते थे। ये देखिए एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक अदर एम्प्लॉय, खत्म। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया, एक अदर एम्प्लॉय हो गया। अब सर देखिए ग्रेच्युटी जब मिलता है, ग्रेच्युटी पहले एक बार आइडिया देते हैं ग्रेच्युटी का मतलब क्या, जल्दी से रिकैप करते हैं। ग्रेच्युटी का मतलब होता है एक टाइप का अमाउंट होता है जो कौन देता है, एक एम्प्लॉयर देता है अपने एम्प्लॉय को, कब, जब वो रिटायर होता है, या जब वो रिटायर होता है अपने काम से तब, या जब वो डेथ हो जाता है उसका तब। बात समझ में, जब वो काम छोड़ दिया जाता है तब, या उसको भगवान बुला लिया तब, ग्रेच्युटी तब मिलता है। ओके सर ठीक है। कभी कभी क्या होता है ग्रेच्युटी का अगर दरकार पड़ गया तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट आप विथड्रॉ कर सकते। बात समझ में आ रहा है, ये ग्रेच्युटी का मतलब क्या होता है, ये टाइप का पैसा होता है जो अपने एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है, इसलिए आराम से रिटायरमेंट का जिंदगी जीने के। अभी ये कौन कौन सा एक्ट गवर्न करता है, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं पोगा, पोगा में दोनों दिन पोगा पोगा। ओके सर खत्म ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। अब ये सर पोगा क्या होता है सर, ये एक्चुअल में होता क्या है ना, पोगा जो है ये लेबर लॉ के अंदर, लेबर लॉ का मतलब सर इसमें लॉ इसलिए बनाया गया था ताकि लेबर लॉ का वेलफेयर हो। ओके लेबर लॉ का वेलफेयर हो, बाकी चले। अब देखिए ग्रेच्युटी में मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले किसको किसको मिल सकता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकता है, एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल सकता है, हम लोग अदर बोलते हैं। ओके अब मेरा बात सुनो, ग्रेच्युटी आपको दो केस में मिल सकता है ना, पहला एक रिटायरमेंट पे मिल सकता है और एक ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। अगर आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट में कोई भी ग्रेच्युटी ले, क्या बोल रहे हैं सुनो अच्छे से, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट में कोई भी ग्रेच्युटी ले वो हमेशा क्या होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो क्या होगा सर हमेशा ही टैक्सेबल हो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट। तो देखिए सर ये रहा ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, कौन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला तो क्या होगा सर टैक्सेबल, और अदर में क्या होगा सर ये भी देख लो, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो क्या होगा सर टैक्सेबल, कोई दिक्कत है यहां तक। तो मतलब सर पहला पॉइंट तो अपना दिमाग को समझा लो, अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट कभी भी ग्रेच्युटी मिला तो क्या होगा टैक्सेबल हमेशा, खेल खत्म। अब सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पहले समेट लेते हैं, सर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आपने बोला दमाद, क्यों बोला दमाद सर, दमाद इसलिए बोला क्योंकि उसको जब ग्रेच्युटी मिलेगा ना वो टैक्स नहीं देगा उस पर, कौन बोला सर ये देखो सेक्शन बोला 10-10-1, बस याद कर लो 10-10-1 सर, 10-10 का मतलब ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी कौन सा सेक्शन में आता है 10-10 में आता है, और सेक्शन 10 सब सेक्शन 10-1 ये बताता है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऑन रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। तो सर आपका एग्जम्पशन वाला एक तो याद हो गया ना, देखो तो सेक्शन भी याद हो गया होगा, क्या क्या सेक्शन है सर, 10 सबसेक्शन 10, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज 1, खत्म। क्या ग्रेच्युटी देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ, यही तो बात समझा रहा हूं तुम लोग, अगर सैलरी तुम लोग अच्छे से कर लेगा तुम लोग का एग्जेम्पशन भी बन जाएगा। अब आगे चले सर, अब अदर्स के बारे में बात करते हैं, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो पता चल गया कि ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट हर कोई टैक्स देता है। अब सर आगे अब अदर केस आता है, मतलब ऑन रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट में आपको कभी ग्रेच्युटी मिलेगा तो आपको क्या देखना पड़ेगा सर, देखो कि वो बिजनेस पे जो आपको ग्रेच्युटी दे रहा है उस पे पोगा लगता है कि नहीं, क्या देखना पड़ेगा, पोगा है
नहीं है, अगर पोगा हुआ तो ट्रीटमेंट अलग, अगर पोगा नहीं हुआ तो ट्रीटमेंट अलग। सर पोगा है, चलिए सर यहां पे आ जाइए, सेक्शन कौन सा देख लीजिए, 10.10.2 कहां है, पोगा एप्लीकेबल है। तो चलिए सर बताइए मेरे साथ क्या क्या लिमिट आप लोगों ने पढ़ा था, तीन लिमिट पढ़े थे सर, पहला क्या था एक्चुअल जो रिसीव हुआ, दूसरा 20 लाख, तीसरा आप लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा था क्या था 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जिसमें आपको क्या मिलता था अप्रोक्सीमेशन दैट इज राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट आपको मिलता था, हाँ कि ना। सर राउंडिंग ऑफ मतलब नहीं समझ में आ रहा, अरे भाई तुमने 27 साल 8 महीने काम किया है तो सर आपने कितना साल काम किया बताओ, 28 साल, समझ में आया, यही वाला बात यहां पे बता रहा। देखो भाई समझ में आया कि नहीं वाला ग्रेचुटी के बाद, आप रुक जाओ बोल रहे, लेट मी फिनिश। लास्ट जॉब सैलरी मतलब जिस महीना आप रिटायर हो रहे उससे प्रीवियस महीना, मतलब लास्ट में आपको जितना सैलरी मिला वो, तो मानो आप अभी इस साल और आप कौन सा महीना ये जून, अगर जून में आप रिटायर हो रहे हो तो आपका लास्ट सैलरी कब होगा, मे का, तो मे का जो सैलरी होगा वो लास्ट जॉन होगा, तो मतलब आज रिटायर करेंगे आज तो अपनी सैलरी मिलेगा मिलेगा कल। खेला हो गया खत्म। तो सर सबसे पहले यहां पर देखिए ग्रेचुटी रिसीव एक्चुअल को समझ में आता होगा जितना मिलता है, दूसरा 20 लाख का आपके पास एक्चुअल स्कैटरी लिमिट है, तीसरा आपके पास क्या है यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या याद करना पड़ेगा, 15/26 इंटू लास्ट जॉब सैलरी इंटू वॉट कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस में आपको मिलेगा क्या सर राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट मिलेगा। ओके अब सर सैलरी का मतलब क्या होता है, तो सर यहां पे सैलरी का मतलब होता है बीडी, बीडी का मतलब क्या होता है सर बेसिक प्लस बीए बस, और कुछ नहीं जानना इसमें। सैलरी जब आप निकालोगे तो क्या जो निकालोगे बेसिक कैलकुलेट कर लो बीए कैलकुलेट कर लो बस खेल खत्म। ओके डन, ये वाला बात याद रहेगा तुम लोग को, देखो किसको किसको याद हो गया है, जिसको किसको याद हो गया एक बार बोलो चैट बॉक्स पे। पढ़िए तुम लोग हो गया ना, चलिए आगे बढ़े। अब सर जिसमें पोगा नहीं है उसका क्या होगा, तो जिसमें पोगा नहीं है सर उसमें सब कुछ सेम रहेगा, खाली लास्ट वाला लिमिट बदल जाएगा। सर लास्ट वाला लिमिट मतलब, अरे भाई सिंपल है, आप लोगों ने तीन लिमिट पढ़ा ना, ग्रेचुटी में कितना लिमिट पढ़ा, तीन, सबसे पहले क्या था एक्चुअल में जो रिसीव हुआ, दूसरा 20 लाख, तीसरा क्या होगा सर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सर पोगा में क्या किया था, 15/26 इंटू लास्ट जॉब सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यहां पे सब पूरा चेंज करेंगे, 15/26 के बदले यहां पे लिखेंगे 1/2 इंटू एवरेज सैलरी लेंगे, कौन सा सैलरी लेंगे एवरेज सैलरी, उसके बाद इंटू कर दो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और ये कौन सा सर्विस, यहां पे सर आपको राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। क्या बोले समझ में आया, कितना लेंगे सर एवरेज मंथली सैलरी, कितना महीने का, 10 महीने का, याद हो गया ग्रेचुटी का खेला। एवरेज मंथली सैलरी मतलब कहां से कैलकुलेट करेंगे, जिस सर जिसमें रिटायर हुआ उससे लास्ट लीजिए, वहां से 10 महीना बैक जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो सैलरी आएगा उसको 10 से डिवाइड कीजिएगा। सैलरी का मतलब पहले बता दो सर, यहां पर सैलरी का मतलब क्या है, सर यहां पर सैलरी का मतलब होता है बीडीसी, क्या होता है सर सैलरी का मतलब होता है बीडीसी, मतलब बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। सर कौन सा कमीशन, कमीशन कौन सा कमीशन, वो दूसरा कमीशन नहीं, वो सेल्स वाला टर्नओवर वाला ही होगा, सेल्स और टर्नओवर दोनों सेम होता है, बताओ तो सेल्स और टर्नओवर दोनों सेम होता है, उस पर जो भी आपको कमीशन मिलेगा वो वाला आप क्या करोगे यहां पे कैलकुलेशन में लोगे, तब जब आप सैलरी कैलकुलेट करोगे तब। देख लो ये आज ग्रेचुटी खत्म खेला ग्रेचुटी का, देख लो बच्चा लोग ग्रेचुटी समझ में आया है कि नहीं, जिसको उसको समझ में आ गया बोलो मेरे को, जिसको नहीं आया तो भी बोलो वापस से बता दूंगा।
ओके डन, आगे चले। अब चलिए सर लीव इनकैशमेंट का बात करते हैं। सर ये क्या है लीव सैलरी, जिसे लीव इनकैशमेंट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लीव इनकैशमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सर लीव इनकैशमेंट? मतलब सर बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है ना जो अपने एम्प्लॉय को क्या करती है, छुट्टी अलाउ करती है, लेकिन सर एम्प्लॉय इतना हार्ड वर्किंग निकलता है छुट्टी नहीं लेता है। तो सर अगर एम्प्लॉय छुट्टी नहीं लिया है तो उसका जो छुट्टी नहीं लिया गया ना उसके अगेंस्ट में वो पैसा दे देते हैं। उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? लीव सैलरी या लीव इनकैशमेंट। अब सर लीव इनकैशमेंट जब निकालेंगे तो भी सर एम्प्लॉय को कितना भाग में डिवाइड कर देंगे? दो। कौन कौन सा एम्प्लॉय सर? एक हो गया गवर्नमेंट, दूसरा हो गया नॉन गवर्नमेंट, मतलब अदर्स। ओके, अब सर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट अगर आपको लीव इनकैशमेंट मिलता है तो कोई भी किसी को भी मिले, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या अदर्स का, टैक्स लेवल का हमेशा होना है। देख लो बाबा, समझ में आ रही है वाला बात? ओके, अब मेरे को ये बताओ, सबसे पहले एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा एक बात बता दूं। ग्रेच्युटी का सेक्शन याद हुआ है? देखो तो ग्रेच्युटी का सेक्शन है 1010। 1010(1) क्या बोलता है सर? वो बोलता है एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट वाला। 1010(2) क्या बोलता है? पोगा वाला। 1010(3) क्या बोलता है? नॉन पोगा। देखो ओके, याद हो गया सेक्शन? 1010 में कितना सेक्शन? 3। पहला गवर्नमेंट वाला, बाकी दोनों नॉन गवर्नमेंट वाला। और नॉन गवर्नमेंट में प्रेफरेंस किसको देंगे? पहले पोगा, दूसरे दो, और जिसमें नॉन पोगा उसको खत्म। याद हो गया? 1010(1), 2, 3 एग्जेम्पशन में लिखेंगे कौन सा? 1010(1). देख लो भाई, जबरदस्त बकबक कर रहे हो तुम लोग, अभी पूरा टैक्स मास्टर बन गया। अब चलिए सर लीव इनकैशमेंट का बात कर रहे थे सर, इसमें कौन सा सेक्शन आता है? इसमें बोलता है 1010(a). कौन सेक्शन बोलता है सर? 1010(a)(a)(10)(r). ये 1010(a) का बात हो रहा है सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिला टैक्सेबल, आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट मिला एग्जेम्प्ट। व्हाई सर एग्जेम्प्ट? अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अरे गवर्नमेंट मतलब दमाग। दमाग को सर कैसे टैक्स लगाए बताओ? रिटायरमेंट बेनिफिट है ना, तुम लोग अपने नेशन को सर्व किया भाई, समझ में आ गया? उसके बाद अदर्स का बात करते हैं। अदर्स अगर ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो टैक्सेबल, कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद अगर रिटायरमेंट या टर्मिनेशन पे मिले तो सर आपको सोचना पड़ेगा कौन सा सेक्शन लग जाएगा। 1010(a)(a)(2), यहां पे देखिए 1010(a)(1) या 1010(a)(2). अब सर इसका सैलरी क्या हो सकता है देख के बताओ। सैलरी में हम लोगों ने 5-4 लिमिट पढ़े थे, याद हो रहा है? 4 लिमिट। सबसे पहले एक्चुअल, उसका स्टैट्यूटी क्या था? 3 लाख का स्टैट्यूटी लिमिट था। उसके बाद 10 into एवरेज मंथ सैलरी, और लास्ट वाला एवरेज मंथ सैलरी into कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और मैक्स टू मैक्स कितना दे सकते हैं? 30 दिन। यही तो मतलब नहीं समझ में आया, फिर से बताइए सर। ये देखो, इस पर लिख के बता देता हूँ ना, ये देखो लीव इन कैशमेंट आपके पास क्या क्या लिमिट था। सबसे पहले क्या होता था बताओ? सबसे पहला होता था एक्चुअल जो मिला, कोई दिक्कत है इसमें? उसके बाद स्टैट लिमिट है, ये वाला स्टेट लिमिट कितना है भाई? 3 लाख। ओके, तीसरा क्या था सर? एवरेज मंथली सैलरी इंटू 10 मंथ। ओके, और चौथा सर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पता है, याद भी होगा तुम लोग को। तो यहां पे बोले थे सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए क्या? कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आपने पता कर लिया। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मतलब राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट है? नो बेनिफिट। अगर आपने 30 साल कंप्लीट किया है तो 30 साल लेंगे, भले तो आपने 30 साल 11 महीना 30 दिन काम किया हो तो भी 30 साल लेंगे, आप 30 साल एक दिन भी काम करेंगे तो भी 30 साल। तो सर वो बाकी का फॉल्स, बाकी का क्या होगा? फॉल्स ना मिलेगा, फॉल्स का तो फायदा ना मिलेगा, ठीक है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस सबसे पहले कैलकुलेट करो, और हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए मैक्स टू मैक्स कितना दिन का सैलरी दिया जा सकता है? 30 दिन, दैट इज 1 मंथ बोलते हैं जिसे हम लोग। ये सर आपका ड्यूरेशन मिल गया। अगर आपने 10 साल काम किया तो कितना महीने का सैलरी मिलेगा बताओ? 10 महीने का, ठीक। तो 1 साल के लिए 1 महीना मिलेगा, अगर 10 साल काम किया तो कितना महीना मिलेगा? 10 महीने का। इंटू क्या करेंगे? एवरेज मंथ सैलरी। अगर यहां पे आप लोगों ने
आपने 10 या काम किया है इतना और आपने कुछ लीव ले लिया है तो वो माइनस करके फिर इससे इनकम, यही ना? नहीं समझ में आया सर? ये देखो एक बात बताता हूँ, मैंने 20 साल काम किया है, मैंने कितना काम किया है 20 साल, तो हर एक महीना कितना मिलेगा, एक महीने का छुट्टी, दैट इज आपको 20 महीने का छुट्टी आपके पास पड़ा हुआ है जिसमें आपने कितना महीने का छुट्टी अवेल कर लिया है 10 महीने का, तो सर ये बताओ आपको पैसा कितना महीने का मिलना चाहिए, 10 महीने का इंटू बढ़ो किससे, एवरेज मंथ सैलरी। अब एवरेज मंथ सैलरी कैसे निकालेंगे सर ये बताओ, चलिए शुरू करते हैं AMS, एवरेज मंथ सैलरी। एवरेज मंथ का सैलरी निकालते तो मैं क्या किया था, BDC का मतलब बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन ले लिए, ठीक है सर ये आ गया। अब बताओ एवरेज का मतलब क्या होता है, याद है लास्ट 10 लेंगे लेकिन कहां से लेंगे, अब यहां पे जो जिस दिन आप रिटायर हो रहे ना वहां से 10 मंथ आपको बैक कैलकुलेट करना, मतलब अगर आप देखोगे तो एवरेज मंथ का कैलकुलेशन इज सिमिलर टू नॉन कोका, सिमिलर है लेकिन सर खाली एक ही डिफरेंस है, द डिफरेंस इज व्हाट, यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज फ्रॉम द डेट वेयर व्हेन यू हैव रिटायर, जिस दिन आप रिटायर हो रहे हो वहीं से आपको 10 महीना बैक कैलकुलेशन, अगर आप 12 तारीख को रिटायर हो रहे हो तो आपको 12 से दूसरा महीना तक जाना पड़ेगा, उसका बैक 10 महीना कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाँ सर ओके okay, यही वाला बात यहां पे बता, देख लो एक बार रिटायरमेंट बेनिफिट, ये वाला बात समझ में आ गया तो लीव इनकैशमेंट भी खत्म हो गया, देख लो जिसको जिसको समझ में आया है एक बार मेरे से बात कर लो भाई प्लीज। ये रहा सर लीव इनकैशमेंट, खत्म हो गया खेला, आगे चले अब सर ये चलिए सर पेंशन पे टेंशन लेंगे, पेंशन क्या हो सकता है सर बताओ, सबसे पहले क्या करेंगे, दो टाइप का एम्प्लॉई, कौन कौन सा है एम्प्लॉई, ओके यहाँ पे कॉम्प्यूटर एंड कॉम्प्यूटर कर, चलो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी तुम लोग कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग वैसे भी सोच सकते हैं गवर्नमेंट और अनगवर्नमेंट। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने चार्ट कॉम्प्यूटर और अनकॉम्प्यूटर के हिसाब से, तो देखो कॉम्प्यूटर हो सकता है अनकॉम्प्यूटर हो सकता है, तो कॉम्प्यूटर का मतलब क्या होता है सर, कॉम्प्यूटर का मतलब होता है आप एक बार में पैसा ले लेते, क्या बोल रहे हैं, कॉम्प्यूटर का मतलब क्या होता है सर आप एक बार में पैसा ले लेते, अनकॉम्प्यूटर का मतलब क्या होता है आप मंथली बाइज पेंशन, सर पेंशन का मतलब पता है ना, जो पैसा आता रहता है हर मंथ पे आ सकता है, गवर्नमेंट आपको ऑप्शन देता है कि आपको पेंशन जो मिल सकता है वो दो टाइप से मिल सकता है, आइदर क्या हो सकता है आपको रेगुलर मिल सकता है मतलब हर मंथ पे मिल सकता है, या आप एक बार में पूरा पैसा ले सकते, एक बार में पूरा पैसा ले सकते हो ओके। तो सर ये जो अनकॉम्यूटेड और कॉम्यूटेड का बात समझ में आ गया होगा, तो सर कॉम्यूटेड का मतलब एक बार में ले ओके, अब जब एक बार में आप पैसा लेने जाओगे कौन कौन ले सकते हैं एक बार में पैसा, दो टाइप के एम्प्लॉय, एक गवर्नमेंट दूसरा नॉन गवर्नमेंट, दैट इज अदर, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला तो क्या होगा सर बाय, बस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए केस में क्या होगा सर वो एग्जाम हो जाएगा, रीजन क्या है सर वो दमाद है ना, ये देखिए सेक्शन लग गया 10-10A-1, तो सर याद करने में सुविधा होगा था एग्जामेशन का सबका वन लेना, 10-10A-1, 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 देखो तीन याद हो गया मैं यहीं पर, समझ में आ गया गवर्नमेंट एम्प्लॉय का खेला। उसके बाद सर अगर अदर को मिलता है तो देखना पड़ेगा क्या ग्रेचुटी मिला है कि नहीं मिला है, अगर ग्रेचुटी मिला है तो सर आपको क्या मिलेगा, तब आपको क्या होगा 1/3 पेंशन, और अगर नहीं मिला है तो 1/2 ऑफ द पेंशन। खत्म खेला, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा, यही तो मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्सेबल। उसके बाद अनकॉम्यूटेड का खेला में क्या होगा सर, सब कोई टैक्स देगा हमेशा, अनकम्यूटेड पेंशन जब भी आएगा क्या होगा हमेशा टैक्सेबल, याद हो गया, पेंशन देख लो एक बार, पेंशन का नहीं है कोई टेंशन। अरे ये हमारा लाइव रहेगा तुम लोग का यूट्यूब में, तुम लोग जाके एक बार देख लेना, ये वीडियो पब्लिक ही रहेगा ओके। खत्म हो गया पेंशन,
पेंशन का होगा खत्म टेंशन, ये बताओ पेंशन का तुम लोग टेंशन खत्म कर पाया है कि नहीं? रिटायरमेंट बेनिफिट तीन खत्म, टाटा वायर सर डर लग रहा है फिर भी करेंगे। अब सर ये रहा रिटेंशमेंट कॉम्पनसेशन और ये कह रहा है वीआरएस, सर ये हमें पसंद नहीं है सर, ऐसा पाप क्यों कर रहे हैं हम लोग के? अरे भाई कुछ पढ़ना ही नहीं है इसमें, तुम लोग देख लो यहाँ पे कोई इंप्लॉयमेंट इंप्लॉयमेंट का चक्कर नहीं है, लिमिट दे दिया है 15 लाख का, अब यही वाला काम आपको करना है ठीक है। ये क्वेश्चन भी बड़ा काम आता है इसलिए मैं इस पर बात ही नहीं कर रहा, यहाँ पे लिख तो दिया तुम लोग पढ़ के चला जाना बस ओके। अबे बस हम करेगा क्या काम करा दें ये बताओ? चलो तब शुरू करते हैं एक बार ग्रेचुटी का सम, रिटायरमेंट बेनिफिट का सम, लेट्स बिगिन जरूर। ये दुआ है हमारी, सबसे पहले सम नंबर 9 देख लीजिए सर, याद तो हो रहा है आपने जो प्रोविजन पढ़ा है ये पता नहीं है कुछ, इलस्ट्रेशन 9 है सैलरी में आ जाए, सैलरी इलस्ट्रेशन 9 आ जाइए वहां पे। अब देखिए सर मिल गया, चलिए सर सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। मिस्टर राहुल इज वर्किंग विद एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, भाई वो दोनों के साथ काम करता है, बोथ बीइंग नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, दोनों ही क्या है पोगा से कवर नहीं होता। ऑन 1/7/21 ही रिटायर फ्रॉम बोथ द कंपनी, सबसे पहले जाके करना क्या है सर अंडरलाइन, रिटायरमेंट कब हुआ है कूल, He retired from both the companies after 30 years of service. Round of the facility लग रहा भी नहीं, करता भी नहीं, 30 मिला कोई दिक्कत नहीं है भाई। हम His last 10 months average salary is given 4000 per month and that वाई का कितना है 3000 per month. On retirement he received a gratuity of 6 lakh X limited and 5 lakh from Y limited. चलिए सर ये सवाल बिना देखे बनाते हैं, सबसे पहले बात मिला कितना है ग्रेचुटी ये बताओ सर, सर टैक्सेबल ग्रेचुटी निकालना है ना, टैक्सेबल ग्रेचुटी कितना निकालना है तो सर आपको ग्रेट्स कितना रिसीव हुआ है एक बार बता दो, ग्रेट रिसीव हुआ है आपका 11 लाख। अब इसमें से मेरे को क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलता है थोड़ा सा, अब एग्जेम्पशन के लिए आप लोगों ने क्या किया था याद है तो तीन लिमिट पढ़ा था, पहला लिमिट एक्चुअल होता है, एक्चुअल तो सर 11 लाख ही रह गया कोई दिक्कत है इसमें, दूसरा स्टैट लिमिट होता था वो तो सर 20 लाख का निकल गया, और तीसरा क्या होता था सर ये पोगा वाला है ना, तो पोगा में क्या करना पड़ेगा सर बताओ सोच के, नॉट कवर्ड है क्या देखे नहीं थोड़ा, और नॉट कवर्ड भाई वाह, अगर नॉट कवर्ड है तो सर क्या होगा 1/2 एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी दे दिया तो कोई दिक्कत है नहीं, इन टू टी तो सर क्या करें यहाँ पर लिमिट बनाना पड़ेगा, तो सर सबसे पहले एक्स और वाई दोनों का निकालना पड़ेगा ना, तो ये देखिए एक्स लिमिटेड का बताओ कितना आएगा, दोनों कर सकता है तो मतलब बार बार निकालना, एक सर भी कर सकता है 4-5 को जोड़ दो मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 4-3 है ना वहां पर 4-3 को जोड़ लो बस, तो तुम लोग ऐसे भी कर सकता है, क्या कर सकता है सर ये देखो 4000 मेरे को एक्स से मिला, मतलब एक बार देख लेना मैं गलत भी बोल सकता हूँ, 4000 और 3000 अब किससे किससे मिला ये मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड वाला किससे, इनटू क्या करेंगे सर यहाँ पे हाफ कर देंगे 1/2 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस दैट इज 30। अब चलिए सर इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 4-3 7 का 3500 इनटू 30 कर लीजिए देखिए कितना रहा, तो करीब करीब आपका 1,05,000 आ रहा है 1,05,000 दिस इज द केस। अब सर एग्जेम्पशन कौन होगा बताओ, विच एवर इज लोअर क्या होगा, विच एवर इज लोअर एग्जाम क्या होगा बताओ, तो एग्जाम कर लो 1.05 लाख माइनस कर दो जितना आ रहा है देख लो कितना आ रहा है एक बार मैं करके देख लो, तो 9,95,000 विल बी टैक्सेबल गेट्स, देख लो भाई ये सवाल 5 नंबर पे, अब बताओ तुम लोग डर लग रहा है इसको देख के, ये बताओ डर का कोई बात है, पढ़ना जरूरी है बस डरना नहीं पढ़ना जरूरी। चलिए सर खत्म हुआ वाला कहानी,
देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या आया है, देख लो ये लोग का कहानी में। अरे चल रहे, एक मिनट खत्म खेला। ये देखो ये लोग ऐसे कैलकुलेट किया था, यहाँ पे हम लोग थोड़ा अलग चले, आउट ऑफ द बॉक्स। ग्रैंड्स का खेल खत्म। ये क्या है सर? लीव सैलरी है सर, ये लीव सैलरी। देख लेते कौन है, मिस ममता। अब तुम लोग को भी समझ में आ गया, मिस ममता हम लोग को नहीं जानता, वो डेंजरस सम है सर ये। चलिए सम पे पर बात करते। मिस ममता हैज बीन वर्किंग विद एक्स लिमिटेड फॉर लास्ट 20 years 11 months। तो सर 20 years 11 months, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना? 20, हाँ कि ना? अरे लीव इनकैशमेंट में थोड़ी ना बोला था कुछ होगा। हाँ ये तो लीव सैलरी है, देखो लीव सैलरी। तो लीव सैलरी क्या दिमाग लगाना, वो तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस लेना है, खत्म। बिफोर दैट शी वाज एम्प्लॉयड इन वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड में एम्प्लॉयड था। वेयर फ्रॉम शी रिसीव अ लीव इनकैशमेंट ऑफ 40,000, 40,000 पहले मिल गया है, तो क्या करें? अरे स्टैट लिमिट से घटा देंगे ना, लाइफ टाइम का लिमिट है ना आपका, ग्रेच्युटी में आपका लाइफ टाइम लिमिट है ना 20,000। आप अपने जीवन काल में मैक्स टू मैक्स ग्रेच्युटी 20,000 ले सकते, आप अपने जीवन काल में मैक्स टू मैक्स लीव सैलरी 3,00,000 ले सकते। तो आपको 40,000 पहले मिल गया, तो अभी स्टैट लिमिट कितना बचेगा बताओ? समझ में आ गया कुछ इस तरीके का चलना है केस। ओके नाउ 31/7/21 सी हैज टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट फ्रॉम एक्स लिमिटेड एंड रिसीव्ड क्या नाम है लीव इनकैशमेंट ऑफ 3,00,000। कोई दिक्कत है? एक्चुअल 3,00,000 मिल गया, मेरा स्टेट लिमिट भी 3,00,000 है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, दो लिमिट कंप्लीट। अब 3,00,000 में मेरे को 40,000 हटा देना पड़ेगा, टू चार्ज ऑलरेडी 40,000 मिल गया ना, तो आपका 2,60,000 हो जाएगा। ओके डन। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हर मंथली सैलरी डिटेल वाज एज अंडर, बेसिक सैलरी 5,000, पीए आपका 2,000 और टर्नओवर 2,000 पर मंथ, कमीशन एट अ परसेंटेज टर्नओवर 2,000 पर मंथ। ओके अक्रूड इवनली थ्रू आउट द ईयर, हर लास्ट इंक्रीमेंट वॉज 1,000 इन बेसिक सैलरी, फेल्ड यू ऑन 1/1/21। तो सर ये क्या खेला दे दिया है सर, इसमें आपको कैलकुलेशन में घेर दिया। एवरेज मंथ का सैलरी का जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, वहां पर वो तुमको घेर दिया। ओके ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड अलाउज 20 डेज लीव इन टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सर यहाँ 20 दिन है, देख के बताओ, मैक्सिमम 30 था ना वहां पे, हर महीना का मैक्सिमम 30 मिल सकता है, लेकिन जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो मैक्सिमम कितना यूज करूंगा? 20। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस सी अवेल 160 लीव, फाइंड हर टैक्सेबल सैलरी। तो सर सबसे पहले यहां पे देखिए, अगर आप इस सवाल को बनाने बैठेंगे, आपको मिला कितना? 3,00,000। ये बात समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन देखो सब कोई। सर ये बात समझ में आ गया, 3,00,000 2,60,000, ये बात समझ में आ गया होगा। अभी तक का बात हम लोग के कंट्रोल में है, लेकिन सर प्रॉब्लम कहां से शुरू होगा पता है? प्रॉब्लम विल स्टार्ट फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मंथ सैलरी। व्हेन यू आर सपोज टू कैलकुलेट द एवरेज मंथ सैलरी, देन ओनली यू आर गोइंग टू फेस सम काइंड ऑफ डिफिकल्टी। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू कैलकुलेट the average month salary, then average period, the average month will begin from the date from where you have retired from the job. So generally in the given question, I have retired from the job from which date? 1/7/21, it is the date from where I have retired. So matlab sir 1/7/1 ko chhodiye, 30 tak leke chalna hai, to matlab seedha seedha June ka pura salary lena hai, 31/7. okay that's cool. To matlab wo wala to pura milega na, kyunki us din hua hai, to July ka pura milega mere ko. अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या होता है, ये देख लो। अब एवरेज मंथ का सैलरी कैलकुलेट करना है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना है? 20। आपका ये जब कैलकुलेट करते तो क्या होता था? बी डी सी। ओके देख लो स्क्रीन पे एक बार, सैलरी का मतलब यही होता है। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कहां से, जुलाई से। सर ये रहा जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फिर जैन, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर। हाँ सर, अरे बैक में 10 महीना कैलकुलेट करो ना, बैक में 10 महीना कैलकुलेट करो, यू विल बी एबल टू। अब सर मेरे को ये पता है कि मेरा बेसिक सैलरी कितना था जब मैं रिटायर हुआ, वहां पे 5,000,
फिर 5000, लेकिन सर जनवरी से आपका बढ़ा था, जनवरी में भी आपको 5000 मिला, लेकिन सर दिसंबर में कम मिला होगा ना, ऑब्वियस सी बात है, कितना मिला, 1000 कम, दैट इज चार्ज ओवर देयर। देन आपका डीए देखना पड़ेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीए इन द गिवन क्वेश्चन, फाइंड आउट द डीए, डीए आपको 2000 दिया हुआ था, उसमें कोई इंक्रीमेंट का बात किया ही नहीं था, तो सर डीए पूरा ले लेंगे इसी से। उसके बाद क्या है सर, कमीशन का बात होगा, कमीशन भी सर आपका फ्लैट है, 2000 2000 2000 2000, 10 महीने का जोड़ लो सर, यहाँ पे जोड़ लिए सर, उसके 10 से डिवाइड कर लिए, ये रहा सर एवरेज सैलरी आपका, हाँ कि ना, यहाँ पे किसी का कोई डाउट है तो पूछो। लिव इनकैशमेंट समझ में आया, चार लिमिट में आपका 2 लिमिट तो बाय डिफॉल्ट हो गया, अब तीसरा लिमिट भी हो जाए, 8700 × 10 यू आर गोइंग टू गेट 87000। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब सर आपको निकालना पड़ेगा 20 दिन हर महीने का मिलेगा, तो मैक्सिमम कितना दिन मिलेगा सर, कंप्यूटर मेरा सर्विस आपका कितना है, 30 × 20 कीजिए, कितना हो गया 600 दिन का सैलरी आपको मिलना था, हाँ कि ना, ओके सर, कंप्लीटेड ईयर है आपका 20, हर साल में आपको कितना फीस है, छुट्टी अलाउड था ओनली 20 × 20 से, तो मतलब आपके खाते में टोटल कितना फीस, मतलब कितना छुट्टी पड़ा हुआ है, 400 दिन का, जिसमें आपने कितना दिन अवेल कर लिया है, 160 डेज अवेल कर लिया, तो माइनस कर लीजिए 160, कितना बचा 240, अब 240 को अगर आप 30 से डिवाइड कर लेंगे तो 8 महीना मिल गया ना, 8 महीना इंटू क्या करें सर, 8 महीना इंटू 8700, यू विल गेट 69600। अरे वो तो डेज है ना, हम लोग तो मंथ का दिया हुआ है, इसीलिए हाँ 240 दिन हो रहा है, तो तुम उसको कैलकुलेट कर लो ना, कैसे डिवाइड 30 कर दो, खत्म खेला, अब देख लो एग्जेम्पशन कितना का मिलेगा, विच वन इज लोअर, 69600, यू विल गेट द वैल्यू दिस। ओके डन, पेंशन का सम कराना पड़ेगा, देख के बताओ, मेरे को नहीं लगता पेंशन का करने का जरूरत नहीं होगा, पेंशन तुम्हें तो समझ में आता है, देख लो एक बार, ये देखिए सर खत्म हो गया, अब अपने लोग को कहां चलना है, एक और जबरदस्त बात था सर, अलायंस, अब अलायंसेस का बात करेंगे, अलायंसेस तो सर हम लोगों ने जब हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया था अलायंसेस के बारे में, तो अलायंसेस में क्या क्या पढ़ा था बताओ, तो 3 टाइप का अलायंस पढ़े थे सर, कौन कौन सा, फुली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल, लिमिट वाला टैक्स, आगे ना, यही तो, फुली टैक्सेबल का मतलब क्या था सर, आपको मिलेगा आपको टैक्स देना, एक होता था एक्सपेंडिचर वाला, एक्सपेंडिचर वाला में क्या होगा, जितना आपने खर्च कर दिया है उतना का डिडक्शन मिल जाएगा, बाकी आपको टैक्स देना, और तीसरा पड़ा था लिमिट वाला, लिमिट वाला में मतलब आप लोगों को कुछ लिमिट दिया गया, तो चलिए जरा तो बात कर लेते हैं क्या क्या है, सबसे पहले फुली टैक्सेबल का बात करते हैं, फुली टैक्सेबल में आप लोगों ने क्या किया था, बड़ा आदमी का नौकरी पड़े थे, बड़ा आदमी का नौकरी में सबसे पहले क्या मिलता है, नौकर, देख लो क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा का सारा लिखा हुआ है, सर्वेंट अलायंसेस है सर, गाड़ी मिला होगा, सिटी कंपनसेटरी अलायंसेस है, घूमने का भी लेके गया था, डॉक्टर अलायंसेस है, ये सारे के सारे अलायंसेस यहाँ पे देखो, एक डीएमएस अलायंसेस है, ओवर टाइम अलायंसेस है, सिटी कंपनसेटरी है, दवा दारू, डॉक्टर है, मेडिकल अलायंसेस, खाना पीना, टिफिन है, उसके बाद इंटरिम अलायंस मतलब छोटा मोटा इसे छुट्टी मिल देता है, सर्वेंट अलायंस है, नौकर भी मिल गया सर, ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी भी दे दिया सर, हैंडीकैप ट्रांसपोर्ट अलायंस एक्सेप्ट हैंडीकैप वाला हम लोग लिमिट में पड़ेंगे, उसके बाद नॉन प्रैक्टिसिंग अलायंसेज एनी अदर कैश अलायंस, सर इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, सीधा सीधा याद रखना, बड़ा आदमी का नौकरी, बड़ा आदमी का जब नौकरी करेगा तो क्या क्या मिलता है सर, सबसे पहले नौकर मिलेगा, दूसरा नौकर मिला, डॉक्टर मिला, खाना मिला, गाड़ी मिला, शहर भी घुमाया, और बीएड खत्म हो गया, पहला इसमें क्या होगा सर, हमेशा ये टैक्सेबल हो, फुली टैक्सेबल, ओके खत्म किया, फुली टैक्सेबल याद रहेगा, हमेशा ये बताओ सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे देते क्या करे सर, फुली टैक्सेबल, कोई चाप नहीं, नौकर का अलाउंस है, सर्वेंट अलाउंस, फुली टैक्सेबल, ये रही है सर, दूसरा क्या था सर, टैक्सेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर,
एक्सपेंडिचर के बेसिस पे सीखने के लिए हम लोगों ने क्या शुरू किया था, यूपीए ने, यूपीए की सरकार ने क्या शुरू किया है, डीडीसी का बस। क्या डीडीसी का बस क्या होता है? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है। अब चलिए सर इसको याद तो कर लो, यूपीए का डीडीसी याद कर लो। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले यू फॉर यूनिफॉर्म अलायंसेज, पी फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलायंसेज, एफ फॉर असिस्टेंस अलायंसेज। असिस्टेंस अलायंसेज को हम लोग हेल्पर अलायंस भी बोलते हैं। ओके, यूपीए हो गया। अब डीडीसी, डी का मतलब सर डेली अलायंसेज, डेली अलायंसेज है ना। और उसके बाद है अब पी फॉर ट्रेवलिंग अलायंसेज, और एक थोड़ा सी जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंस अलायंस। तो इसमें क्या होता है सर, इसमें अगर आपको गवर्नमेंट मतलब आपका एम्प्लॉयर ने पैसा दिया है तो उसमें आप लोग जितना खर्च कर लिया हो ना वो अलाउड हो जाता है डिडक्शन। मानो आपको एम्प्लॉयर ने 5,000 रुपए दिया है यूनिफॉर्म पहनने, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए आपके आपके जो मालिक ने आपको दिया है 5,000 रुपए दिया है कि आप यूनिफॉर्म खरीदे, और आपने यूनिफॉर्म तो खरीदा 3,000 में खरीद लिया, तो सर वो 2,000 जो बचेगा ना वो टैक्स इंस्टेंट 5,000। ओके, खत्म हो गया यूपीए का डीडीसी का सर्विस, बड़ा आदमी का नौकरी, यूपीए का डीडीसी का सर्विस। और ये तो सर पता ही होगा क्या था। अब सर ये वाला था जो लिमिट वाला था, इसमें हम लोग पढ़े थे कुछ तरह इस तरीके से। एक ड्राइवर बच्चा था जिसको क्या किया था, एक ट्रक ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में उठा के कहां पहुंचा दिया, हॉस्टल में। किस लिए? समझ में आ गया, ये वाला स्टोरी हम तो बनाए थे। क्या किया था सर, एक ट्राइबल बच्चा को एक ट्रक वाले ने ट्रक में उठा के कहां लेके चला गया सर, ट्रक वाले ने ट्रांसपोर्ट कर दिया उस बच्चा को कहां, हॉस्टल में। किस लिए? पढ़ाई करने के लिए। अब सर ये सब क्या कहानी बक दी फालतू का, कुछ समझ नहीं आया। अब समझ में आएगा ना, बात करते हैं इस पे। सबसे पहले कौन था वो ट्राइबल, ट्राइबल अलायंसेस कितना का है सर, 250। उसके बाद बच्चा, तो ट्राइबल अलायंस का बच्चा मतलब ट्राइबल का चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस, ये रहा चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंसेस कितना, 100 per month मैक्सिमम 2 child। अब इस बच्चा को उठाया कौन था, ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर का अलायंसेस कितना है सर देख लो यहाँ पे, ट्रक ड्राइवर का अलायंस 10,000 per month या 70% ऑफ अलायंसेस, विच एवर इज लोअर। ट्रक ड्राइवर का भी हो गया, बच्चा को भी उठा लिया, ट्रांसपोर्ट कर लो। अब ट्रांसपोर्ट करेंगे तो सर ट्रांसपोर्ट में किसका ट्रांसपोर्ट, हैंडीकैप लोगों का, कितना मिलेगा सर, 3,200 per month। ट्रांसपोर्ट भी हो गया, बच्चा को भी पहुंचा दिए, कहां पहुंचाना कहां था भाई, हॉस्टेल में। हॉस्टेल में कितना मिलेगा सर आपको अलायंस से, 300 रुपया per month मैक्सिमम 2 child। खेल खत्म, देख लो सर ये है आपका अलायंसेस, ये क्या है सर आपका अलाउंसेस, दिस इज योर अलाउंसेस। अब सर एक और अलाउंसेस है जिसका नाम है एचआरए, जो स्पेसिफिक था, इस पे 5 number का क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको अलग। अब एचआरए में क्या होता है सर, एचआरए में क्या होता है, आप लोगों को पैसा मिलता है, कौन देता है, एम्प्लॉयर देता है। तो सर 3 limit यहाँ पे भी देखना पड़ता था, सबसे पहला क्या एक्चुअल में रखो, दूसरा 40% या 50% ऑफ सैलरी, और तीसरा क्या था सर मतलब रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। खत्म खेला सर, यहां पे देख लीजिए ये सब खेला है। सवाल तो देख लिया अलाउंसेस का, अलाउंसेस का सम देख लेते हैं फिर छोड़ देंगे तुम लोग को, तो पता चल गया तुम लोग भी टूट गया है। रिटायरमेंट बेनिफिट हो गया, अलाउंसेस हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बाकी रहेगा, फिर अब लोग प्रोविडेंट फंड करेंगे, परिक्विजिट करेंगे, तो खत्म हो जाए, नेक्स्ट ईयर एचपीवी करेंगे। चलिए आगे एक बार इसका सवाल देख लेते हैं। हाँ है सवाल, ये देखिए सर, एचआरए का सम था ये, ये देखिए सम नंबर 27। हम लोग पढ़ते पढ़ते ही देख लेते हैं, यहीं पे पढ़ते पढ़ते समझ लेते हैं, फिर तुम लोग आंसर मिलाना। ये देखो सबसे पहले बेसिक फुली टैक्सेबल एफटी लिखते हैं, हाँ इलस्ट्रेशन 27। एक बार सब पहुंचो वहां पे, पहुंच गया, हम एफटी लिखूंगा, तुम लोग जब बनाएंगे ना अलायंसेस में तो भी फुली टैक्स, बीएनएस अलायंसेस फुली टैक्सेबल सर, एजुकेशन अलायंसेस फुली टैक्सेबल नहीं, आपको सर यहाँ पे 300 का लिमिट मिलेगा, 300 का लिमिट मिलेगा। देखो तो कितना का मिलेगा, अरे भाई 100 का मिलेगा ना, 300 का तो हॉस्टल में मिलता है। उसके बाद हॉस्टल अलाउंसेस कितना मिलेगा सर, 300 का अलाउंसेस मिल जाएगा। मेडिकल अलाउंस, बड़ा आदमी का नौकरी था ये मेडिकल अलाउंस एफटी। अरे कहां चला गया तू, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, तो
ये ट्रांसपोर्ट अलायंस किसके लिए था? सिर्फ हैंडीकैप लोगों के लिए। अगर कोई आदमी हैंडीकैप होता है तो उसको 3200 का अलायंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बोला है मिस्टर नोबल हैंडीकैप है नहीं, तो सर ये फुल्ली टैक्सेबल। ओके, सर्वेंट अलायंसेस कहाँ जाएगा सर? बोलो, नौकर का अलायंस कहाँ मिला था? बड़ा लोगों का नौकरी एफटी। सिटी कॉम्पनसेटरी घुमाने लगा गया था, बड़ा लोगों का नौकरी एफटी। एंटरटेनमेंट अलायंस फुल्ली टैक्सेबल। असिस्टेंट अलाउंसेस यूपीए का डीटीसी। तो ये सर असिस्टेंट अलाउंसेस है, तो सर असिस्टेंट अलाउंस में क्या मिलेगा आपको? जितना खर्च कर दिया है, तो 3000 था, 2000 खर्च किया, 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा? टैक्स 1000, मतलब 1000 पर मंथ टैक्सेबल। प्रोफेशनल डेवलपमेंट यूपी वाला है, देख लो यूपीए का, तो प्रोफेशनल ये भी देख लो कितना मिला है आपको, 2000, लेकिन खर्च कितना हुआ है? 8000। तो मतलब फायदा तो कुछ हुआ नहीं, फुल्ली नॉट टैक्सेबल, ये टैक्स होगा नहीं, कुछ भी टैक्स होने के लिए बचाई गई। बोनस क्या होगा सर? कमीशन फुल्ली टैक्सेबल, फीस फुल्ली टैक्सेबल। सरकार पढ़ा बताओ, याद हो गया? खत्म करा। अभी अलाउंसेस तक अपना केस अलाउंसेस तक ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग क्या शुरू करेंगे? अब नेक्स्ट डे हम लोग शुरू कर लेंगे अपना जो बाकी से बचा हुआ सैलरी को खत्म करके एसपी में जम मारेंगे उस दिन। ओके, अगर किसी का कोई क्वेरी है तो वो अपना कमेंट बॉक्स पे लिख देना, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा और टेलीग्राम का लिंक पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, चलिए, तो आज यहीं पे हम लोग अपना ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं और इसे बंद करते हैं।